नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके? ऑल गुड। मैराथन क्लास हम लोग कर रहे हैं, जहां पे पहली क्लास के अंदर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके कैपिटल गेन्स तक सब कुछ मैंने आपको करवा दिया था, रिवाइज करवा दिया था। होपफुली आपको डाउट्स नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो जस्ट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिएगा, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे को टेलीग्राम के ऊपर। थोड़ा सा जवाब देने में लेट हो सकता हूं, लेकिन जवाब जरूर दूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। हम लोग कैपिटल गेन्स तक सब कुछ कर चुके थे, जो बाकी के चैप्टर्स हैं अदर सोर्सेस डिडक्शंस क्लबिंग ऑफ इनकम सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस टीडीएस एडवांस टैक्स, ये आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे। जो मेजर टॉपिक इसके अंदर होगा दैट इज डिडक्शंस। कैपिटल गेन्स के अंदर सेक्शन नंबर 112A बहुत इंपॉर्टेंट, उसके अंदर शेयर्स के लिए कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है वो जरूर करके जाएगा। 112A में टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करना है वो जरूर करके जाएगा। आपने पूरा का पूरा अमाउंट टोटल इनकम में इंक्लूड करना है, और टैक्स कैलकुलेशन करते समय आपने 1,00,000 रुपए की एग्जम्पशन देनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आज की क्लास के अंदर जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिडक्शंस क्लबिंग सेट ऑफ एंड सो ऑन। आज हम लोग इस मैराथन क्लास को वाइंड अप करेंगे, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सबके पास मेरे नोट्स हैं, ये वाले नोट्स आप सबके पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अगर आपके पास ये नोट्स अभी तक नहीं है किसी भी कारण से, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर ये नोट्स मिल जाए तो वो भी पॉसिबल है। आप सिंपली व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज मेरे को भेज दीजिए, मैराथन लिख के मेरे को मैसेज कर दीजिए। कौन से नंबर पर मैसेज करेंगे, आपके पास मेरा नंबर होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये नंबर आप देख सकते हैं। मैं इसे इनलार्ज कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी थोड़ी सी इसमें बेटर हो जाए। दिस इज माई नंबर 8010921000। ये नंबर कॉल्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, एसएमएस के लिए, व्हाट्सएप के लिए, और साथ साथ में टेलीग्राम के लिए भी आप इस नंबर को यूज कर सकते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट विद टुडेस क्लास। वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो अपने आप के अंदर इस चैप्टर में से कोई इंडिविजुअल फुल क्वेश्चन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कम रहती है कि फुल क्वेश्चन यहां से आ जाए, वो नहीं होगा, नहीं होता, जनरली नहीं होता। लेकिन हाँ, जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का, जिसकी वेटेज 14 मार्क्स की होती है, उसके अंदर इस चैप्टर में से जरूर एग्जामिनर कुछ ना कुछ पूछता है, खासतौर पर डिविडेंड का जो टैक्स ट्रीटमेंट है, या पोस्ट ऑफिस से सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट है उसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है, ये एग्जामिनर के लिए काफी फेवरेट एरिया बन जाता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, अगर सिक्योरिटीज है, डिबेंचर्स है, उसका इंटरेस्ट है, तो वहां पे वो नेट ऑफ टीडीएस आपको बताएगा, तो उसे ग्रॉस अप करने का काम एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको आता होगा। ग्रॉसिंग अप वाला जो कंसेप्ट है वो हम लोग सीखेंगे टीडीएस के चैप्टर में, लेकिन आज यहां पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डीम्ड डिविडेंड इसके अंदर एक टॉपिक हमारे पास आएगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड हेयर वी गो विद इट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो मेन सेक्शन है वो है हमारे पास सेक्शन नंबर 56। इस बात का हमेशा 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 याद रखिएगा कि सेक्शन 56 के अंदर दो सबसेक्शन है, सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 जो कि चार्जिंग सेक्शन है, और दूसरा है 56 सबसेक्शन 2 जो कि आपको लिस्ट ऑफ इनकम्स बताता है, वो इनकम्स जो कि हमेशा टैक्सेबल होंगी एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। चार्जिंग सेक्शन हमें क्या बता रहा है, चार्जिंग सेक्शन कहता है कि ऐसी कोई भी इनकम जो टैक्सेबल तो है, ऐसी कोई भी इनकम जो टैक्सेबल तो है लेकिन उसको टैक्सेबल नहीं किया सैलरी के चैप्टर में, उसे टैक्सेबल नहीं किया हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में, बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में, कैपिटल गेन्स के चैप्टर में, उस इनकम को आप टैक्सेबल कर दीजिए इस चैप्टर में जिसका नाम रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये बात सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 1 में लिखी गई है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 की अगर हम लोग बात करें तो वो लिस्ट आपको दे देता है कि कौन कौन सी इनकम्स हैं जो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होंगी। लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है डिविडेंड। हमेशा हमेशा याद रखिएगा डिविडेंड विल ऑल्सो इंक्लूड डीम डिविडेंड्स। डीम डिविडेंड सेक्शन 222A, 222B, 222C, 222D, 222E।
222E के अंदर भी हमारे पास तीन अलग अलग केसेस बन जाते हैं, तीन अलग अलग सिचुएशंस बन जाती हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। उसके अलावा कैजुअल इनकम्स, मैंने आपको हमेशा बताया कैजुअल इनकम्स वो इनकम्स होती हैं जो आप डे टू डे बेसिस पे नहीं कमाते, ऐसे इनकम्स जो विंडफॉल गेन्स होता है। अगर मैं विंडफॉल गेन्स को हिंदी में समझाऊं तो एक कहावत हम लोगों ने सुनी है, अक्सर हम लोग सुनते हैं, कहते हैं कि भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। इसको अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो बोलते हैं विंडफॉल गेन्स। लॉटरी का पैसा, गैम्बलिंग्स का पैसा, बेटिंग्स का पैसा, ये सब के सब आपके लिए बन जाते हैं विंडफॉल गेन्स। इनको हम लोग विंडफॉल गेन्स बोलते हैं, एंड दीज आर व्हाट वी कॉल कैजुअल इनकम्स एंड दे आर ऑलवेज टैक्सेबल। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर स्टाफ वेलफेयर फंड्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो फिर वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ सकता है। कैसे आएगा जरा वो बात करो ध्यान से सुनेगा। देखिए पोजीशन हमारे पास कुछ ऐसी है कि एम्प्लॉई स्टाफ वेलफेयर फंड्स का पैसा एम्प्लॉयर को देता है। मान लेते हैं आप एम्प्लॉई मैं एम्प्लॉयर, तो आप स्टाफ वेलफेयर फंड का पैसा जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा आप मेरे को दोगे एज एन एम्प्लॉयर। अब वो पैसा मैंने आगे प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करना है। मान लीजिए मैंने आपसे पैसा तो ले लिया, आप इंप्लॉई है मैं इंप्लॉयर हूं, मैंने आपसे तो पैसा ले लिया लेकिन वो पैसा मैंने आके प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट नहीं किया। तो जो पैसा प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करना था लेकिन मैंने वो डिपॉजिट नहीं किया, वो मेरे लिए एज एन इंप्लॉयर इनकम बन जाएगा। वो इनकम मेरे लिए कौन से चैप्टर में होगा? अगर तो प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो मेरे लिए टैक्सेबल होगा इन द चैप्टर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन नंबर 28। लेकिन अगर वो प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो फिर वो पैसा मेरे लिए टैक्सेबल होगा इन द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहां पे हम लोग वही बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि कॉन्ट्रीब्यूशन करना था, वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि करना था इंप्लॉय का पैसा आगे जमा करवाना था, जो जमा नहीं करवाया दैट बिकम्स अ इनकम। देन इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट आपका सिक्योरिटी से भी हो सकता है, सेविंग से भी हो सकता है। रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी और फर्नीचर, अगेन याद रखिएगा अगर आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी है प्लांट मशीनरी फर्नीचर को लेट आउट करने का, जैसे टेंट हाउस वालों का मेन काम होता है कुर्सियां किराए पे देने का, जनरेटर किराए पे देने का, कॉफी की मशीन किराए पे देने का, तो फिर उनके लिए वो रेंटल इनकम टैक्सेबल है इन द चैप्टर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका मेन सोर्स ऑफ इनकम ये नहीं है लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए वो ऐसा कर रहा है तो फिर टैक्सेबल होगा एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। उसके अलावा कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो पैसा मिलता है मैच्योरिटी पे, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगेन ये पैसा अगर आपको याद हो मैंने आपको अमिताभ बच्चन वाला एग्जांपल हमेशा दिया, अमिताभ बच्चन और केबीसी के बीच की अगर हम लोग बात करें, कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होती है और पैसा अमिताभ बच्चन को मिलता है तो अमिताभ बच्चन के लिए टैक्सेबल होगा। ये देखेंगे कि अमिताभ बच्चन और केबीसी का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, अगर हाँ है तो टैक्सेबल होगा इन द चैप्टर ऑफ सैलरी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है तब हम लोग उसे टैक्सेबल करेंगे इन दिस चैप्टर, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सबलेटिंग तो मैं आपको पहली क्लास के अंदर भी जो आज सुबह हम लोगों ने क्लास करी थी उसमें भी बता चुका हूं। देन इंटरेस्ट ऑन इनहांस्ड कंपनसेशन, अगर आपको कोई कंपल्सरी एक्विजिशन की वजह से इंटरेस्ट मिल रहा है या इनहांस्ड इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है, और उसके ऊपर अगर कोई देरी की वजह से अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि सेक्शन 57 के हिसाब से हम 50% का डिडक्शन दे देंगे और बाकी का 50% टैक्सेबल करेंगे, बट एक बार को तो वो इनकम तो है ही आपके लिए। देन वी हैव इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन फ्रॉम मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। अगेन मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के केस में भी 50% का आपको डिडक्शन मिलता है सेक्शन 57 में। अगर आपके पास शेयर प्रीमियम है और वो शेयर प्रीमियम जो आपको मिल रहा है वो साथ साथ में मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा अगर शेयर्स को इशू किया और वो शेयर्स प्रीमियम पे इशू किया तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी टैक्सेबल फॉर द कंपनी। और कंपनी भी कौन सी कंपनी? वो कंपनी जिसके अंदर पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। तो याद रखिएगा दो कंडीशन है, पहला द शेयर्स शुड बी इशूड एट द प्राइस विच इज मोर देन द मार्केट वैल्यू, एंड
इट शुड बी इश्यूड एट अ प्रीमियम, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एडवांस मनी फॉरफिटेड, यस, अगर पहली अप्रैल 2014 के बाद एडवांस मनी फॉरफिट किया तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, उससे पहले वाली अगर कोई कंडीशन है तो फिर वो हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में सेलेस करते हैं। एक बात का हमेशा याद रखिएगा, प्रीवियस ओनर अगर फॉरफिट करेगा तो आप कभी भी लेस नहीं करेंगे। अगर आपको कोई कंपनसेशन एम्प्लॉयर से मिल रहा है या अदर देन एम्प्लॉयर आपको मिल रहा है वो भी आपके लिए टैक्सेबल है एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। लास्ट नॉट द लीस्ट, जो भी आपको गिफ्ट्स मिलते हैं वो गिफ्ट्स आपके लिए टैक्सेबल हैं एज द इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। गिफ्ट्स के बारे में बहुत डिटेल चर्चा अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ करूंगा। सेक्शन 57 हमें बताता है कि खर्चे जो जिनका डिडक्शन हमें मिलेगा, सेक्शन 56 में जो इनकम टैक्सेबल हो रही है उनसे रिलेटेड जो खर्चे हैं आप उन सभी खर्चों का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, आइए जरा स्टार्ट करें, ध्यान से देखिएगा। आपने किसी भी प्रकार से बैंकर को अगर कोई रेमुनरेशन पे किया है डिविडेंड की कलेक्शन के लिए, इंटरेस्ट की कलेक्शन के लिए, तो फिर आप वो खर्चों का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। इसी प्रकार से अगर आपने एसेट्स से रिलेटेड रिपेयर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम और का खर्चा किया या अगर आपके एसेट से डिप्रिशिएट हो रहे हैं आप उनको भी लेस कर सकते हैं, कोई इसमें मनाही नहीं है। देन सेक्शन 57 हमें बताता है फैमिली पेंशन, अगर आपको फैमिली पेंशन मिली है तो फैमिली पेंशन का पैसा जो आपने कमाया वो फैमिली पेंशन का पैसा का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 57। कितना डिडक्शन क्लेम करेंगे आप, डिडक्शन क्लेम करेंगे 15,000 या 1/3, इन दोनों में से जो सभी लोअर अमाउंट होगा उस लोअर अमाउंट का। और साथ साथ में ध्यान रखना, अगर इनहांस्ड कंपनसेशन के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट का भी आप 50% का डिडक्शन ले सकते हैं। हाँ, मोटर क्लेम एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल में भी ऐसे ही है, वहां पे भी आपको 50% का डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 58 हमें यह बताता है कि कौन कौन से केस में डिडक्शन क्लेम नहीं किया जा सकता। सेक्शन 58 रिस्ट्रिक्शन देता है कि आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे बहुत सीधी सीधी सी बात को समझेगा, सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन है जो आपको यह बता रहा है कि इनकम को अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कब करना है, कब करना है भाई, अगर वो इनकम सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, कैपिटल गेन्स नहीं है तो अदर सोर्सेज में जाएगा। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 आपको लिस्ट देता है कि वो इनकम्स तो सारी की सारी हमेशा की हमेशा अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल है। सेक्शन 57 उसके बाद आपको लिस्ट देता है एक्सपेंसेस की, जिन एक्सपेंसेस का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। और उसके बाद सेक्शन नंबर 58 आपको बताता है कि आप कौन कौन से खर्चों का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं, किस किस का आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ध्यान से देखिएगा, किसी भी कैजुअल इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया उसका डिडक्शन नहीं ले सकते। जैसे आपने कोई लॉटरी की टिकट परचेस की तो लॉटरी टिकट परचेस करने का जो पैसा है आप उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। एक तो ये मेन पॉइंट है, इसके अलावा भी अगर मैं यहां पे आपको कुछ लिख के दे दूं तो आपके लिए शायद अच्छा रहेगा। अगर आपका डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट, तो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अगर आपका डिविडेंड एग्जेम्प्टेड डिविडेंड की कैटेगरी में आता है तो उस डिविडेंड को कमाने के लिए जो आपने खर्चे किए उन खर्चों को लेस करना अलाउ नहीं किया जाता। ये आपके पास एक और मेन पॉइंट आ जाता है। इसमें एक और पॉइंट आप लिख ले, आप किसी भी प्रकार के कोई पर्सनल खर्चे अगर हैं तो आप उनको लेस नहीं कर सकते हैं। और देन 58 के अंदर कुछ और इस प्रकार से लिस्ट भी आपको गिवन है, आप उन सारे एक्सपेंसेस को लेस नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको जो मेनली दो पॉइंट्स बताए हैं वो मेन पॉइंट्स हैं जो कई एग्जामिनर आपको टेस्ट कर सकता है। पहला मेन पॉइंट, कैजुअल इनकम से रिलेटेड अगर कोई खर्चा है लेस नहीं होगा। दूसरा मेन पॉइंट, डिविडेंड अगर एग्जेम्प्टेड डिविडेंड है उस डिविडेंड को कमाने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया तो लेस करना अलाउ नहीं किया जाता है। मेरे बेटा, अदर सोर्सेज के चैप्टर का एक सबसे बड़ा पॉइंट है गिफ्ट।
गिफ्ट जो आपको मिल रहा है, जो गिफ्ट आपको मिल रहे हैं, वो गिफ्ट आपके लिए एग्जेम्प्ट है अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, टैक्सेबल है अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। गिफ्ट्स को आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, मॉनेटरी गिफ्ट होगा, नॉन मॉनेटरी गिफ्ट होगा। नॉन मॉनेटरी गिफ्ट में फिर दो कंडीशंस बन जाती हैं, मूवेबल होगा, नॉन मूवेबल होगा, और फिर आगे ये चेक करना होगा कि वो गिफ्ट कहां से मिल रहा है, रिलेटिव से मिल रहा है, नॉन रिलेटिव से मिल रहा है। रिलेटिव में कौन कौन आएगा उसकी मैं आपको पूरी स्टोरी या पूरी कहानी मैं अभी आपको समझा दूंगा। आइए जरा हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि गिफ्ट के बारे में हम लोग बात करें। पहली चीज हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं कि गिफ्ट किस किस प्रकार के हो सकते हैं। कैश गिफ्ट हो सकता है, काइंड में हो सकता है, इमूवेबल एसेट हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, मूवेबल एसेट्स हो सकते हैं। याद रखिएगा मूवेबल एसेट्स में वो ही एसेट्स को कंसिडर करेंगे जिन्हें कैपिटल एसेट माना जाता है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन नंबर 14। जैसे अगर कार की बात करें, मोबाइल फोन की बात करें, इस घड़ी के बारे में बात करें, तो ये सारे के सारे एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं है। और क्योंकि कैपिटल एसेट्स नहीं है, अगर आपको इन एसेट्स का गिफ्ट मिलता है तो वो कंसिडर भी नहीं किया जाएगा, उसको हम लोग गिफ्ट नहीं मान रहे हैं, उसे टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो मूवेबल एसेट्स के अंदर सिर्फ वो एसेट्स आएंगे जो कैपिटल गेन्स के अंदर कैपिटल एसेट्स माने जाते हैं। हमने जो पहली क्लास करी थी उसके अंदर कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन करी थी, तो डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स को देखिएगा, जो एसेट्स वहां मेंशन है वही एसेट्स यहां पे भी मेंशन किए जाएंगे, सेम एसेट्स विल बी कवर्ड हियर एज वेल। चलिए तो आगे देखे हैं डोनर। डोनर का मतलब जो दे रहा है, देने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जिसको मिल रहा है वो भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और ऐसे ही डोनी लेने वाला भी, दैट मीन्स जो दे रहा है उसका स्टेटस कुछ भी हो सकता है, जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसका स्टेटस कुछ भी हो सकता है, एंड सो ऑन। उसके अलावा हम लोग कंसिडरेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास कैश गिफ्ट है तो वहां पर कोई कंसिडरेशन की बात नहीं आती, लेकिन अगर वो मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, तो वहां पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी हो सकता है और नो कंसिडरेशन का केस भी हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन या विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। सिमिलरली मूवेबल एसेट्स में भी विदाउट कंसिडरेशन एंड विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दोनों केसेस हो सकते हैं। कितना कितना पैसा टैक्सेबल होगा, याद रखिएगा कैश गिफ्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, रिलेटिव से मिलेगा तो सब कुछ एग्जेम्प्ट है, नॉन रिलेटिव से मिलेगा और वो भी पैसा नॉन रिलेटिव से 50,000 पे पर एनम, 50,000 पे पर एनम इन एग्रीगेट अगर आपको मिलेगा तो फिर उसे हम लोग टैक्सेबल रखेंगे। अगर मैं हमेशा अपने बैच के अंदर ये वाला एक एग्जाम्पल देता हूं, एक व्यक्ति है, उसके तीन गर्लफ्रेंड्स हैं, तीनों गर्लफ्रेंड्स उसको 20,000 रुपए का गिफ्ट दिया बर्थडे के ऊपर, गर्लफ्रेंड्स आर नॉन रिलेटिव्स, 20,000 ईच कम्स टू 60,000 एनुअली, द फुल 60,000 विल बी टैक्सेबल ओवर हियर। ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपए छोड़ के आपने 10,000 रुपए को टैक्सेबल करना है। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल्स दैट आई यूज एवरी टाइम इन माय क्लासेस। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात करें, यह बड़ी जरूरी बात है। लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर पहली कंडीशन हमारे पास है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस लैंड एंड बिल्डिंग की 50,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। पहली कंडीशन हमारे पास ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी कंसिडरेशन पे किया गया है, अगर तो कंसिडरेशन पे नहीं किया फिर तो कोई टेंशन नहीं है, अगर कंसिडरेशन पे नहीं किया और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर दैट विल बी टैक्सेबल। अगेन याद रखिएगा, मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको नॉन रिलेटिव से मिल रहा है, रिलेटिव से मिल रहा है तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। नॉन रिलेटिव से अगर आपको मिल रहा है और आपने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया, लैंड और बिल्डिंग की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, इट विल बी टैक्सेबल। अगर आपने कंसिडरेशन पे किया है, अगर आपने कंसिडरेशन पे किया है तो फिर हम लोग वो 105% वाला कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे जो हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस किया था। 105% वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से याद है, मैंने आपको बताया था कि रियल एस्टेट में मंदी होने की वजह से लोगों ने डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया,
तो सरकार ने कहा ठीक है हम भी डिस्काउंट अलाउ करेंगे लेकिन मैक्सिमम 5% करेंगे। तो वो 5% वाली कहानी कहां से आई, 105 क्यों कर रहे हैं, वो सब कुछ हम लोग पहली क्लास में कर चुके हैं। साथ साथ में गवर्नमेंट ने कहा कि 105% के साथ में हम लोग ये भी चेक करेंगे कि क्या स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यू और जो कंसिडरेशन दिया उसका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है या नहीं। तो 105% भी हो और 50,000 से ज्यादा भी हो तब हम लोग टैक्सेबल करेंगे फॉर द रिसीवर, और वो भी तब अगर वो नॉन रिलेटिव से मिल रहा हो। तो दोनों कंडीशन चेक करनी है, 50,000 से ज्यादा, 105% से ज्यादा। साथ साथ में मेरे बच्चे अगर ये मूवेबल एसेट है और मूवेबल एसेट में 50,000 रुपए से ज्यादा क्या की वैल्यू है, अगेन यहां पे याद रखिएगा ये 50,000 रुपए मूवेबल एसेट में पर एनम है, लेकिन इमूवेबल एसेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इमूवेबल एसेट में ये पर एनम ना होगी, ये पर ट्रांजेक्शन है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पीटी, याद रखिएगा पीटी विल स्टैंड फॉर पर ट्रांजेक्शन एंड पी ए स्टैंड फॉर पर एनम। तो मूवेबल एसेट में पर एनम चेक करना है आपने और इमूवेबल एसेट में आपने पर ट्रांजेक्शन चेक करना है। साथ साथ में अगर आपने कोई कंसिडरेशन पे किया है तो कंसिडरेशन जो आपने पे किया वो और जो उसकी मार्केट वैल्यू है अगर उसका डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा है तब हम लोग टैक्सेबल करेंगे इन केस ऑफ मूवेबल एसेट्स। एक चीज को और ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस है मूवेबल गुड्स में डील करने का, अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस है मूवेबल गुड्स में डील करने का और वो उन एसेट्स को कैपिटल एसेट्स को दे रहा है, उन एसेट्स को वो दे रहा है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, चाहे वो डिस्काउंटेड प्राइस 50,000 से ज्यादा का डिस्काउंट क्यों ना हो या जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा क्यों ना हो, हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। उदाहरण देता हूं इसका बड़ा सिंपल सा, मान लीजिए मैं और आप हम लोग अच्छे दोस्त हैं, आपका ज्वेलरी का शोरूम है, आपका मेन बिजनेस है ज्वेलरी बेचने का, मेरे को अपने परिवार के लिए कुछ ज्वेलरी आइटम्स परचेस करने हैं, मैं आपकी दुकान पे आता हूं, आपने मेरे को कहा कि जोहर साहब ऐसा है कि ये जो सोने का हार है इस सोने के हार की कीमत 5,00,000 रुपए है, बाजार का कोई भी व्यक्ति मेरे पास आएगा कॉमन मैन आएगा मैं 5,00,000 रुपए का दूंगा, लेकिन आप तो बड़े सज्जन हैं आपके साथ दोस्ती यारी मेरी बड़ी अच्छी है, मैं आपको 3,00,000 रुपए का दे रहा हूं, दैट मीन्स आपने मेरे को 2,00,000 का डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट 50,000 से ज्यादा है, स्टिल मेरे लिए ये टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि यहां पे ये गिफ्ट नहीं माना गया। और क्यों नहीं माना गया, क्योंकि ये आपकी दुकानदारी का केस है, यहां पे आप दुकानदारी कर रहे हैं, यहां पे इसे ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट मानते हुए इसे टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। लेकिन हां अगर आपकी दुकानदारी ना होती, आपने अपना एक सोने का हार वैसे ही बेचा, आपके पास वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा हुआ है, आपने वो सोने का हार बेचा और मैंने वो सोने का हार खरीदा 5,00,000 की कीमत की चीज 3,00,000 अगर आप मैं खरीद रहा हूं तो जो 2,00,000 का बेनिफिट मेरे को मिला दैट 2,00,000 का बेनिफिट विल बी टैक्सेबल फॉर मी, अगर आपका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है तब। साथ साथ में मेरे बच्चे एक बात का और ध्यान रखिएगा, कुछ केसेस टैक्सेबल नहीं है, जैसे मैंने भी आपको बताया कौन कौन से केसेस हैं जहां टैक्सेबल नहीं है, अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है किसी रिलेटिव से तब वो टैक्सेबल नहीं है, अगर आपको गिफ्ट मिला है अंडर विल और अंडर इनहेरिटेंस तब भी टैक्सेबल नहीं होगा। मैंने अपनी क्लासेस में हमेशा डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना का एक एग्जाम्पल दिया है यहां पे। इसके अलावा अगर आपको लोकल अथॉरिटी से कोई पैसा मिला है या अगर आपको किसी फंड से, फाउंडेशन से, यूनिवर्सिटी से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, किसी ट्रस्ट से अगर आपको पैसा मिला, आपको याद होगा मैंने इस पॉइंट पे, ट्रस्ट वाले पॉइंट पे या फाउंडेशन वाले पॉइंट के ऊपर मैंने एग्जाम्पल आपको करवाया था सलमान खान का। इनफैक्ट कोई एग्जाम्पल नहीं था, वो रियल लाइफ कहानी थी। सलमान खान ने हमारे एक स्टूडेंट को कुछ फंडिंग करी थी और वो स्टूडेंट को जब वहां से सलमान खान से पैसा मिला था तो वो सलमान खान से वो पैसा टैक्सेबल नहीं होगा। सलमान खान ने की जो ट्रस्ट चलती है बीइंग ह्यूमन, उससे रिलेटेड वो एग्जाम्पल था, मैंने क्लास में करवाया था, क्लास में मैंने वो एग्जाम्पल आपको लिखवाया भी था। तो जो भी फंडिंग सलमान खान
उस स्टूडेंट को दे रहा है ताकि वो अपनी सीए की पढ़ाई कर सके, दैट फंडिंग विल नॉट बी टैक्सेबल फॉर द स्टूडेंट। ये सारी चीजें हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। साथ साथ में बच्चे ध्यान रखिएगा, शादी में मिलने वाला जो भी गिफ्ट है वो टैक्सेबल कभी नहीं होता, चाहे आपको रिलेटिव से मिले, नॉन रिलेटिव से मिले, किसी भी वैल्यू का हो, किसी भी अमाउंट का हो, टैक्सेबल नहीं होगा। एक और बात का ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है अगर उस वो उम्मीद करता है, उसे ऐसा लगता है कि भाई अब मेरी डेथ होने वाली है, ही कंटेम्पलेट्स टू डेथ। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना, ऐसा लगना, उम्मीद करना, उसे हम लोग बोलते हैं कंटेम्पलेशन। तो मेरे बच्चे कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ अगर है तो उस केस में जो भी गिफ्ट मिलेगा वो गिफ्ट का पैसा टैक्सेबल नहीं होगा। आपको याद होगा मैंने अपनी क्लासेस के अंदर केयर टेकर का एग्जाम्पल करवाया था कि एक व्यक्ति है 80 साल का है, ब्लड कैंसर है, डॉक्टर से जवाब दे दिया कि भाई अब आप अगले 2 महीने के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी, और फिर उन 2 महीनों के अंदर वो देता है साथ साथ में गिफ्ट्स अपने केयर टेकर को, वो केयर टेकर का वो मिलने वाला गिफ्ट एग्जेम्प्ट होगा। ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था। साथ साथ में बहुत टाइम पहले एक मूवी आई थी सफर, दिस वॉज द मूवी ऑफ अमिताभ बच्चन एंड राजेश खन्ना, जहां पे राजेश खन्ना को कैंसर होता है। इनफैक्ट सफर नहीं था, उसका नाम था आनंद। राजेश खन्ना को कैंसर होता है और अमिताभ बच्चन उसका डॉक्टर होता है। अ ब्रिलियंट 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 मूवी, आप कभी भी देखना, सीरियस मूवी है, हंसी मजाक बहुत कम है उसके अंदर। बाबू मोशाय वाला जो वर्ड है वो उसी मूवी से आया था, आनंद की मूवी से आया था। तो अगर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है किसी मरीज को और मरीज को लगता है कि अब मेरी डेथ होने वाली है, और उस दौरान अगर वो गिफ्ट्स दे रहा है तो जिसको गिफ्ट मिलेगा उसके लिए वो एग्जेम्प्ट रहेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। साथ साथ में मेरे बच्चे किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से अगर कोई पैसा मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है। बेसिकली यही चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वाला जो पॉइंट था, ये सलमान खान की बीइंग ह्यूमन वाला पॉइंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले किया है। साथ साथ में ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 के अंदर जो आपको लिस्ट गिवन है, उस लिस्ट के अलावा, उस लिस्ट के बावजूद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो टैक्सेबल होंगी अंडर द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में गिवन नहीं है, वो लिस्ट भी आ जाएगी। उदाहरण के तौर पर इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अगर आपने कोई एग्रीकल्चर इनकम कमाई है फ्रॉम अ लैंड इन इंडिया तो वो एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, लेकिन अगर वही जमीन हिंदुस्तान के बाहर लोकेटेड है और अगर आप एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं तो वो टैक्सेबल है। टैक्सेबल कौन से चैप्टर में? अंडर द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इवन दो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 की लिस्ट में गिवन नहीं है, स्टिल इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। ऐसे ही कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं जिनका डिस्कशन हम लोगों को करना चाहिए, वो कौन से हैं? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस की इनकम, फैमिली पेंशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, कॉम्पोजिशन लेटिंग आउट, जहां पे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि कॉम्पोजिट रेंट है जहां पे आपको बिल्डिंग के साथ साथ में फर्नीचर और प्लांट मशीनरी का रेंट भी मिल रहा है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एंड सो ऑन। तो अब यहां पे हमारे पास जो पोजीशन आ रही है वो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात कर देता हूं मैं एक छोटा सा। मेरे बच्चे डिडक्शंस का चैप्टर बड़ा जरूरी है हमारे लिए, और डिडक्शंस के चैप्टर में हम लोग 80C का सेक्शन करते हैं। 80C सेक्शन के अंदर एक टॉपिक आता है लाइफ इंश्योरेंस का। लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड आप हर साल प्रीमियम पे करते हैं। आप प्रीमियम कितना पे करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपने पॉलिसी किस व्यक्ति के लिए ली है और उसकी उम्र कितनी थी। जैसे आप सभी स्टूडेंट जितने यहां पे बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं मेरी क्लास को, आप सबकी उम्र 18, 19, 20, 21 साल की होगी। 18, 19, 20, 21 साल की होगी। मेरी उम्र 41 साल की है। नाउ अगर मैं अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस लेता हूं तो मेरे को प्रीमियम ज्यादा देना होगा क्योंकि मेरी लाइफ ज्यादा है आपके मुकाबले में। रिस्क ऑफ लाइफ इज मोर आपके मुकाबले में। मेरे मुकाबले में मैं आपकी बात करूं तो आपकी उम्र कम है, इस वजह से आपका रिस्क ऑफ लाइफ कम है। आपको जो प्रीमियम देना होगा वो मेरे मुकाबले में आपको प्रीमियम कम देना होगा।
आपका मुकाबला मेरा मुकाबला करते हैं मेरे पिताजी से, माय फादर इज 77, तो मैं अगर अपने फादर के लिए इंश्योरेंस करवाता हूं तो याद रखिएगा रिस्क ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा है, उम्र ज्यादा है, रिस्क ऑफ लाइफ ज्यादा है, तो इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम पे होगा वो प्रीमियम अमाउंट में बहुत ज्यादा पे होगा। इसी वजह से हमेशा ये कहा जाता है कि जब अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाना हो तो अपनी लाइफ में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंश्योरेंस करवाइए, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ लाइफ कम होने की वजह से आपका प्रीमियम का अमाउंट भी कम होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपने अपनी लाइफ में देरी से प्रीमियम का इंश्योरेंस करवाया है तो प्रीमियम ज्यादा देना होगा, उस हिसाब से आपको डिडक्शन में रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं 10% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा, जैसे मान लीजिए पॉलिसी अमाउंट है 5 लाख रुपए का और आप प्रीमियम पे कर रहे हैं 10% से ज्यादा, 50,000 से ज्यादा, मान लीजिए आपने 51,000 पे किया, तो आपको जो 80C में डिडक्शन मिलेगा वो 10% तक, दैट इज 50,000 तक का ही मिलेगा। एक्स्ट्रा 1,000 जो आपने पे किया उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये आपके पास कंसेप्ट आता है इन केस ऑफ दिस इंश्योरेंस प्रीमियम। वही बात है, अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम उस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर अंदर पे किया तो जब पॉलिसी मैच्योर होगी आपको जो पैसा वापस मिलेगा दैट पैसा विल बी 100% एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन अगर आपने वो उस पर्टिकुलर प्रीमियम से, उस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा का अगर आपने प्रीमियम पे किया तो पॉलिसी की मैच्योरिटी पे आपको जो पैसा मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल, एंड दैट विल बी टैक्सेबल एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। प्लस सेक्शन 194DA में उसके ऊपर TDS भी काटना होगा इंश्योरेंस कंपनी को जब वो पैसा पे करेगी। ये सारी बातें जो अभी मैंने पिछले 3-4 मिनट में बोली हैं, ये सारी बातें मैंने लिखवाई हुई हैं इन द चैप्टर ऑफ डिडक्शंस अपने स्टूडेंट्स को। आप में से किसी को भी अगर डिडक्शंस के नोट्स चाहिए हो या अदर सोर्सेज के नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू ऑल विद द नोट्स फॉर दीज चैप्टर्स, जिसके अंदर इन डेप्थ स्टडीज हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हैं रिवीजन के तौर पर। चलिए तो यहां से मैं आगे चलूंगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। सिक्योरिटीज चाहे आप उसे होल्ड कर रहे हो एज इन्वेंट्री या होल्ड कर रहे हो एज इन्वेस्टमेंट, दोनों केसेस में वो आपके लिए पैसा टैक्सेबल होगा। लेकिन इस बात का याद रखिएगा अगर आपने उसे होल्ड किया है एज इन्वेंट्री तो टैक्सेबल होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में सेक्शन नंबर 28 के मुताबिक, और अगर आपने उसे होल्ड किया है एज एन इन्वेस्टमेंट तो टैक्सेबल होगा एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन नंबर 56। अगर आपने उसे बिजनेस के तौर पर टैक्सेबल किया है और उससे रिलेटेड अगर आपके कोई खर्चे हैं तो सेक्शन 37 जो जनरल सेक्शन है वहां पे आपके खर्चे भी लेस होंगे। और इसी प्रकार से अगर आपने उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर होल्ड किया हुआ है और तब आप कोई खर्चा कर रहे हैं तो सेक्शन नंबर 57 में आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। मेरे बच्चे स्टूडेंट्स अक्सर मेरे से पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि इन्वेंट्री के तौर पर होल्ड किया हुआ है या इन्वेस्टमेंट के तौर पर होल्ड किया हुआ है। तो मैं सभी को ये कहता हूं भाई तुम समझदार व्यक्ति हो, तुम भोंदू नहीं हो। भोंदू लोग ऐसी बातें पूछते हैं, समझदार लोग ऐसी बातें नहीं पूछते हैं। हमेशा बैलेंस शीट बनाई जाती है, हमेशा बैलेंस शीट बनाई जाती है। अरे क्या हो गया भाई, बैलेंस शीट के अंदर आप देखोगे तो आपको बैलेंस शीट देखते ही पता चल जाएगा कि टैक्सेबल कौन से चैप्टर में करना है। बैलेंस शीट का आपको यह पता होना चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से चलता है। अगर हम लोग कैपिटल साइड लायबिलिटी साइड की बात करें तो फॉर्मेट चलता है श्री राम लंका चले पैदल। अरे ये क्या बोल दिया मैंने, हाँ ठीक बोला मैंने, श्री राम लंका चले पैदल, जहां पे एस स्टैंड फॉर शेयर कैपिटल, लिखना चाहो तो लिख लेना। आर स्टैंड फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। एल स्टैंड फॉर लोन्स एंड एडवांसेस। सी स्टैंड फॉर करंट लाइबिलिटीज। पी स्टैंड फॉर प्रोविजंस। श्री राम लंका चले पैदल, याद हो गया। अगर इसी प्रकार से एसेट्स साइड पे है तो फादर इज कॉलिंग लवली मदर पर्सनली,
फादर इज कॉलिंग लवली मदर पर्सनली. फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दिए हैं, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस. मेरे बच्चे, तो फादर इज कॉलिंग लवली मदर पर्सनली एसेट साइड पे, श्री राम लंका चले पैदल हमारे लायबिलिटी साइड पे. नाउ आपको यह कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति ने जो शेयर्स होल्ड किए हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट है या स्टॉक इन ट्रेड है? बड़ा आसान है भाई, उसकी बैलेंस शीट देख लेना. बैलेंस शीट के अंदर अगर तो वो दिखा रहा है अपने इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री वो कहां पे दिखाएगा? इन्वेंट्री वो दिखाएगा अपने करंट एसेट्स में. लेकिन अगर उसने दिखाया है अपना इन्वेस्टमेंट्स, तो फिर इन्वेस्टमेंट्स कहां पे दिखाएगा? फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स तो यहां पे दिखाएगा अगर उसका इन्वेस्टमेंट है. तो मेरे बेटे, आपको उसकी बैलेंस शीट देख के पता चल जाएगा कि क्या शेयर्स और डिबेंचर्स इन्वेंट्री के तौर पे होल्ड किए हुए हैं या फिर उसने उसको एज इन्वेस्टमेंट होल्ड किए हुए हैं. अगर इन्वेंट्री है तो फिर जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में, इन्वेस्टमेंट है तो जाएगा अदर सोर्सेस में. हो गया जी, देखो कितना आसान था. मतलब मुश्किल तो है ही नहीं, हम लोग ऐसे ही अननेसेसरली चीजों को मुश्किल बना देते हैं, समझ लेते हैं चीजें मुश्किल होती नहीं है. इसी प्रकार से मेरे बच्चे, हमेशा 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 आप याद रखिएगा, जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उसमें कुछ केसेस में वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा. कौन कौन से केसेस है जहां पे इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है? जो मेन है वो पोस्ट ऑफिस स्कीम में सेविंग्स अकाउंट. में सारा डिस्कस नहीं कर रहा, मेन डिस्कस कर रहा हूं पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट है. और अगर कोई सिंगल अकाउंट होल्डर है तो 3500 रुपए तक का एग्जेम्पशन दिया जाता है. लेकिन अगर कोई जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो 7000 रुपए का एग्जेम्पशन हो जाता है. जैसे पोस्ट ऑफिस के अंदर मेरे और मेरी वाइफ के नाम पे, जॉइंट नाम पे एक सेविंग्स अकाउंट है, तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि जॉइंट नेम पे है, इस वजह से अब उस अकाउंट पे एग्जेम्पशन मिलेगा 7000 का. लेकिन मान लीजिए अगर सिर्फ अकेले मेरे नाम पे होता या अकेले मेरी वाइफ के नाम पे होता तो एग्जेम्पशन का अमाउंट हो जाता 3500 रुपए. इसके साथ साथ में मेरे बेटा याद रखिएगा कि 80TTA और 80TTB का डिडक्शन भी मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो व्यक्ति की उम्र कितनी है. अगर उम्र 60 साल से कम की है तो 80TTA में आ जाएगा, 60 साल से ज्यादा की है तो TTB में वो चला जाएगा. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट है वो आपके लिए कुछ केसेस में टैक्सेबल है, कुछ केसेस में एग्जेम्प्ट है. कौन कौन सी केसेस में एग्जेम्प्ट है? आरबीआई के जो रिलीफ बॉन्ड्स है वो एग्जेम्प्ट रहता है, गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट रहता है, लेकिन बाकी सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका इंटरेस्ट का पैसा हमेशा हमेशा टैक्सेबल होता है. डिविडेंड की अगर हम लोग बात करें तो डिविडेंड में अगेन वही पोजिशन की सिक्योरिटीज है, डिविडेंड या शेयर आपने कैसे होल्ड किए हुए हैं, अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है या अगर वो इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों केसेस में आपने उसे अदर सोर्सेस की कैटेगरी में ही रखना है. और साथ साथ में डोमेस्टिक कंपनी का अगर डिविडेंड है तो 10 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन है. 10 लाख से ज्यादा अगर होगा तो फिर उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा और उसके टैक्स रेट्स वगैरह हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फॉरेन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड है तो हमेशा टैक्सेबल है. इसी प्रकार से कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड मिलता है वो भी आपके लिए 100% टैक्सेबल है. और साथ साथ में अगर आपने कोई खर्चा किया और वो खर्चा लेस होगा अगर डिविडेंड टैक्सेबल है, खर्चा लेस नहीं होगा अगर वो डिविडेंड टैक्सेबल नहीं है तो. इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड से मिलने वाला जो डिविडेंड है वो म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड भी टैक्सेबल होते हैं. म्यूचुअल फंड के डिविडेंड्स को आप एग्जेम्प्ट नहीं करते हैं. और इसके साथ साथ में मेरे बेटा हमेशा 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 याद रखिएगा, डीम्ड डिविडेंड्स भी टैक्सेबल हैं. डीम्ड डिविडेंड्स भी टैक्सेबल हैं. डीम्ड डिविडेंड्स के 5 सेक्शंस हैं, आपको याद हैं 5 सेक्शंस, सबको बड़े अच्छे से वो 5 सेक्शन याद हैं, जो कि आते हैं 222, यहां पे लिख देता हूं मैं. डीम डिविडेंड में ये सेक्शन आता है, 222 का मेन सेक्शन है और उसके बाद ए बी सी डी ई, ये पांचों के पांचों शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल हैं. ये चार जो हैं
टैक्सेबल, टैक्सेबल शेयर होल्डर, मैंने कह दिया टैक्सेबल फॉर कंपनी एंड एग्जेम्प्ट फॉर, एग्जेम्प्ट फॉर शेयर होल्डर। और इसके अंदर 222E के अंदर पहले ऐसा नहीं था, पहला इट विल वॉज टैक्सेबल फॉर शेयर होल्डर एग्जेम्प्ट फॉर द कंपनी, लेकिन अब इसको भी ट्रीटमेंट इन्होंने यही कर दिया, इवन नाउ दिस इज टैक्सेबल फॉर द कंपनी एंड एग्जेम्प्ट फॉर द शेयर होल्डर। और साथ साथ में मेरे बच्चे याद रखिएगा, जब हम लोग सीडीटी की कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो इन सवेरी केसेस में सीडीटी अप्लाई होगा ग्रॉसिंग करने के बाद, सीडीटी आफ्टर ग्रॉसिंग, लेकिन यहां पे सीडीटी विदाउट ग्रॉसिंग। ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर एग्जामिनर ये सारी की सारी बातें आपसे कभी भी पूछ सकता है, आपने इनको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है जी, तो यहां तक हम लोगों ने किया अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम की इंपॉर्टेंस, क्लबिंग ऑफ इनकम की इंपॉर्टेंस क्या मैं बोलूं, जो हमारा पुराना सिलेबस था उस पुराने सिलेबस में तो यहां से अक्सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन जब से यह न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है क्लबिंग ऑफ इनकम में से ज्यादा एग्जामिनर पूछ नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी तक नहीं आया तो फ्यूचर में भी नहीं आएगा, आ सकता है और कभी भी आ सकता है, जब भी आएगा एक अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आएगा। इस चैप्टर के अंदर तीन एरियाज को अच्छे से करके जाइएगा। एक हमारे पास आता है रेमुनरेशन ऑफ द स्पाउस, स्पाउस अगर रेमुनरेशन कमा रहा है बिना प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स के तो उस केस में क्लबिंग हो जाती है, वो वाला पॉइंट है। दूसरा, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को या फॉर दैट मैटर वाइफ ने अपने हस्बैंड को कुछ पैसा दिया और जिसको वो पैसा मिला उसने वो पैसा अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट कमाया, ये वाला कंसेप्ट जरूर करके जाइएगा, इसको भी आपने छोड़ना नहीं है। और तीसरा कंसेप्ट है, माइनर बच्चे अगर इनकम कमा रहे हैं तो उस केस में क्लबिंग कब करना है कब नहीं करना, वो वाला कंसेप्ट भी आपने अच्छे से करके जाना है, आपने छोड़ना नहीं है। तो ये तीन कंसेप्ट हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर में आज जो आपको जरूर 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 करके जाने हैं, आपने बिल्कुल भी उनको छोड़ना नहीं है। क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, समराइज करते हैं। पहला सेक्शन जो है हमारे पास सेक्शन नंबर 60, सेक्शन नंबर 60 कहता है कि अगर आप अपने एसेट की ओनरशिप को ट्रांसफर ना करते हुए सिर्फ उस एसेट से आने वाली इनकम को ट्रांसफर कर रहे हैं, इनकम को ट्रांसफर किया एसेट की ओनरशिप पर ट्रांसफर नहीं किया, तो वो इनकम हम लोग ट्रांसफरी के लिए टैक्सेबल ना करते हुए ट्रांसफरर के लिए टैक्सेबल करेंगे, सेक्शन 60 छोटा सा। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 61, 62, 63 आते हैं जो कि रिवोकेबल एंड इररिवोकेबल ट्रांसफर्स के बारे में बात करते हैं। रिवोकेबल ट्रांसफर की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो सेक्शन नंबर 63 में गिवन है। उसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो टैक्स ट्रीटमेंट रिवोकेबल का 61 में गिवन है और नॉन रिवोकेबल का 62 में गिवन है। तो सेक्शन 63 इज फॉर द डेफिनेशंस और उसके बाद 61, 62 इज रिलेटेड टू द टैक्स ट्रीटमेंट। अब पहले डेफिनेशन की बात करते हैं मेरे बेटा। रिवोकेबल और इरिवोकेबल ट्रांसफर का एक बहुत सिंपल सा साधारण सी भाषा में आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए मैंने कोई एसेट आपके नाम पे ट्रांसफर किया और मैंने आपको कहा कि आप इस एसेट के ओनर हैं टिल द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कंडीशन, टिल द डेट ऑफ अ पर्टिकुलर कंडीशन, तो फिर ऐसे केस में एसेट ट्रांसफर जो मैंने आपके नाम पे किया और कंडीशन लगा के किया, इससे हम लोग बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। लेकिन हां, ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन ऐसी हो जिसमें एक सर्टेनिटी हो, जिसमें कोई अनसर्टेनिटी एम्बिग्यूटी कुछ ना हो, उसके अंदर सर्टेनिटी इन्वॉल्व हो। उदाहरण देता हूं मैं आपको इसका। मैं आपको कहता हूं कि साहब आज 2 अक्टूबर को मैं अपना एसेट आपके नाम पर ट्रांसफर कर रहा हूं जब तक दिवाली नहीं आ जाती, 2019 की दिवाली,
याद रखिएगा 2019 की दिवाली 27 अक्टूबर को है और आज 2 अक्टूबर को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं एसेट आपके नाम पे है, दैट मींस मैं आपके नाम पे एसेट 25 दिनों के लिए ट्रांसफर कर रहा हूं। अब इसके अंदर एक सर्टेनिटी इन्वॉल्व है, कंडीशन थी कि मेरे एसेट की ओनरशिप आपके पास है जब तक दिवाली नहीं आ जाती और दिवाली से अगले दिन मैं दोबारा ओनर बन जाऊंगा, एक सर्टेनिटी है। सबको पता है दिवाली तो आनी ही आनी है, यह है सर्टेनिटी और इस वजह से एसेट ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। लेकिन मान लीजिए मैं आपको यह बोलूं कि साहब मेरा एसेट आज से आपका हुआ जब तक दिल्ली में बर्फबारी नहीं हो जाती, स्नोफॉल नहीं हो जाती। अब भाई दिल्ली में बर्फबारी होगी नहीं होगी पता नहीं, कब होगी कब नहीं होगी। या मैं ऐसे बोलूं कि साहब मेरा एसेट आज से आपका हुआ तब तक आपका हुआ जब तक दिल्ली में भूचाल नहीं आ जाता, भाई पता नहीं भूचाल कब आएगा कब नहीं आएगा। तो ऐसे ट्रांसफर्स को हम लोग बोलते हैं इरिवोकेबल ट्रांसफर। नाउ इरिवोकेबल ट्रांसफर के ट्रीटमेंट्स अलग हैं, रिवोकेबल के अलग हैं। एक और चीज इसमें है, मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि साहब मेरा एसेट आज से आपका हुआ जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती, तो याद रखिएगा डेथ एक सर्टन इवेंट है, सबने मरना है, मैंने मरना है, आपने मरना है। इस धरती पे जिस व्यक्ति का जन्म हो गया, जिस प्राणी का जन्म हो गया, उस सब ने मरना है। एवरी लिविंग बीइंग हैज टू डाई अ डे। लेकिन भाई कब मरना है, मैंने कब मरना है? हो सकता है मैं आज शाम को मर जाऊं, हो सकता है मैं अगले 10 दिनों में मर जाऊं, हो सकता है मैं अगले 50 साल अभी और जिंदा रहूं। तो भाई मरना तो है लेकिन कब मरना है ये नहीं पता। इस वजह से डेथ इज नॉट अ सर्टेन कंडीशन। अगर डेथ के तक का अगर एसेट ट्रांसफर किया गया तो उसे इरिवोकेबल ट्रांसफर कहेंगे, आप उसे रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं कहेंगे। ठीक है जी, बड़ी आसान सी बात है। अब ये तो समझ आ गया कि रिवोकेबल क्या है, इरिवोकेबल क्या है, सेक्शन 63। अब टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? अगर एसेट रिवोकेबल नेचर का है तो मैंने वो एसेट आपको दिया था, रिवोकेबल का था, कंडीशन लगाई थी मैंने, तो ऐसे सिचुएशन में वो एसेट आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, मेरे लिए टैक्सेबल होगा। उस एसेट से कोई भी इनकम आएगी तो वो मेरे लिए टैक्सेबल होगी, आपके लिए नहीं होगी। लेकिन अगर वो ट्रांसफर होता इरिवोकेबल नेचर का, अगर वो ट्रांसफर होता इरिवोकेबल नेचर का, तो फिर जब मैं एसेट आपके नाम पर ट्रांसफर करूंगा तो वो उस एसेट की इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगी, मेरे लिए टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है जी। तो सेक्शन नंबर 61, सेक्शन नंबर 62, सेक्शन नंबर 63, अंग्रेज में बोल दू 61, 62, 63 हम लोगों ने यहां पे कवर अप कर लिया है। इसके बाद आती है बात रेमुनरेशन ऑफ द स्पाउस, जो मैं आपको कह रहा था दिस इज वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स। रेमुनरेशन वर्ड के अंदर भाई सब कुछ आ जाएगा। सैलरी के चैप्टर में जो कुछ आप पढ़ते हो, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, बेसिक सैलरी, डीए, ब्ला 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 ब्ला, सब कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद जो टैक्सेबल सैलरी है, उस टैक्सेबल सैलरी को हम लोग बोलेंगे रेमुनरेशन। तो रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस का मतलब है टैक्सेबल सैलरी। अब मान लीजिए एक व्यक्ति किसी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर किसी कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो उस व्यक्ति के पास पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर 20% या 20% से ज्यादा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। अगर किसी कंपनी की बात करते हैं तो 20% या 20% से ज्यादा की उसके पास वोटिंग पावर होनी चाहिए। मैंने कहा वोटिंग पावर, वोटिंग पावर किसके पास होती है? वोटिंग पावर होती है इक्विटी के पास, लेकिन याद रखना कुछ केसेस में प्रेफरेंस के पास भी होती है। तो जहां पे प्रेफरेंस के पास वोटिंग पावर है वो भी कंसिडर करेंगे, और जहां पे इक्विटी के पास वोटिंग पावर है वो तो कंसिडर करना ही करना है। एक और जरूरी बात, जब आप ये 20% की लिमिट चेक करेंगे तो 20% सिर्फ उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं, उस इंडिविजुअल के रिलेटिव्स की जो शेयर होल्डिंग है उसको मिला के 20% चेक करना है। अब आप कहेंगे सर 20% शेयर होल्डर की जो शेयर होल्डिंग है रिलेटिव्स की मिला के? हाँ, रिलेटिव्स की मिला के। तो रिलेटिव्स में कौन कौन आएंगे? रिलेटिव्स में आएंगे आपके स्पाउस, आपके ऊपर आपके एसेंडेंट्स, आपके नीचे आपके डिसेंडेंट्स, आपके ब्रदर्स एंड आपके सिस्टर्स। तो ब्रदर्स, सिस्टर्स, स्पाउस, एसेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स, इन सबकी होल्डिंग मिला के 20% आपने चेक करनी है।
अगर आपके पास किसी कंपनी के अंदर या किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और आपका स्पाउस उस ऑर्गेनाइजेशन में काम भी कर रहा है, उसको काम करने के लिए पैसा मिलता है, वो पैसा उसके स्किल्स को, उसके एक्सपीरियंस को, उसकी नॉलेज को, टेक्निकल नॉलेज को मैच नहीं करता है, तो वो पैसा फिर आपकी इनकम के अंदर ऐड होगा, आपकी सैलरी के हेड में ऐड होगा। लेकिन अगर उसको वो पैसा मिलता है उसकी स्किल्स को ध्यान में रखते हुए, उसकी क्वालिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए, उसके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, फिर आपने क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं करने हैं। साथ साथ में ध्यान देना, अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ये सारी बातें यहां लिखी हुई है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मीनिंग भी यहां पे लिखा हुआ है, और कब क्लबिंग करनी है, कब क्लबिंग नहीं करनी है, वो सारी बातें लिखी हुई है। और साथ साथ में मेरे बेटा, अब जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि साहब अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो क्या करें, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो दोनों की सैलरी किसी एक के लिए टैक्सेबल होगा। वो एक बदनसीब कौन है, वो एक बदनसीब वो होगा, याद रखिएगा, वो एक बदनसीब वो व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति की इनकम ज्यादा है क्लबिंग करने से पहले। क्लबिंग करने से पहले जिसकी भी इनकम ज्यादा आएगी उसकी इनकम के अंदर दोनों की सैलरी को आप ऐड कर देंगे, और याद रखिएगा दोनों का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद। देन वी हैव द टॉपिक विच इज एसेट्स विच हैव बीन ट्रांसफर्ड टू स्पाउस। ये बहुत जरूरी है। अगर मैंने कोई कैश, कोई बैंक का पैसा, कोई और एसेट मैंने अपने स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर किया और स्पाउस ने उसको फर्दर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो भाई स्पाउस ने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। हाँ, कमाया होगा। जो भी प्रॉफिट उसने कमाया, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए दो लोगों का पैसा यूज हुआ, उसका पैसा भी यूज हुआ, मेरा पैसा भी यूज हुआ, तो भाई प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट कमाने के लिए जो उसका पैसा यूज हुआ वो उसके लिए टैक्सेबल करेंगे प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली, और उस प्रॉफिट को कमाने के लिए जो पैसा, जिस रेशियो में पैसा मेरा यूज हुआ उतने रेशियो का प्रॉफिट मेरे लिए ऐड कर देना, मेरे लिए टैक्सेबल कर देना। तो भाई ये प्रोपोर्शनेट यूनिटरी मेथड लगाना है सिंपल भाषा में। लेकिन लोग, टीचर लोग, स्टूडेंट लोग इसको इतना बड़ा हवा बना देते हैं जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया। भाई आठवीं के बच्चों को यूनिटरी मेथड सिखाया जाता है, वो सिंपल यूनिटरी मेथड आपने अप्लाई करना है। जैसे कि मैं यहां पे एक छोटी सी अगर आपको बात बोलूं कि साहब एक व्यक्ति है एक्स जो कि अपना बिजनेस कर रहा है और उसके बिजनेस के अंदर उसका अपना कैपिटल जो है ये है 10 लाख रुपए का। उसकी वाइफ का ने कुछ पैसा दिया और वाइफ ने जो पैसा दिया वो पैसा उसने अपने कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और साथ साथ में इस बिजनेस से उसका प्रॉफिट आ रहा है 8 लाख रुपए। तो भाई ये 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए दो लोगों का कैपिटल यूज हुआ है, उसका अपना यूज हुआ है और उसकी वाइफ का पैसा यूज हुआ है। अगर मैं आपको बोलूं कि साहब आप इस 8 लाख को 10 और 5 की रेशियो में बांट दो, तो क्या आप 10 और 5 की रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट नहीं सकते क्या? छोटे बच्चे गली से पकड़ के ले आओ ना, आठवीं के बच्चे जो गली में क्रिकेट खेल रहे थे, उनको बोलो इसका बंटवारा कर दो यूनिट मेथड लगा के, वो भी कर देंगे, आपको किस बात का डर है? भाई बड़ा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 8 लाख का प्रॉफिट है बटा टोटल कैपिटल 15 लाख का है गुणा हस्बैंड का पैसा 10 लाख रुपए का है, तो 10 से गुणा कर दिया। वाइफ के लिए अगर कैलकुलेशन करनी है तो टोटल प्रॉफिट 8 लाख का है, टोटल कैपिटल 10 लाख का है, टोटल कैपिटल 15 लाख का है, टोटल कैपिटल 15 लाख का है, जिसके अंदर वाइफ का पैसा 5 लाख का है, तो यूनिट मेथड लगा दो ना। बस यही यूनिटरी मेथड ही तो लगाना है। बस वो यूनिटरी मेथड लगाते समय एक बात का, अरे क्या हो गया, हाँ, यूनिटरी मेथड लगाते समय बस एक बात का आपको ध्यान रखना है और वो ये है कि जो भी पैसा कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है, वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आपने हमेशा फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग का, दैट इज पहली अप्रैल का चेक करना है। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा न्यूमरेटर में भी पहली अप्रैल की बात हो रही है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी पहली अप्रैल की बात हो रही है, तो जो कैपिटल पहली अप्रैल का है उसका आपको ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। अगर कैपिटल पहली अप्रैल को इन्वेस्ट हुआ तो यूनिट मेथड लगेगा, अगर उसके बाद इन्वेस्ट हुआ तो नहीं लगेगा। बस इतनी सिंपल सी बात है,
इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। साथ साथ में मेरे बच्चे, जो अभी हमने कंसेप्ट किया था स्पाउस का, अगर स्पाउस के नाम पे आपने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया तो भी क्लबिंग है, लेकिन मान लीजिए आप डायरेक्ट ट्रांसफर ना करके इनडायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से क्लासेस परचेस करी हैं, या आपने पहले कभी मेरे से क्लासेस करी हैं, या जो मेरा दिल्ली में फेस टू फेस बात चलता है आपने वहां पे क्लासेस अटेंड करी हैं, तो आपको याद होगा मैंने हमेशा ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन का जिगरी दोस्त अमर सिंह, उनका एग्जाम्पल लिया है कि ऐश्वर्या राय के नाम पे अमिताभ बच्चन ने कोई एसेट ट्रांसफर करना है। अमिताभ बच्चन को ये बात पता है कि अगर मैं डायरेक्टली ऐश्वर्या राय के नाम पर ट्रांसफर करूंगा तो क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे डॉटर इन लॉ वाले। तो वो क्या करता है, वो अपने दोस्त अमर सिंह को बुलाता है, अपना एसेट अपने दोस्त अमर सिंह के नाम पर ट्रांसफर करता है और अपने दोस्त अमर सिंह को कहता है कि अब ये एसेट तू मेरी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम पर ट्रांसफर कर दे। ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने दिया था जया बच्चन के लिए कि अमिताभ बच्चन ने अपना मकान जया बच्चन के नाम पे ट्रांसफर करना है। अमिताभ बच्चन को पता है कि अगर मैंने डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया तो सेक्शन 27 हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा मैंने, हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन 27 अप्लाई होगा हाउस के केस में। तो अमिताभ बच्चन उससे बचने के लिए क्या करता है, अपना मकान अपने दोस्त अमर सिंह के नाम पर ट्रांसफर करता है। अमर सिंह को कहता है कि ये मकान अपनी भाभी जया बच्चन के नाम पर ट्रांसफर कर दे। अब ऐसे केस में सेक्शन 27 इन्वॉल्व नहीं होगा, सेक्शन 64 यहां पे इन्वॉल्व होगा। तो क्लबिंग ऑफ प्रोविजन अगर डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हो तो भी है, अगर इनडायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हो तो भी अप्लाई होगा। और साथ साथ में ध्यान देना, इनडायरेक्ट ट्रांसफर आप स्पाउस के नाम पर भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट ट्रांसफर आप अपनी बहू के नाम पे भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों का एग्जांपल दिया, ऐश्वर्या राय का एग्जांपल भी दिया और साथ साथ में मैंने आपको जया बच्चन वाला एग्जांपल भी दिया है। इन सारी बातों में इस बात का हमेशा 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 ध्यान रखिएगा, फादर इन लॉ मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए जिस दिन आपने एसेट दिया और जिस दिन उस एसेट से इनकम कमाई गई। इसी प्रकार से हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, स्पाउस का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए जिस दिन एसेट दिया और जिस दिन इनकम कमाई गई। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे डिबेंचर्स ट्रांसफर कर दिए। मैंने कहा गर्लफ्रेंड, 1 सितंबर 2019 को आज से एक महीना पहले एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे डिबेंचर्स ट्रांसफर किए। 30 सितंबर को गर्लफ्रेंड ने इंटरेस्ट का पैसा कमाया। आज 2 अक्टूबर का दिन, छुट्टी का दिन है, नवरात्रे चल रहे हैं, अच्छा दिन है, शुभ दिन है, तो आज 2 अक्टूबर को दोनों ने शादी कर ली। अब बात यहां पे ये आती है कि साहब शादी भी हो गई है, जो इंटरेस्ट कमाया था वो टैक्सेबल किसके लिए करें? मेरे बच्चे याद रखिएगा, इंटरेस्ट का पैसा टैक्सेबल होगा अगर जिस दिन एसेट ट्रांसफर किया उस दिन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप था एंड जिस दिन इनकम कमाई उस दिन भी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप था। हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर ना तो ट्रांसफर वाले दिन ना कमाने वाले दिन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप था, इसलिए टैक्सेबल हस्बैंड के लिए नहीं होगा। तो याद रखिएगा, डॉटर इन लॉ के केस में भी ऐसे यही प्रोविजन है और स्पाउस के केस में भी यही प्रोविजन है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, पेरेंट्स इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए जिस दिन आपने एसेट ट्रांसफर किया और जिस दिन इनकम कमाई गई दोनों दिन। यही बात मैंने यहां पे आपको लिख के दी हुई है। एंड देन एसेट ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, दैट इज बहू के लिए, मैंने आपके साथ ये डिस्कशन कर दिया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज द एरिया ऑफ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड अगर कोई इनकम कमा रहा है तो माइनर चाइल्ड की इनकम आप हमेशा 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 मां बाप की इनकम के अंदर ऐड करेंगे। किसकी इनकम है, मां या बाप? मां या बाप दोनों में से कोई एक, जिसकी भी इनकम ये क्लबिंग करने से पहले वाली इनकम ज्यादा होगी। अगर क्लबिंग करने से पहले की इनकम हस्बैंड की ज्यादा है, फादर की ज्यादा है, तो फादर की इनकम ऐड कर देना, वाइफ की इनकम ज्यादा है तो वाइफ की, दैट इज मदर की इनकम ऐड कर देना।
प्रश्न ये आता है कि साहब अगर दोनों की इनकम बराबर हो तो क्या करें। अगर हस्बैंड और वाइफ दैट इज मदर एंड फादर दोनों की इनकम एग्जैक्ट बराबर है, जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, रियल लाइफ में नहीं होता एग्जैक्ट इनकम हो, डिट्टो एक एक रुपया बराबर का हो, नहीं होता, नेवर पॉसिबल ही नहीं है भाई। बैंक से इंटरेस्ट जो मिलता है वो तो वेरी करेगा, कुछ तो वेरी करेगा, बट हाँ थियोरेटिकली अगर ऐसा हो कि इनकम दोनों की बराबर हो तो हम लोग क्या करें। उस केस में हमारे कानून के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, हालांकि आज से लगभग 4 साल पहले 5 साल पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की एक जजमेंट आई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि अगर दोनों मदर एंड फादर की इनकम एग्जैक्टली बराबर है तो बच्चे की इनकम को आप बच्चे के लिए ही टैक्सेबल करेंगे, ना मदर के लिए ना फादर के लिए। चलिए तो ये एक हमारे पास प्रोविजन था। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, बच्चा जब तक माइनर है तब तक ही प्रोविजन की क्लबिंग और के प्रोविजन अप्लाई होंगे, जैसे ही बच्चा मेजर हो जाएगा क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। और इसमें हम लोगों को याद रखना है, बच्चा अगर माइनर है लेकिन उसने इनकम कमाई है हार्डवर्क टैलेंट स्किल्स की वजह से, नॉलेज की वजह से, तो फिर आप उस इनकम की क्लबिंग नहीं करेंगे। अब मेरे को हमेशा अपने बैच के अंदर एक डाउट मिलता है, डाउट फेस करना होता है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर किसी भी इनकम को कमाने के लिए या तो हार्डवर्क इन्वॉल्व होगा, मैं कि नौकरी कर रहा हूं पैसा कमा रहा हूं हार्डवर्क है मेरा, या फिर नॉलेज इन्वॉल्व होगा। मान लीजिए मैं केबीसी में गया, केबीसी से मैं पैसा कमा के आया तो नॉलेज इन्वॉल्व है वहां पर, या फिर मेरा स्किल्स इन्वॉल्व होगा। आज 2 अक्टूबर है, आज इंडिया साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ, राहुल कह रहा हूं रोहित शर्मा ने पहली बार टेस्ट मैच में ओपनिंग करी, सेंचुरी ठोक दी उसने, स्किल्स है। तो भाई हर प्रकार की इनकम को कमाने के लिए या तो आपकी नॉलेज यूज होती है, आपके स्किल्स यूज होते हैं, आपका हार्डवर्क यूज होता है। तो ऐसी भाई कौन सी इनकम है जहां पर यह सब कुछ यूज नहीं होता। मैं रिपीट करता हूं बात को, हार्डवर्क है, नॉलेज है, स्किल्स हैं, तो फिर ऐसे केस में उस इनकम के लिए, माइनर बच्चे की इनकम के लिए, मां बाप की इनकम में आप क्लबिंग नहीं करेंगे। तो सभी इनकम्स को कमाने के लिए तो ये यूज होता है, नहीं ऐसा नहीं है। रेंट कमाने के लिए, रेंटल इनकम कमाने के लिए ना नॉलेज यूज होती है, ना स्किल्स यूज होते हैं, ना हार्डवर्क यूज होता है। लॉटरी की इनकम कमाने के लिए, लॉटरी विंडफॉल गेन्स, ना नॉलेज है, ना स्किल्स है, ना आपका कोई हार्डवर्क है। इंटरेस्ट कमाने के लिए ना स्किल्स है, ना हार्डवर्क है, ना ही आपका कोई नॉलेज इन्वॉल्व है। डिविडेंड कमाने के लिए अगेन सेम केस। तो ऐसी इनकम्स की आपने क्लबिंग करनी है, बाकी इनकम्स की क्लबिंग नहीं होगी। साथ साथ में याद रखिएगा, अगर बच्चा फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80U, तो फिर उस बच्चे की इनकम, जो भी वो इनकम कमाएगा, उस इनकम की भी आपने क्लबिंग नहीं करनी है। जब कभी भी आप क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई करेंगे माइनर चाइल्ड के लिए, तो आपने 1500 रुपए की छूट, 1500 रुपए का एग्जेम्पशन जरूर देना है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 32, ये 1500 रुपए का एग्जेम्पशन पर एनम का है, पर चाइल्ड का है। तो 2 बच्चे हैं तो 1500 1500, 4 बच्चे हैं तो 1500 1500 1500 1500, दर्जन बच्चे हों किसी के तो हर बच्चे के लिए 1500 रुपए की क्लबिंग आपने करनी है। ठीक है जी, तो ये क्लबिंग के प्रोविजन आपके पास हैं, आपने क्लबिंग के प्रोविजन्स को अच्छे से करके जाना है। बच्चा अगर 80U की डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है तो डिडक्शन मिल जाएगा 80U का, क्लबिंग के प्रोविजन आपने अप्लाई नहीं करने हैं। ठीक, तो क्लबिंग माइनर चाइल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने जरूर 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 करके जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर वो अपने स्किल्स टैलेंट नॉलेज हार्डवर्क से पैसा कमा रहा है तो फिर उसकी क्लबिंग नहीं होगी, वो इनकम उसके लिए खुद के लिए टैक्सेबल होगी। जब वो खुद के लिए टैक्सेबल होगी तो भाई उसकी ITR भी बनेगी, लेकिन उस ITR के ऊपर वो खुद सिग्नेचर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो माइनर है, तो उसके जो लीगल गार्जियंस है वो सिग्नेचर करेंगे। मैं बड़ा हैरान रह जाता हूं, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर माइनर है तो भाई उसका पैन कार्ड ही नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं होगा पैन कार्ड? पैन कार्ड तो आप किसी के लिए भी बनवा सकते हैं। आज 2 अक्टूबर का किसी बच्चे का जन्म हुआ,
आप कल सुबह 3 अक्टूबर को जाके उस बच्चे का पैन कार्ड बनवा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पैन कार्ड तो किसी का भी बन सकता है। एक दिन पहले कोई बच्चे का जन्म हुआ उसका भी पैन कार्ड बन सकता है। याद रखिएगा, जब तक बच्चे की उम्र 15 साल की नहीं हो जाती तब तक पैन कार्ड के ऊपर उसकी फोटोग्राफ नहीं लगेगी। फोटोग्राफ की जगह पे अक्रॉस करके टेढ़ा करके लिखा जाता है माइनर। अगर बच्चे की उम्र 15 साल हो चुकी है तो 15 साल के बाद उसके पैन कार्ड पर फोटो भी लगती है। तो भाई ये तो बातें ही गलत हैं कि साहब बच्चा माइनर है तो उसका पैन कार्ड नहीं बनेगा। बकवास है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता जी। पैन कार्ड बनता है, आईटीआर सबमिट की जा सकती है। साथ साथ में अगर आप यहां पे कुछ और एक्स्ट्रा बातों का ध्यान रखें तो अगर किसी व्यक्ति ने अपना एसेट अपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को दिया है इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के तौर पर, तो वो एसेट से आने वाली इनकम एचयूएफ के लिए टैक्सेबल ना करते हुए हम टैक्सेबल करेंगे उस इंडिविजुअल के लिए जिसने अपने एचयूएफ को दिया है। पार्टीशन के बाद जो उसका हिस्सा है, जो उसके स्पाउस का हिस्सा है, दोनों हिस्से ऐड करके उस व्यक्ति के लिए हम लोग टैक्सेबल करेंगे। साथ साथ में मेरे बच्चे सेक्शन 65 कहता है कि अगर किसी रीजन से अगर हम लोग ट्रांसफरर से टैक्स रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रांसफरी से रिकवर करेंगे। क्रॉस ट्रांसफर हमारे पास एक आता है, क्रॉस ट्रांसफर हालांकि थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है समझाने के लिए, एग्जाम के अंदर एक बार आ चुका है, तो भाई सीधी सीधी सी बात मैं बताता हूं, आसानी से मैं आपको एक बात बताता हूं। आप और मैं बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैंने अपना एसेट आपको दिया इस वादे के साथ कि आप वो एसेट मेरी बीवी के नाम पर ट्रांसफर कर देंगे। आपने अपना एक एसेट मेरे को दिया इस वादे के साथ कि मैं वो एसेट आपकी बीवी के नाम पर ट्रांसफर करूंगा। याद रखिएगा, हम दोनों एक दूसरे को एसेट दे रहे हैं इस वादे के साथ कि हमारे किसी रिश्तेदार, किसी स्पाउस, किसी बच्चे के नाम पे आप वो एसेट ट्रांसफर कर दीजिए। साथ साथ में आपके ने जो मेरे को दिया वैसा ही मैं आपको भी कुछ दूंगा। आपने जो मेरे को दिया वो मैं आपके स्पाउस को ट्रांसफर कर दूंगा, जो मैंने आपको दिया आप वो मेरे स्पाउस को ट्रांसफर कर देना। तो इस प्रकार से दोनों ट्रांजेक्शन एक दूसरे से मेल खाती है। ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर में हम लोग इनकम हमेशा टैक्सेबल करेंगे। डीम्ड ट्रांसफरर के लिए, अरे ये क्या बोल दिया मैंने, डीम्ड ट्रांसफरर, हाँ बिल्कुल ठीक, डीम्ड ट्रांसफरर। याद रखिएगा, मैंने अपना मकान आपको दिया, आपने वो मकान मेरे स्पाउस को दिया, तो जब आप और मेरे स्पाउस की बात होगी तो आप ट्रांसफरर हैं लेकिन मैं डीम्ड ट्रांसफरर कहलाऊंगा। तो मैंने अपना मकान आपको दिया, आपने वो मकान मेरे स्पाउस को दिया, मेरे स्पाउस को जो मकान मिला उस मकान की इनकम मेरे लिए टैक्सेबल होगी बीइंग अ डीम्ड ट्रांसफरर। और क्रॉस ट्रांसफर में हमेशा डीम्ड ट्रांसफरर के लिए ही टैक्सेबल किया जाता है। एक्रीशन टू द एसेट, एक्रीशन का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ जाना। अगर एक्रीशन है, इनकम के ऊपर एक और इनकम है, तो उस इनकम की क्लबिंग नहीं करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने अपना मकान अपने स्पाउस के नाम पर ट्रांसफर किया, तो स्पाउस को जो रेंटल इनकम आती है वो स्पाउस की रेंटल इनकम मेरे लिए टैक्सेबल होगी। क्लबिंग ऑफ इनकम का एक सीधा सादा सा असूल याद रखिएगा, क्लबिंग ऑफ इनकम में जिसने पैसा कमाया पैसा उसके हाथों में ही रहता है लेकिन टैक्सेबल किसी दूसरे के लिए होता है। जैसे अगर कोई पैसा, रेमुनरेशन की बात करते हैं, रेमुनरेशन कमाई मेरी वाइफ ने, तो पैसा वाइफ के हाथ में ही रहेगा, पैसा उसके पास ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उसका पैसा छीन लेंगे और मेरे को दे देंगे, ना 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 कभी नहीं। पैसा उसके पर उसने कमाया उसके पास ही रहेगा लेकिन वो पैसा उसके लिए टैक्स अलग करते हुए मेरी इनकम के अंदर उसे ऐड कर देंगे। मेरे को वो पैसा मिलेगा नहीं, वो सिर्फ किताबों के अंदर कैलकुलेशन करते समय जोड़ा जाएगा। क्लबिंग ऑफ इनकम के सारे सेक्शंस के अंदर एक बड़ी जबरदस्त बात है। अब एक्रीशन की बात पे आता हूं, मान लीजिए मैंने अपना मकान अपनी बीवी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, तो उस मकान से रेंटल इनकम आएगी सेक्शन नंबर 27 के अकॉर्डिंगली, डीम्ड ओनरशिप के अकॉर्डिंगली वो रेंटल इनकम मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगेन रेंटल इनकम छीन के मेरे को नहीं देनी है, रेंटल इनकम मेरी बीवी ने कमाई है उसके पास ही रहेगी लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन करते समय मेरी इनकम के अंदर ऐड कर देंगे। अब पैसा तो मेरी बीवी के पास ही है, मेरी बीवी ने वो मंथली जो रेंट आ रहा है उसको यूज करके आगे फिक्स डिपॉजिट करवा दिया और फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट कमाया।
तो क्या अब फिक्स्ड डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट कमाया वो इंटरेस्ट का पैसा मेरे लिए टैक्सेबल होगा? आंसर इज बिग नो. इनकम को यूज करके एक्स्ट्रा इनकम कमाना, वो एक्स्ट्रा इनकम की हम लोग क्लबिंग नहीं करते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल एक्रीशन. साथ साथ में मेरे बच्चे हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग जहां जहां पर भी इनकम की क्लबिंग करेंगे वहां वहां पर सब जगह लॉसेस की क्लबिंग भी करेंगे. और याद रखिएगा, अगर ट्रांसफरी एसेट को फर्दर ट्रांसफर कर रहा है, फर्दर बेच रहा है, तो ट्रांसफरी जो कैपिटल गेन्स कमाएगा वो ट्रांसफरी का कैपिटल गेन्स ट्रांसफरर की इनकम के अंदर आप ऐड करेंगे. तो इस प्रकार से क्लबिंग ऑफ इनकम के हम लोगों ने सारे प्रोविजंस कवर अप कर लिए हैं. क्लबिंग ऑफ इनकम कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे चैप्टर ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. पर मेरा एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है. मैं बोलता हूं कि लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या है, या तो वो सेट ऑफ होगा या फिर वो कैरी फॉरवर्ड होगा या फिर आप उस लॉस को इग्नोर करेंगे. तो यहां पे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के लिए पहले कुछ रूल्स याद रखिएगा हमेशा. पहला रूल आपके पास एक बड़ा सिंपल सा है कि साहब, अगर आपके पास इनकम है सेट ऑफ करने के लिए, लॉस को रिड्यूस करने के लिए, अगर आपके पास इनकम है सेट ऑफ करने के लिए लॉस का, तो सेट ऑफ करना कंपलसरी होता है, मर्जी नहीं होता. सॉरी, ऐसा नहीं है कि साहब मेरे पास इनकम भी है मेरे पास लॉस भी है, मैं सेट ऑफ नहीं करना चाहूंगा, मैं अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं, अगले साल सेट ऑफ करूंगा ना. अगर आपके पास इनकम अवेलेबल है फॉर डूइंग सेट ऑफ, तब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, तब आपको सेट ऑफ करना जरूरी है. ऐसा क्यों है, उसके पीछे का कारण हम लोगों ने क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है, प्रॉपर केस स्टडी बना के उसको हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था. बट व्हेन द इनकम इज अवेलेबल सेट ऑफ इज मैंडेटरी. अगर आप सेट ऑफ नहीं कर रहे हैं तो आप लॉस को सेट ऑफ या लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे. साथ साथ में ध्यान देना, इंट्रा हेड सेट ऑफ कंपल्सरी है इंटर हेड सेट ऑफ करने से पहले. दैट मींस ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी हेड के साथ सेट ऑफ कर ले, नो, आप पहले सेम हेड पे सेट ऑफ करेंगे इंट्रा हेड सेट ऑफ सेक्शन 70 के हिसाब से. उसके बाद भी अगर लॉस को सेट ऑफ करने की जरूरत पड़ गई तब आप सेक्शन 71 का इंटर हेड सेट ऑफ करेंगे, अदरवाइज आप इंटर हेड सेट ऑफ भी नहीं कर पाएंगे. साथ साथ में मेरे बच्चे याद रखिएगा, अगर आपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया, तो एक बार लॉस अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया तो नेक्स्ट ईयर वो लॉस सिर्फ उसी सेम हेड के साथ सेट अप होगा. करंट ईयर के अंदर आपके पास ऑप्शन है, आप सेक्शन 70 में इंट्रा हेड सेटअप कर दें, सेक्शन 71 में इंटर हेड सेटअप कर दें. बट एक बार अगर आपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने के बाद अगले साल आप उसको सिर्फ सेम हेड के साथ सेटअप कर सकते हैं, आप किसी दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे. एक्सेप्शन केस सिर्फ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का है, बाकी और कुछ भी नहीं. तो ये तीन रूल्स, बेसिक रूल्स आपको हमेशा याद रखने हैं, गांठ बांध लेने हैं. और एक बार अगर आपने ये बेसिक रूल्स याद कर लिए, उसके बाद आगे की जर्नी हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है. जहां पे आगे की जर्नी में हम लोग ये सीखेंगे कि इंट्रा हेड सेटअप होता है सेक्शन 70 में, इंटर हेड सेटअप होता है सेक्शन 71 में, और लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड होता है 71 बी से लेकर 74 ए में. तो इंट्रा, इंटर और फिर कैरी फॉरवर्ड. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, हाउस प्रॉपर्टी लॉस के बारे में हम लोग बात करें, जो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो इंट्रा हेड सेट ऑफ में सेट ऑफ होगा सेक्शन 70 के अकॉर्डिंगली. इंटर हेड सेट ऑफ भी उसका अलाउड है, किसी भी दूसरे सेट ऑफ हेड के साथ सेट ऑफ करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए की. ये 2 लाख की रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई आज तक नहीं समझ आया. अरुण जेटली साहब, जिनके अभी हाल फिलहाल में डेथ हुई है, उन्होंने ये 2 लाख की रिस्ट्रिक्शन लगाई थी और सिर्फ ये कहा था कि साहब इंटरनेशनल ट्रेंड ऐसा है. भाई कौन सा इंटरनेशनल, कौन सा ट्रेंड, कौन सा इंटरनेशनल ट्रेंड, पता नहीं क्या उन्होंने कहा और क्यों 2 लाख की रिस्ट्रिक्शन लगाई. आई पर्सनली फेल टू अंडरस्टैंड.
अगर आप में से इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, धुरंधर हैं बहुत सारे, अगर आप में से किसी को पता हो कि भाई 2 लाख की रिस्ट्रिक्शन क्यों है तो प्लीज मेरे को भी बताइएगा, क्योंकि मेरे को तो आज तक नहीं समझ आया कि 2 लाख की रिस्ट्रिक्शन इंटरहेड पे क्यों लगा रहे हैं, कौन से इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं जहां पे 2 लाख के बारे में बात होती है। बट देन ऑल सेड एंड डन, आज की पोजीशन यह है कि इंटरहेड में हाउस प्रॉपर्टी लॉस का 2 लाख का सेटअप है, इंटरहेड कर लिया 70 में, इंटरहेड कर लिया 71 में, उसके बाद भी लॉस बचे तो कैरी फॉरवर्ड कर देना। कैरी फॉरवर्ड करते समय आप उसको सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के हेड से ही सेटअप करोगे और कहीं से नहीं करोगे। और हाँ, एक बात का याद रखिएगा कि ITR सबमिट करना जरूरी है। ये ITR आप ड्यू डेट से पहले भी सेटअप फर्निश कर सकते हो, ड्यू डेट के बाद भी फर्निश कर सकते हो। दैट इज इवन बिलेटेड ITR अगर आपने सबमिट कर दिया तो भी लॉसेस का आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। ये सिर्फ इसी सेक्शन में है बिलेटेड ITR, लेकिन इसके अलावा बाकी सभी सेक्शन में बिलेटेड ITR अलाउ नहीं किया जाता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के लिए। मैं आपको एक एक सेक्शन साथ साथ में बताता जाऊंगा। तो हाउस प्रॉपर्टी के मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए। हाँ, ध्यान रखिएगा, आप मैक्सिमम 8 सालों तक लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देन यू हैव लॉसेस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो नॉर्मल बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉसेस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 70 में इंट्रा हेड सेटअप हो सकता है, सेक्शन 71 में इंटर हेड सेटअप हो सकता है, लेकिन इंटर हेड सेटअप करते समय याद रखना है कि सैलरी के साथ सेटअप नहीं होगा। भाई सैलरी के साथ सेटअप क्यों नहीं होगा, क्या क्या तकलीफ है सैलरी के साथ सेटअप करने में? तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ है। आप सबको याद होगा कि मैंने आपको यहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्टोरी बताई थी, स्टोरी नहीं थी, सच्ची बात थी। ऐसा क्या हुआ था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने सारे इंप्लॉयज को कहा कि आप बिजनेस कीजिए, करो ना करो, ऑन पेपर तो शो करो कि बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस के अंदर अपना लॉस दिखाइए, लॉस हो ना हो ऑन पेपर दिखाओ लॉस हो रहा है, और अपने लॉसेस को सैलरी के साथ सेटअप कर दीजिए। रिलायंस में काम करने वाले सारे इंप्लॉयज के साथ ऐसे ही हो रहा था। तो 1997 में पी चिदम्बरम बने फाइनेंस मिनिस्टर और रिलायंस को काबू करने के लिए उन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट। और फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स में रिलायंस के इंप्लॉयज को काबू करने के लिए उन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि बिजनेस के लॉस को सैलरी के साथ सेटअप करना अलाउ नहीं करेंगे। तो सिर्फ एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खुराफाती इंप्लॉयज को कंट्रोल करने के लिए यह सेक्शन बना। और जैसे कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो भाई जो जेन्युइन केसेस थे वो लोग भी मारे गए। आज का प्रोविजन सेटल्ड प्रोविजन है कि आप बिजनेस लॉसेस को सैलरी के साथ सेटअप नहीं कर सकते। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वो पूरी स्टोरी आप सबको याद आ गई होगी अगर आपने मेरे से क्लासेस ली हैं तो। चलिए, नहीं ली कोई बात नहीं, रट लो, और क्या हो सकता। इस समय लास्ट 30 डेज में तो मैं भी है मदद नहीं कर पाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, रटाफिकेशन करके पास होके हो जाओ, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। बट अगर कंसेप्ट सीखा होता तो जिंदगी में कभी रटना ना पड़ता। पर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं यहां से। बिजनेस लॉसेस में सेक्शन 72, सेक्शन 72 में वही वाली कहानी कि साहब आप बिजनेस लॉसेस को सिर्फ बिजनेस हेड के साथ ही सेटअप करोगे कैरी फॉरवर्ड करने के बाद। ITR सबमिट करना आपके लिए कंपल्सरी रहेगा, लॉसेस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ITR कब सबमिट करनी है? ITR आपने बिलेटेड ITR सबमिट नहीं करनी, दैट मीन्स ड्यू डेट तक अपनी ITR सबमिट कर दीजिए, लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, अदरवाइज वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। साथ साथ में मेरे बच्चे याद रखिएगा, आपने अगर बिजनेस को शटडाउन कर दिया है तो भी लॉसेस किसी दूसरे बिजनेस की इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकते हैं। इसी प्रकार से हाउस प्रॉपर्टी में भी है, अगर आपने मकान को बेच दिया है तो भी हाउस प्रॉपर्टी लॉस आप किसी दूसरे मकान की इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास स्पेकुलेशन लॉस या स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस के बारे में बात करें। स्पेकुलेटिव लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जहां पे
गुड्स का सेल परचेस कंप्लीट हो जाता है लेकिन गुड्स की डिलीवरी नहीं होती है. एनी ट्रांजेक्शन वेयर द सेल एंड परचेस गेट्स सेटल्ड विदाउट एक्चुअल डिलीवरी, दैट इज व्हाट वी कॉल द कंसेप्ट ऑफ दैट इज व्हाट वी कॉल द कंसेप्ट ऑफ बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन के अंदर सेक्शन 70 कहता है कि आप इंट्रा हेड सेटअप कीजिए, लेकिन स्पेकुलेशन का लॉ सिर्फ स्पेकुलेशन के साथ ही सेटअप होगा और कहीं से सेटअप नहीं होगा. दैट इज इंटर हेड सेटअप करना इसका अलाउ नहीं किया जाता है. लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 4 साल के लिए. आईटीआर सबमिट करना जरूरी है ड्यू डेट से पहले, बिलेटेड आईटीआर अलाउ नहीं किए गए हैं. साथ साथ में ध्यान देना, अगर आपने एक स्पेकुलेशन लॉस को एक स्पेकुलेशन बिजनेस को अगर आपने बंद कर दिया तो स्पेकुलेशन लॉस किसी दूसरे स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ सेट ऑफ हो सकता है, कोई उसमें मनाही नहीं है. इसके साथ साथ में हमारे पास आता है कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस के लिए हमारे पास अगेन वही कहानियां. हाँ, इसके लिए एक बड़ी जरूरी चीज है, वो मैं लिखवाना चाहूंगा, आप अपने रजिस्टर्स में लिख लीजिए. अक्सर लोग इसको लेकर थोड़े से अपसेट होते हैं. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, याद रखिएगा शॉर्ट टर्म की इनकम में से आप शॉर्ट टर्म का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, यह सेट ऑफ करना अलाउ किया गया है. इसी प्रकार से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की इनकम में से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का लॉस आप सेट ऑफ करना चाहते हैं तो सेट ऑफ करना अलाउड है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का लॉस सेट ऑफ करना चाहते हैं तो अलाउ किया गया है. लेकिन अब आगे जरूरी बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम में से अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस सेट ऑफ करना चाहते हो तो यह सेट ऑफ नहीं होता. ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लॉसेस को शॉर्ट टर्म के इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हो. तो इंट्रा हेड भी सेट ऑफ नहीं होगा. और साथ साथ में ध्यान देना, कैपिटल गेन्स में इंटर हेड सेट ऑफ तो वैसे ही नहीं मिलता. तो दैट मीन्स आप कभी भी इंटर हेड सेटअप नहीं कर सकते कैपिटल गेन्स का. अगर लॉस है सेटअप नहीं हो पा रहा तो उसका एक ही इलाज है, कैरी फॉरवर्ड करना. जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो कैरी फॉरवर्ड सिर्फ कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप होगा. आप 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. आईटीआर सबमिट करना आपके लिए जरूरी होगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट. आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. इसके बाद आता है ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, घोड़े पालना, घोड़े दौड़ाना. घोड़े पालो और वो जो घोड़े आपने पाले हैं वो घोड़े आपके रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, रेस हॉर्सेस में पार्टिसिपेट करते हैं. रेस हॉर्सेस हैं जो रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उन घोड़ों के बारे में बात कर रहे हैं. अगर आपकी एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी है कि आप घोड़ों के मालिक हैं, आप घोड़े पालते हैं, घोड़े की मेंटेनेंस करते हैं और वो घोड़े रेसेस में भागते हैं जिसकी वजह से आप वहां से आमदनी कमाते हैं, तो उन घोड़ों के बारे में बात हो रही है. इनके लॉसेस आप सिर्फ इन्हीं की इनकम के साथ सेटअप कर सकते हैं. आपको बड़े अच्छे से याद होगा, मैंने आपको रिकी पॉन्टिंग का यहां पर एग्जाम्पल दिया था. आपको बड़े अच्छे से याद होगा, यहां पर मैंने आपको सलमान खान के बजरंगी भाईजान का एग्जाम्पल दिया था. सलमान खान की मूवी थी बजरंगी भाईजान, बड़ी जबरदस्त हिट हुई थी. तो वो जब मूवी सुपर डुपर हिट हुई तो सलमान खान ने 2 घोड़े खरीदे थे, एक का नाम था बजरंगी, दूसरे का नाम रखा भाईजान. तो बजरंगी भाईजान 2 घोड़ों का नाम था, बाद में मूवी के बाद रखा बजरंगी भाईजान, और वो घोड़े रेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. तो सलमान खान का एक एक्टिविटी वो वाली भी है. याद रखिएगा, इनके लॉसेस आप सेक्शन 70 में इंट्रा हेड सेटअप करना चाहते हो सकता है, लेकिन हॉर्सेस के लॉसेस सिर्फ हॉर्सेस की इनकम के साथ सेटअप होगा और कैसे भी सेटअप नहीं होगा. इस वजह से इंटर हेड सेटअप अलाउ नहीं किया गया है.
अगर आपने लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो कैरी फॉरवर्ड अलाउ किया गया है, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड होगा मैक्सिमम 4 साल के लिए। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना आपके लिए जरूरी है, बिना आईटीआर सबमिट किए आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इस एक्टिविटी को बंद कर दिया तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लॉसेस ऐसे हैं जो सिर्फ उसी इनकम के साथ ही सेटअप हो सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कैजुअल इनकम्स के बारे में, तो भाई कैजुअल इनकम के लॉसेस ना तो सेटअप होते हैं ना कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, ना इंट्रा हेड सेटअप ना इंटर हेड सेटअप ना कैरी फॉरवर्ड। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कैजुअल इनकम्स के लॉसेस हैं, लॉटरी का कोई लॉस आ गया, कार्ड गेम्स का कोई लॉस आ गया, तो इट हैज टू बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट, नाइदर अलाउड टू बी सेट अप अंडर इंटर हेड नॉर अलाउड टू बी सेट अप अंडर इंटर हेड एंड फर्दर नॉट अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्डेड एज वेल। और बाकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के बाकी के सारे लॉसेस, इनकम ऑफ अदर सोर्सेस आईओएस के बाकी सारे लॉसेस, यहां पे उनका इंट्रा हेड सेटअप हो सकता है, इंटर हेड सेटअप हो सकता है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं किया गया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जितने भी इनकम्स हैं उन सब के लिए अगर लॉसेस हैं, सेट ऑफ इंट्रा सेट ऑफ इंटर अलाउड है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ नहीं किया गया है। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ये आपको हमेशा ये बात समझनी है कि अगर आपके पास डेप्रिसिएशन की बात हो तो आप एक सीक्वेंस में आपको लिख देता हूं, ये सीक्वेंस आप जरूर लिख लीजिए, ये बड़े काम की चीज है, ये सीक्वेंस आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे लोग इसको ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो सीक्वेंस आप जरूर लिखिए कि किस सीक्वेंस में आपने लॉसेस और डेप्रिसिएशन का सेटअप लेना है, किस सीक्वेंस में हम ये सेटअप करेंगे। आप सबसे पहले अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से अब आप लेस करेंगे एक्सपेंसेस विदाउट डेप्रिसिएशन। तो आप पहले एक्सपेंसेस लेस करेंगे डेप्रिसिएशन को इग्नोर करते हुए, उसके बाद आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। अब आपने यहां से लेस करना है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 फॉर करंट ईयर। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपने लेस किया, अब आपके पास जो फिगर बचेगी अब आप उस फिगर को बोलेंगे नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट में से अब आपने लेस करना है, क्या लेस करेंगे, इस नेट प्रॉफिट में से आपने लेस करना है करंट ईयर का कोई लॉस, लॉस ऑफ अदर बिजनेस, लॉस ऑफ अदर बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ करंट ईयर। भाई अगर अभी भी लॉस को सेटअप करने के बाद प्रॉफिट बच गया तो कोई बात नहीं, अब आप करंट ईयर का दूसरे बिजनेस का अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए। यह सीक्वेंस आपको हमेशा फॉलो करना है, याद रखिएगा, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे लेस करना, डेप्रिसिएशन लेस नहीं होगा, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आएगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 के अकॉर्डिंगली जो कैलकुलेट हुआ वो आपने लेस करना है, आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इस नेट प्रॉफिट में से आपने सबसे पहले करंट ईयर के दूसरे बिजनेस और प्रोफेशन के लॉसेस को सेटअप करना है, दैट इज इंट्रा हेड सेटअप करना है। उसके बाद भी अगर प्रॉफिट बच जाए तो आप करंट ईयर का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सेटअप करेंगे, अगर है तो, नहीं है कोई बात नहीं, अगर है और उसके बाद भी प्रॉफिट बच गया, अब आपने इस प्रॉफिट में से लेस करना है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। मेरे बेटा याद रखो, सीक्वेंस में आप पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस कर रहे हो और उसके बाद करंट ईयर का लॉस लेस कर रहे हो। जब करंट ईयर की बात करते हैं तो पहले आपने डेप्रिसिएशन लेस करना है, बाद में आपने लॉस लेस करना है करंट ईयर का। लेकिन जब हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड की बात करते हैं तो ब्रॉड फॉरवर्ड के केस में आपने पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को लेस करना है और उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट बच जाए तब लास्ट में आपने ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन लेस करना है। उसके बाद जो बचेगा आप इसे बोलेंगे टैक्सेबल
पीजीबीपी इनकम। भाई ऐसा क्यों कि आप पहले ब्रॉ फॉर लॉस लेस करेंगे, बाद में ब्रॉ फॉर डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। इसके पीछे कारण है, ब्रॉ फॉर लॉसेस की मैक्सिमम लाइफ होती है 8 साल, डेप्रिसिएशन की कोई लाइफ ही नहीं है, क्योंकि लॉसेस की लाइफ है 8 साल, वो पहले खत्म होगी, इस वजह से आप उसको पहले सेट ऑफ करो। और डेप्रिसिएशन की लाइफ नहीं है, अनलिमिटेड पीरियड की लाइफ है, इन्फिनिटी है, इस वजह से वो खत्म ही नहीं होगा, उसे बाद में सेट ऑफ कर लेना। और करंट ईयर में ऐसा नहीं है, करंट ईयर में आपने पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करना है, उसके बाद आपने करंट ईयर का लॉस लेस ऑफ करना है। इसके पीछे भी कारण है, जब तक आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस नहीं करेंगे तब तक आपको एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप डेप्रिसिएशन लेस करेंगे और उसके बाद आप करंट ईयर के लॉसेस को लेस करेंगे। तो ये सीक्वेंस आपको हमेशा फॉलो करना है और इसी सीक्वेंस के बारे में हम लोगों ने यहां पे कुछ बात भी करी है। एक और जबरदस्त प्रिंसिपल है, इसका आपने हमेशा याद रखना है कि जिसके लॉसेस हैं वो लॉसेस खुद ही सेटअप कर सकता है, उसके लॉसेस को दूसरा सेटअप नहीं कर सकता। अगर मेरे बिजनेस में कोई लॉस हुआ है तो उसका लॉस का सेटअप मैं ही करूंगा, कोई दूसरे व्यक्ति उन लॉसेस का सेटअप नहीं कर सकता है। मेरा बेटा अगर करना चाहे अपने बिजनेस से मेरे लॉसेस को सेटअप या मेरे बिजनेस के लॉसेस का सेटअप, तो वो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं। एक्सेप्शन केसेस क्या हैं? पहला, अमलगमेशन। अगर अमलगमेशन हो जाता है तो अमलगमेटिंग कंपनी के लॉसेस अमलगमेटेड कंपनी सेटअप कर सकती है। दूसरा एक्सेप्शन केस है डीमर्जर। अगर डीमर्जर हो जाता है तो डीमर्ज्ड कंपनी के लॉसेस रिजल्टिंग कंपनी सेटअप कर सकती है। इसी प्रकार से अगर प्रोप्राइटरशिप को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया तो कंपनी प्रोप्राइटरशिप के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। इसी प्रकार से अगर पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया तो कंपनी फर्म के लॉसेस को सेटअप कर सकती है। इसी प्रकार से अगर आपने एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया तो भी ये पॉसिबल है। और साथ साथ में मेरा याद रखिएगा, अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो उसके इनहेरिटेंस में जो भी लॉसेस हैं वो लॉसेस सक्सेसर सेट ऑफ कर सकता है। इन 6 के अलावा और कोई भी इसके अंदर एक्सेप्शन केस नहीं है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, बहुत ही जरूरी पॉइंट है, जरूर लिख लेना। लॉसेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लॉसेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म are not allowed to be distributed to its partners. That is partners cannot set off losses of partners cannot set off losses of partnership firm. पार्टनरशिप फॉर्म में लॉसेस का सेट ऑफ नहीं हो सकता। पार्टनरशिप फॉर्म के लॉसेस का सेट ऑफ पार्टनर्स नहीं कर सकते हैं अपनी इनकम के साथ। ये बात गांठ बांध लेना, ये बहुत 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 जरूरी बात है और बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है, या ऐसे मैं बोलूं कि याद रहती है। इसके बाद एक सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिडक्शंस का। डिडक्शंस के चैप्टर के कुछ बेसिक रूल्स हैं। ये बेसिक रूल्स सेक्शन 80A, 80B, 80C के अंदर आपको गिवन है। 80C तो नहीं है, 80A, 80AB और 80AC के अंदर गिवन है। मैं सी बोल गया था, तो ये आप लोग इनको जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 80AB, 80AB कहता है कि डिडक्शंस का पैसा आप लेस नहीं कर सकते 112 के कैपिटल गेन से, 112A के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, 111A के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, कैजुअल इनकम से, और स्पेसिफाइड बिजनेस जो 35AD के है वहां से आप अपने कभी भी डिडक्शंस का अमाउंट लेस नहीं कर सकते। इसके अंदर एक चीज और जोड़ देना, जो डिविडेंड के टैक्सेबल होता है 10 लाख के बाद वाला जो डिविडेंड टैक्सेबल है, आप उसमें से भी अपने डिडक्शंस 80C से 80U वाले डिडक्शंस को लेस नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ में
कुछ इनकम्स, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां पे अगर आपने उन सेक्शंस का डिडक्शन लेना है तो आपको आईटीआर सबमिट करना जरूरी है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। ये कौन कौन से सेक्शंस हैं यहां पे लिखा हुआ है, ये वो सेक्शंस हैं सारे के सारे जो इनकम से रिलेटेड डिडक्शंस होते हैं उनके सेक्शंस हैं। तो डिडक्शंस रिलेटेड टू इनकम, डिडक्शंस रिलेटिंग टू इनकम, अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो उस इनकम को कमाने की वजह से आपको डिडक्शन मिलता है, उन सेक्शंस में आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना जरूरी होता है। जैसे कि एक ऑथर है, ऑथर ने किताबें लिखी हैं, किताबें उसकी मार्केट में बिकती हैं जिसकी वजह से उसको रॉयल्टी का पैसा मिलता है। ये जो उसने रॉयल्टी का पैसा कमाया, इस रॉयल्टी का पैसे को कमाने के लिए, इस रॉयल्टी के पैसे को कमाने के लिए उसने रॉयल्टी के पैसे कमाने की वजह से उसको 80QQB का डिडक्शन मिला। अगर वो 80QQB का डिडक्शन लेना चाहता है तो उसे अपनी आईटीआर ड्यू डेट तक सबमिट करना जरूरी है। तो 80QQB का डिडक्शन इनकम की वजह से है, तो डिडक्शन जो इनकम की वजह से है उन सभी के लिए आईटीआर सबमिट करना आपके लिए ड्यू डेट तक अनिवार्य है। ये था आपके पास सेक्शन 80AC, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने इसको मिस नहीं करना है। देन हमारे पास आ जाता है यहाँ पे टॉपिक कौन सा, हमारे पास टॉपिक आ जाता है यहाँ पे 80C का। मैं 80C की सारी बातें डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ, लेकिन हाँ कुछ जरूरी बातें मैं आपके साथ जरूर 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 डिस्कस करूंगा, जिसमें से सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है आपका लाइफ इंश्योरेंस का पॉइंट। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं और वो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पे कर रहे हैं किस किस के लिए, आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने बच्चों के लिए। बच्चों की बात याद रखिएगा, बच्चों के अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन की लिमिट अप्लाई नहीं होती है। साथ साथ में बच्चे मेजर हो, माइनर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिपेंडेंट हो, नॉट डिपेंडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं और लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं, आप 80C का डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे उतना आपका प्रीमियम का अमाउंट कम रहेगा। उम्र बढ़ने के साथ प्रीमियम का अमाउंट बढ़ता है क्योंकि रिस्क ऑफ लाइफ भी वहां पर बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा कि अगर आपने पॉलिसी अप्रैल 2012 से पहले ली है, 2003 के बाद, लेकिन 2012 से पहले अगर आपने पॉलिसी ली है तो जो भी आपका सम अश्योर्ड है उसका मैक्सिमम 20% हम आपको डिडक्शन देंगे। 2003 से पहले कोई लिमिट अप्लाई ही नहीं होती थी, 2003 के बाद ही ये लिमिट का कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है हमारी सरकार ने। लेकिन ये लिमिट घट के 10% की रह जाएगी अगर पॉलिसी अप्रैल 2012 के बाद इश्यू हुई है। इसी प्रकार से याद रखिएगा, ये प्रीमियम, ये जो परसेंटेज है, ये बढ़ के 15% हो जाता है अगर आपने ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है और आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आपने उसके लिए पॉलिसी करवाई है ऑन और आफ्टर पहली अप्रैल 2013, तो ये परसेंटेज बढ़ के हो जाएगा 15%। अगर आपने प्रीमियम इस लिमिट से ज्यादा पे किया तो वो जो एक्स्ट्रा है, इस लिमिट के बाद का जो अमाउंट है उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सबका आपको डिडक्शन मिल सकता है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट था। दूसरा जरूरी पॉइंट है, हालांकि सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहां पे दे रखे हैं, मैं सिर्फ जरूरी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट मैंने आपको दिया हुआ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, पीपीएफ का। पीपीएफ में आप ये पीपीएफ का अकाउंट खुलवा सकते हैं अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। जितना पैसा पीपीएफ में डालेंगे उतने पैसे पे आपको उसका डिडक्शन मिलता रहेगा। ये आपके पास कहानी आगे चली। और उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स NSE, और याद रखिएगा NSE का जो इंटरेस्ट है आपको उसका भी डिडक्शन मिलेगा। NSE और NSE का इंटरेस्ट से रिलेटेड मैं आपको यहां पे कुछ कहानी समझाना चाहता हूं। इसकी बात, मेरी इस बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनेगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कहते हैं कि साहब NSE का 8th इशू होगा या NSE का 9th इशू होगा तो हम उसका जो इन्वेस्टमेंट इसमें होगा उसका 80C में डिडक्शन दे देंगे। ये 8वां इशू और 9वां इशू का क्या मतलब है भाई साहब? बहुत आसान है ये समझाना। आप सबको पता है आज 2 अक्टूबर और अभी एक दो दिन पहले ही बिग बॉस स्टार्ट हुआ है,
और आपको साथ में ये भी पता है कि एक और दूसरे चैनल के ऊपर केबीसी भी आ रहा है। केबीसी का ये 11वां सीजन है, 11th सीजन है, 11th सीजन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केबीसी 1 आया, कुछ टाइम तक वो चला, फिर बंद हो गया। फिर केबीसी 2 स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम तक वो चला, वो बंद हो गया। केबीसी 3 चला, वो बंद हो गया। ऐसे करते करते अभी तक केबीसी के 10 सीजन्स या 10 सीक्वेंसेस आ चुके हैं और अब 11वां सीक्वेंस चल रहा है। उसी प्रकार से अगर मैं गलत नहीं कह रहा, एंड डू करेक्ट मी इफ आई गो रॉन्ग, बिग बॉस का 11वां या 12वां सीजन है ये वाला, एंड डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो बिग बॉस का भी 11वां या 12वां सीजन है। जैसे टीवी सीरियल्स के सीजन्स होते हैं, उसी प्रकार से एनएससी में भी सीजन्स होते हैं। एनएससी की का बैकग्राउंड अगर आपको समझ आएगा तब आप ये कंसेप्ट को समझ पाएंगे, तब नहीं समझ पाएंगे। एनएससी हुआ ऐसा, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद जब हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक्स के बारे में बात आई तो हमारी सरकार ने सोचा कि हम लोग 5-year प्लान्स बनाएंगे, और 5-year प्लान्स में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि अगले 5 साल में हम लोगों ने कितना काम करना है। वो काम करने के लिए ऑब्वियसली बात है पैसे की जरूरत है, पैसा था नहीं सरकार के पास, तो सरकार ने लोगों को कहा, जनता जनार्दन को कहा कि साहब आपके पास कुछ भी सेविंग्स हो, अपना पैसा हो, वो जाइए डाक खाने में जाके जमा करवा दीजिए। मैंने क्या कहा? डाक खाना, पोस्ट ऑफिस कहा, मैंने बैंक नहीं कहा, शेयर मार्केट नहीं कहा। आप जाइए डाक खाने में जाके वो पैसा जमा करवा दीजिए अंडर अ स्कीम ऑफ नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट NSE। और सरकार ने कहा कि हम 5 सालों के बाद डबल पैसा आपको वापस करेंगे। लोग बहुत खुश दो बातों को लेके, पहली बात कि ये पैसा डाक खाना दैट इज पोस्ट ऑफिस में जमा करवाना था। याद रखिएगा 50s का दौर था, 50s का जमाना था, जब हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम बड़ा स्ट्रांग नहीं था, लोगों को बैंक्स पर भरोसा भी नहीं था, उसमें बैंक्स सरकारी भी नहीं थे, प्राइवेटाइज थे सारे बैंक्स, लेकिन डाक खाना पोस्ट ऑफिस तो सरकारी था। तो लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास था डाक खाने के ऊपर, और साथ में सरकार ने कहा कि 5 साल के बाद हम आपका पैसा वापस करेंगे, दैट इज रिडीम करेंगे, डबल डबल डबल। डबल कैसे होगा? डबल ऐसे होगा कि भाई अगर आपने 10,000 रुपये जमा करवाए तो हम आपको 20,000 रुपये वापस करेंगे। 20,000 रुपये कैसे वापस होगा? 10,000 जो जमा करवाया प्रिंसिपल वो वापस करेंगे, और साथ साथ में ही हम आपको 10,000 रुपये का ब्याज भी उसके ऊपर देंगे। याद रखिएगा ये जो ब्याज का रेट है, इंटरेस्ट का रेट है, वो इंटरेस्ट का रेट इतना ज्यादा था कि जब आप उसे कंपाउंड करें ओवर द पीरियड ऑफ 5 years तो फिर वो आपका प्रिंसिपल के बराबर हो जाता था। दैट वॉज एनएससी वन। जब एनएससी वन कंप्लीट हुआ, लोगों का पैसा सरकार ने रिडीम कर दिया, उसके बाद जब पैसे की जरूरत पड़ी तो सरकार ने एनएससी टू लॉन्च कर दिया, लोगों ने फिर उसके अंदर खूब पैसा इन्वेस्ट किया। जब एनएससी 2 की वो 5 साल की जो ड्यूरेशन है वो पूरी हो गई तो पैसा वापस कर दिया। ऐसे करते 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 भाई साहब अभी तक 6 NSE का पैसा वापस हो चुका है, 7th NSE का रिडेम्पशन चल रहा है, और सरकार ने 8वां और 9वां NSE और इंट्रोड्यूस कर दिया है कि साहब आप 8वें और 9वें के अंदर पैसे इन्वेस्ट कीजिए। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क है, और साथ साथ में दोनों के अंदर टाइम पीरियड ऑफ मेच्योरिटी का फर्क है। आज 2019 में यह पोजीशन है कि आपका पैसा डबल आपको वापस नहीं मिलता है, आपका पैसा आपको लगभग 170% इंक्रीज के साथ मिलता है। दैट मीन्स अगर आपने 10,000 रुपए जमा किए तो आपको लगभग 17,000 रुपए वापस मिलेंगे। दूसरी बात, पहले ऐसा होता था कि पैसा 5 साल के बाद वापस मिलता था, लेकिन अब 5 साल के बाद पैसा वापस नहीं मिलेगा, अब आपको 7.5 सालों के बाद पैसा वापस मिलेगा। इसी बात को और बढ़िया से समझते हैं, आप लोगों ने सबने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है, FM का सब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है, आपको यह बात अच्छे से पता है कि अगर मैंने यहां पे लिखा है 0, अगर मैंने यहां पे लिखा है 0 तो 0 रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। देन आई हैव राइट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then 1 represents the end of the first year and the start of the second year, 2 represents end of the 2 year and the start of the third year, 3 represents the end of the third year, start of the fourth year, and so on.
तो जीरो का मतलब है आज, जीरो का मतलब है आज की तारीख, वन का मतलब है एंड ऑफ ईयर वन, टू का मतलब है एंड ऑफ ईयर टू, एंड सो ऑन। मेरे बेटा याद रखिएगा, मैं जब पैसा एनएससी में जमा करूंगा तो मैं एनएससी में पैसा आज जमा कर रहा हूं, आज का मतलब है जीरो टाइम पीरियड। तो जितना पैसा मैंने एनएससी में जमा कर दिया, एनएससी में इन्वेस्ट कर दिया, उसका मेरे को एनएससी का इन्वेस्टमेंट करने का एटीसी में मेरे को आज उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन मेरे को इंटरेस्ट आज थोड़ी ना मिलेगा, मेरे को तो इंटरेस्ट मिलेगा एक साल के बाद, मेरे को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा एक साल के बाद, दो साल के बाद, तीन साल के बाद, चार साल के बाद, पांच साल के बाद, छह साल के बाद, सात साल के बाद। और मेरे बच्चे याद रखिएगा, और मेरे बेटा याद रखिएगा, इंटरेस्ट इन हैंड नहीं मिलता। कंपाउंड कैसे होगा? कंपाउंड करने का तरीका यही है कि जब वो पैसा एनएससी का इंटरेस्ट का उसके अंदर ऐड होगा तो अगले साल टोटल के ऊपर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वो इंटरेस्ट फिर स्कीम के अंदर ऐड होगा, फिर टोटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तभी तो कंपाउंड हो पाएगा। अगर सरकार आपको इंटरेस्ट इन हैंड देना स्टार्ट कर दे तो फिर वो कंपाउंड थोड़ी ना हो पाएगा। तो मेरे बेटा याद रखिएगा, एटीसी में आपको डिडक्शन मिलेगा, एटीसी में आपको डिडक्शन मिलेगा। कौन सा आपको डिडक्शन मिलेगा? जब आपने आज इन्वेस्ट किया पैसा तो आज जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका डिडक्शन है, और उसके बाद अगले पांच सालों तक, मैंने ठीक कहा, पांच सालों तक आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता रहेगा। लेकिन छठे साल का और सातवें साल का जो इंटरेस्ट है, आपको उस छठे और सातवें साल के इंटरेस्ट का एटीसी में डिडक्शन कभी नहीं मिलता है। एटीसी में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है सिर्फ पहले पांच सालों तक, और छठे और सातवें साल में इंटरेस्ट आप कमाओगे तो सही, लेकिन आपको एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगा। साथ समय मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, एटीसी में डिडक्शन क्यों दे रहे हैं इंटरेस्ट का? क्योंकि वो इंटरेस्ट आपको इन हैंड नहीं मिला, वो इंटरेस्ट आपके स्कीम के अंदर री इन्वेस्ट हो गया, तभी तो कंपाउंड हो पाएगा। क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का पैसा स्कीम में ही इन्वेस्ट हो रहा है, वो आपकी सेविंग्स माना जाता है, जिसकी वजह से आपको एटीसी का डिडक्शन मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट नहीं आता है, इस वजह से ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो याद रखिएगा, जो नेशनल सेविंग्स में आपने पैसा डाला उसका आपको डिडक्शन मिलता है, जो इंटरेस्ट है आपको उसका भी डिडक्शन मिलता है, लेकिन मिलता है सिर्फ पहले पांच सालों तक, इसके बाद नहीं मिलता है। साथ साथ में मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं, सारे पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहा मैं। अगर आपके आपके माता पिता ने आपके लिए ट्यूशन फीस पे करी है, वो ट्यूशन फीस इंडिया के किसी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर पे किया गया है और मैक्सिमम दो बच्चों के लिए पे किया गया है, तो एटीसी का डिडक्शन लिया जा सकता है। यहां पर ट्यूशन फीस का मतलब क्या है, दोबारा से समझिएगा, सुनिएगा। आप रिकॉल करें अपने स्कूल का टाइम, अपने स्कूल के अंदर जब आप पैसा जमा करवाते थे, फीस पे करते थे, तो आपको उसकी फीस रिसिप्ट मिलती थी। फीस रिसिप्ट में अलग अलग हेडिंग से होते थे, ट्यूशन फीस, बस चार्जेस, लाइब्रेरी चार्जेस, बिल्डिंग फंड, फलाना ढमकाना और सो ऑन। तो जितना पैसा ट्यूशन फीस के सामने लिखा होता था सिर्फ उसका एटीसी में डिडक्शन मिलेगा, बाकी अमाउंट का एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ में मेरे बेटा, और जो मेन बातें हैं वो ये हैं कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर किसी पांच साल की सेविंग स्कीम में पैसा जमा करवा दिया तो आपको एटीसी का डिडक्शन मिल सकता है। अगर आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा जमा करवाया तो किसी भी गर्ल चाइल्ड के लिए, फॉर एनी गर्ल चाइल्ड, तो फिर उस केस में आप उस पैसे का भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नाबार्ड के बॉन्ड पे पैसा जमा करवाओगे या फिक्स्ड डिपॉजिट जो पांच साल के लिए है उसके लिए अगर आप पैसा जमा करवाओगे तो आप एटीसी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एक बहुत 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 जरूरी बात, बहुत 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 जरूरी बात, अगर आपने रेसिडेंशियल मकान खरीदने के लिए या उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए कोई लोन लिया है तो लोन का जब प्रिंसिपल अमाउंट आप वापस करेंगे, जब आप प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेंगे तो उस प्रिंसिपल अमाउंट का आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाता है। साथ साथ में प्रॉपर्टी अगर आपने खरीद लिया है और ओनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर हुआ है तो उस प्रॉपर्टी के खरीदने पे जो आपने स्टैंप ड्यूटी पे किया है उस स्टैंप ड्यूटी के पैसे का भी आपको एटीसी में डिडक्शन
मिलता है। ये पॉइंट आप मार्क कर लेना एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर पूछेगा इस बार ये वाला पॉइंट, स्टैंप ड्यूटी वाला पॉइंट जरूर 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 पूछेगा। इसके बाद मेरे बेटा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास पेंशन प्लान है। पेंशन प्लान मैं बड़ा हैरान रह जाता हूं स्टूडेंट से जब मैं बात करता हूं तो पेंशन प्लान के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। मैं यहां पे डिस्कस भी नहीं करूंगा क्योंकि उसमें डिस्कशन में बहुत टाइम लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल, पेंशन प्लान को समझाने में टाइम ज्यादा लगता है, सेक्शन को लिखने में रीड आउट करने में टाइम कम लगता है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज इसमें आती है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में दिया होता है पेंशन प्लान, तो जो सोल्यूशन है उसमें कभी 80C में डिडक्शन दे देते हैं, कभी 80CC में डिडक्शन दे देते हैं। स्टूडेंट बेचारा हमेशा परेशान रहता है कि साहब पेंशन प्लान 80C में कब जाएगा, पेंशन प्लान 80CC में कब जाएगा, हमेशा ही वो परेशान रहता है। अगर आपको भी ये परेशानी है तो मेरे को कॉल कीजिएगा, मैं आपको जरूर 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 मदद करूंगा, आपको अच्छे से कंसेप्ट वाइज समझाऊंगा कि पेंशन प्लान है तो वो 80C में कब जाएगा और पेंशन प्लान है तो वो 80CC में कब जाएगा, उसके पीछे रीजंस हैं, उसके पीछे लॉजिक्स हैं, वो रीजंस और लॉजिक्स क्लास के अंदर तो डिस्कस किए हैं, यहां पे शायद मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी, 80CC की अगर हम लोग बात करें तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद 80CCD की सारी कहानियां मैं आपके साथ पहली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, याद करो हम लोगों ने पेंशन का टॉपिक किया था, पेंशन के टॉपिक के साथ में मैंने आपके साथ सारा का सारा कंसेप्ट डिस्कस किया था। किसका कौन सा, हमने सारा का सारा कंसेप्ट डिस्कस किया था 80CCD के NPS का, जहां पे मैंने आपको वो 50,000 पे अलग करना है और वो सारी कहानियां भी मैंने आपको सुना दिया था। मैंने बताया था कि चिदम्बरम साहब ने क्या किया इस सेक्शन में, चिदम्बरम साहब के बाद फाइनेंस मिनिस्टर बने प्रणब मुखर्जी साहब, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी की कहावत है ना, टू मनी कुक्स स्पॉल द ब्रोथ, बिल्कुल वही कहानी है। एक सेक्शन के ऊपर इतनी बार काम किया गया, इतनी बार काम किया गया कि आज वो सेक्शन का बेड़ा गर्क हो चुका है। मेरे ख्याल से 80CCD शुड बी रीड्राफ्टेड, री रिटन टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर एवरीबडी, बट देन ठीक है, हमारे लिए अच्छा है, मुश्किल है तो अच्छा है। उसके अलावा एनपीएस के अंदर से जब हम लोग पैसा विड्रॉ करते हैं तो पैसा अगर आप मैच्योरिटी पे विड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में 40% एग्जेम्प्ट होगा, 60% टैक्सेबल हो जाएगा, ये डिस्कशन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। और अगर आप अदरवाइज कभी भी पैसा उसमें से विड्रॉ कर रहे हैं तो 25% एग्जेम्प्ट करेंगे और बाकी का पैसा आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। 80CCE में लिमिट्स गिवन है, वो लिमिट्स अप्लाई कैसे होंगी, 50,000 पे अलग करना है और बाकी सारी कहानियां अलग चलेंगी, कैसे होगा वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 80CCG नॉट रेलेवेंट, ये नॉट रेलेवेंट है, आप इसको 80CCG को छोड़ेंगे, आपने नहीं करके जाना 80CCG, ये नॉट रेलेवेंट इस वजह से है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि हमारे कानून से हट गया, नहीं कानून में है, लेकिन इस साल असेसमेंट ईयर 19-20 में 80CCG का डिडक्शन नहीं मिल सकता है, तो आप इसको 80CCG को बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। 80D हैज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने उसको 80D को मार्क करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ कहानियां बड़ी सिंपल सी कहानियां हैं, डिडक्शन इंडिविजुअल को मिलेगा और HUF को मिलेगा, डिडक्शन सिर्फ तब मिलेगा जब उसने अपनी टैक्सेबल इनकम को यूज करके पैसा इन्वेस्ट किया है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी एग्जेम्प्टेड इनकम को यूज करके मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहा है या मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा है तो वो 80D का डिडक्शन नहीं ले सकता। मान लीजिए किसी ने अपनी एग्रीकल्चर इनकम कमाई और एग्रीकल्चर इनकम का पैसा यूज करके प्रीमियम पे किया, 80D नहीं मिलेगा उसे। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति ने, दोबारा से सुनिएगा, अगर किसी व्यक्ति ने डिविडेंड का पैसा कमाया डोमेस्टिक कंपनी का और वो पैसा यूज करके उसने प्रीमियम पे किया मेडिकल इंश्योरेंस का, तो उसे 80D का डिडक्शन नहीं मिलेगा। साथ साथ में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए आप पैसा पे करें, चाहे वो कैश में हो या किसी और तरीके से हो, 80D का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन बाकी मेन प्रीमियम को अगर आपने कैश में पे किया है तो आपको 80D का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है कि प्रीमियम का पैसा अगर हम कैश में देते हैं तो 80D का डिडक्शन नहीं मिलता, उसके पीछे का अगेन एक बैकग्राउंड है, उसके पीछे की अगेन एक स्टोरी है,
उसके पीछे का अगेन एक हिस्ट्री है, लोग जो फ्रॉड करते थे इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके, वो पूरी की पूरी कहानी मैंने अपनी क्लास के अंदर सुनाई है समझाने के लिए कि कैश में पे करोगे तो डिडक्शन क्यों नहीं मिलता है। आप प्रीमियम किस किस के लिए पे कर सकते हैं? आप प्रीमियम पे कर सकते हैं अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और साथ साथ में आप प्रीमियम पे कर सकते हैं अपने माता पिता के लिए, चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो। लिख देता हूं मैं यहां पे डिपेंडेंट और नॉट। तो माता पिता डिपेंडेंट हो या माता पिता डिपेंडेंट ना हो, आप प्रीमियम पे कीजिए, आपको 80D में डिडक्शन मिलेगा। लेकिन प्रीमियम कितना देना है? आपने प्रीमियम देना है या डिडक्शन क्लेम करना है मैक्सिमम 25,000। लेकिन अगर आप, आपके स्पाउस या आपके माता पिता या कोई भी परिवार का सदस्य अगर सीनियर सिटीजन है, तो वो लिमिट 25,000 रुपए की बढ़ के 50,000 की हो जाती है। तो लिमिट इंक्रीजेस टू 50,000 इफ एनी पर्सन इज अ सीनियर सिटीजन। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, जो पैसा आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं CGHS या SGHS में, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, इवन दैट क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। CGHS क्या होता है, SGHS क्या होता है, मैंने अपनी क्लास के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। मेरे फादर और मेरी मदर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हुए, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS के मेंबर हैं। मेरी वाइफ स्टेट गवर्नमेंट में है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीचर हैं, तो मेरी वाइफ स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की मेंबर है। तो ये दोनों कंसेप्ट अपने घर के अंदर ही यूज होते हैं, इस वजह से मैंने उनके, अपना वाइफ, अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल लेके ये कंसेप्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है। आप उसको अच्छे से देखिएगा, अपने क्लास नोट्स में देखिएगा, आपको बहुत बहुत अच्छे से वो मिल जाएगा। इस साल का एक नया सेक्शन, इस साल का एक नया कंसेप्ट, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 1 साल से ज्यादा का पे किया है, 4 साल का पे किया, 5 साल का पे किया, होता नहीं है जल्दी, 3 साल का ही होता है, अगर आपने 3 साल का प्रीमियम पे किया, तो क्या सारा का सारा प्रीमियम आपको इस साल डिडक्शन मिल जाएगा? आंसर इज नो। अगर आपने 3 साल का प्रीमियम पे किया, तो उस प्रीमियम को 3 साल में अमोर्टाइज करेंगे, इस साल, अगले साल और उससे अगले साल आपको बराबरी के हिसाब से उसका डिडक्शन मिलेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, बहुत जरूरी बात है, मैंने क्लास नोट्स में लिखवाई हुई है ये बात, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ में GST भी पे किया है, तो GST के अमाउंट का डिडक्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने टोटल प्रीमियम पे किया है 25,000 पे, और उस 25,000 के अंदर 2,000 का तो GST था, तो आप पूरे 25 का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, आप डिडक्शन सिर्फ 23,000 का क्लेम करेंगे, ना कि पूरे 25,000 का। बहुत ध्यान से ये वाला कंसेप्ट करके जाएगा, हो सकता है एग्जामिनर ये वाला पॉइंट पूछ ले। साथ साथ में मेरे बच्चे याद रखिएगा, 80D सेक्शन 80DD सेक्शन आपको याद होगा, यहां पे मैंने अपने भांजे का, भांजा नहीं, अपने भतीजे का, मानक का एग्जाम्पल आपको क्लास में दिया था। मेरा एक भतीजा मानक बाय बर्थ मेंटली एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड है, और उसके माता पिता मेरे कजन दैट इज वरिंदर जो मेरा भाई है, और उसकी वाइफ दैट इज मेरी भाभी रितु। तो आप सबको याद होगा मैंने मानक, रितु और वरिंदर का एग्जाम्पल दिया था, और एग्जाम्पल देके मैंने पूरी कहानी समझाई थी, और यहां से, इस सेक्शन से ये भी समझाया था कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड है 80U सेक्शन के हिसाब से, तो उस बच्चे की इनकम को मां बाप की इनकम में ऐड क्यों नहीं करते? मानक की इनकम को वरिंदर और रितु की इनकम में ऐड क्यों नहीं करेंगे? ये डिस्कशन क्लास के अंदर बहुत 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 डिटेल में मैंने आपके साथ किया था। आई स्टिल रिमेंबर 80DD में लगभग 1 घंटा लगाया था, तो वो 1 घंटा यूज कीजिए। बहुत जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट सीखे हुए हम लोगों ने, कोई रट्टाफिकेशन नहीं किया हुआ। चलिए यहां पे हम लोग उस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मेरा भतीजा मानक बाय बर्थ फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड है, उसके देख रेख के लिए, उसके पालन पोषण के लिए जो भी खर्चा होगा, उस खर्चे की वजह से 80DD का डिडक्शन लिया जा सकता है। किन किन बातों की वजह से खर्चा हो सकता है और किन किन बातों की वजह से 80DD लिया जा सकता है,
वो है मेडिकल ट्रीटमेंट, मानक का मेडिकल ट्रीटमेंट, मानक की देखरेख नर्सिंग, मानक की किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग या रिहैबिलिटेशन, या फिर मानक के नाम पे अगर कोई पॉलिसी एलएसी पॉलिसी या यूटीए की पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वो। लेकिन हाँ, याद रखिएगा मानक का फिजिकल या मेंटल डिसेबल होना जरूरी है। डिसेबिलिटी का परसेंटेज आपको याद हो जाना चाहिए, 40% से कम है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, 40 से ज्यादा 80 से कम है तो 75,000, 80 से ज्यादा है 80 के बराबर है तो 1,25,000। ये परसेंटेज का क्या मतलब है, 80 40 और इन सब का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर क्लास में हो चुका है। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि 40% से कम की डिसेबिलिटी में डिडक्शन नहीं मिलता। चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों ने तो ये बात क्लास में करी हुई है। और मैंने अगर आपको याद हो तो फिजिकल डिसेबिलिटी एक्ट जो हमारी सरकार का है उसका जिक्र भी क्लास के अंदर किया था, साथ साथ में 80DDB। मैंने हमेशा आपको ये बताया कि बी से याद कर लेना, बी से बीमारी याद कर लेना। मैंने आपको युवराज सिंह का एग्जाम्पल दिया था, याद करते जाओ सारी बातें, सारे एग्जाम्पल्स में वही दोहरा रहा हूं जो मैंने अपनी क्लास के अंदर दिए हुए हैं। युवराज सिंह 2011 का चैंपियन, 2007 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन, T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन, 2011 की क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन। कैंसर था जब वो मैचेस खेल रहा था, उल्टियां करता था खून की, युवराज सिंह बीमार था, डिसेबल्ड नहीं था। युवराज सिंह बीमार था, डिसेबिलिटी नहीं थी युवराज सिंह को। युवराज सिंह के इलाज के लिए 80DDB यूज होगा, 80DD यूज नहीं होगा। 80DD तब यूज होता है जब बीमारी ना हो डिसेबिलिटी हो, 80DB यूज तब होता है जब डिसेबिलिटी ना हो बीमारी हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्या दोनों सेक्शन हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई एक व्यक्ति फिजिकली डिसेबल्ड है और उसे कैंसर भी है तो फिजिकल डिसेबिलिटी पे 80DD मिल जाएगा, कैंसर पे 80DB मिल जाएगा, क्या परेशानी है इसमें? तो ये बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है कि दोनों सेक्शन हो, लेकिन दोनों सेक्शन के पर्पस अलग अलग हैं, आपको ये बात सीख लेनी चाहिए, ये चीज आपको याद रख लेनी चाहिए। 80DB का डिडक्शन किस किस को मिलेगा? 80DB का डिडक्शन मिलेगा इंडिविजुअल और एचएफ को। ये डिडक्शन मिलेगा अगर उसको कोई स्पेसिफाइड डिजीज है, हाँ स्पेसिफाइड डिजीज। मेरे बेटा याद करो सैलरी का चैप्टर, सैलरी के चैप्टर में मैंने अपनी किताब के अंदर लंबा सा एक टेबल बना के दिया हुआ है लगभग 1.5 पेज का, और उस 1.5 पेज का जो टेबल है उसके अंदर आधे में लिखा हुआ है कि व्हाट आर द अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टेकिंग अप्रूवल फॉर द हॉस्पिटल्स एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक डिजीजेस। हालांकि मैंने आपको बार बार कहा कि वो स्पेसिफिक डिजीजेस जो टेबल में मैंने आपको लिख के दिया उनको याद नहीं करना है, लेकिन भाई समझ तो हो, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया और साथ साथ में टाइफॉइड में भी जो सारी कैटेगरीज आती हैं, और हेपेटाइटिस और वो सारी कैटेगरीज, वो सब कुछ लिखा हुआ था हमारे स्पेसिफिक डिजीज के अंदर। याद करो वो सैलरी का पेज जहां पे मैंने आपको हॉस्पिटल के अप्रूवल के लिए कंडीशंस और साथ साथ में स्पेसिफिक डिजीजेस के नाम भी लिख के दिए हुए हैं, याद नहीं करने आपने। बट देन अगर वो वाली स्पेसिफिक डिजीजेस में से कोई बीमारी है तब आप 80DDB का डिडक्शन ले सकते हैं। खर्चा करना जरूरी है, खर्चा नहीं होगा तो आप डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। खर्चा कैसे करना है, किस किस के लिए करना है? खर्चा आप कर सकते हैं स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, और साथ साथ में अपने लिए भी खर्चा करना चाहते हैं बीमारी के ऊपर तो आप खर्चा अपने लिए भी कर सकते हैं। डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा आपको मैक्सिमम 40,000 रुपए का मैक्सिमम। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट बढ़ के हो जाती है 1,00,000 रुपए। अरे भाई 1,00,000 या 1,25,000 रुपए, हाँ इसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल से गड़बड़ है। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा अगर कोई पैसा इंश्योरेंस कंपनी से या फिर एम्प्लॉयर से रीइंबर्स हुआ है तो जितना पैसा रीइंबर्स हुआ उस पैसे को हम लोग लेस कर देंगे, उस पैसे को हम लोग लेस कर देंगे आपके डिडक्शन के अमाउंट में से। साथ साथ में हम लोगों ने 80E किया था। 80E stands for education, education के ऊपर अगर आपने पैसा खर्च किया और उसके लिए अगर आपने कोई education loan लिया है,
तो एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उस इंटरेस्ट के अमाउंट का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट के अमाउंट का डिडक्शन क्लेम करेंगे, आप कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। डिडक्शन आपको इंटरेस्ट का मिलता है, कभी भी आपको डिडक्शन नहीं मिलता है फॉर द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, आप जब ये पैसा वापस करेंगे तब आपको डिडक्शन मिलेगा। और पैसा वापस कहां से करना है? पैसा वापस आपने करना है अपनी टैक्सेबल इनकम को यूज करके। अगर एग्जेम्प्टेड इनकम को यूज करके पैसा वापस करेंगे तो आपको 80E का डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन किसको मिलेगा? रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल। लोन लेना है आपने एजुकेशन के लिए, ऐसी एजुकेशन जो 12वीं पास करने के बाद की जाती है। लोन आप लेंगे किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से। डिडक्शन आपको सिर्फ इंटरेस्ट का मिलेगा, कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती, जितना इंटरेस्ट है सारा डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन आपको लगातार 8 सालों तक मिलता रहेगा, जब से आपने पे करना स्टार्ट किया, पैसा वापस करना स्टार्ट किया, वहां से आपके 8 साल शुरू हो जाएंगे। और साथ साथ में यस, इंटरेस्ट का डिडक्शन सिर्फ तब मिलेगा जब आप उसे अपनी टैक्सेबल इनकम को यूज करके पे कर रहे हैं। अगर आप एग्जेम्प्टेड इनकम को यूज करके पे करेंगे पैसा वापस, तो फिर 80E का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80EE इज नॉट एप्लीकेबल, आप इसे नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल के लिए सेक्शन आया था और उसके बाद ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो 2016-2017 के लिए सेक्शन आया था, उसके बाद ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगले साल के लिए, मई 20 के लिए, इसके बाद 2 सेक्शन और इंट्रोड्यूस किए गए, AEE A EE B, तो वो मई 2020 के एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। और जब उसकी मैराथन करेंगे तब मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। 80G का जो सेक्शन है, इससे रिलेटेड मैंने एक अपने YouTube चैनल के ऊपर ऑलरेडी फुल फ्लेज क्लास डाली हुई है कि 80G की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आप एक बार वो क्लास देखिएगा, आपको समझ आएगा, याद होगा। मैंने सारे का सारा जो 80G है उसको समराइज किया है बड़ा फर्स्ट क्लास तरीके से, जिसके अंदर थोड़ी सी बातें मैं यहां पर आपको बता देता हूं। 80G का डिडक्शन मिलेगा सबको, चाहे इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, HUF हो, लोकल अथॉरिटी हो, सबको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन लेने के लिए उनको पैसा दान में देना होगा। मैंने कहा पैसा दान में देना है, वो पैसा कैश में भी हो सकता है, चेक हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप काइंड में कुछ दान में देंगे तो आपको 80G का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे आज 2 अक्टूबर है और आने वाले कुछ टाइम में ठंड या जाड़ा स्टार्ट हो जाएगा। अगर सर्दियों में आपने गरीबों में जाके कंबल बांट दिए, या अगर आपने भंडारा लगाया और खाना खिला दिया गरीबों को, तो डोनेशन इन काइंड है, आपको 80G का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80G का डिडक्शन लेने के लिए आपको पैसा दान करना है। अब जरा सोचो, क्या मैं गरीबों के पास जाके, गरीबों की तरफ जाके और वहां पे जाके मैं 2000 के नोट बांटना स्टार्ट कर दूं और फिर मैं बोलूं सरकार को मेरे को 80G का डिडक्शन दे दो, तो क्या मिल जाएगा? आंसर इज नो। 80G का डिडक्शन लेने के लिए आपने पैसा दान देना है स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस को। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। अभी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जहां पे आपने जितना पैसा दान किया उसका 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा, उनको हम लोग बोलते हैं कैटेगरी ए इंस्टीट्यूशंस। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जहां पे आपने पैसा दान दिया तो आपको 50% का डिडक्शन मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कैटेगरी बी इंस्टीट्यूशंस। कुछ और है कैटेगरी सी इंस्टीट्यूशंस, जहां पे आप पैसा दान करेंगे तो 100% का डिडक्शन मिलेगा, बट विद इन अ पर्टिकुलर लिमिट। कुछ और हैं कैटेगरी डी इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आप पैसा दान करेंगे तो आपको 100% का नहीं, 50% का डिडक्शन मिलेगा विद इन अ लिमिट। तो याद रखिएगा, ए के अंदर 100% विदाउट लिमिट, बी के अंदर 50% विदाउट लिमिट, सी के अंदर 100% बट विद अ लिमिट, डी के अंदर 50% बट विद अ लिमिट। ये लिमिट कितनी है मैं अभी आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले इसको याद कर लीजिए। याद करने का तरीका बहुत आसान है। पहले आप देखिए बी कैटेगरी, याद रखिएगा बी कैटेगरी के अंदर सिर्फ 4 संस्थाएं हैं, 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
ये चार याद करना बहुत आसान है। हमारे देश के तीन ग्रेट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, ये तीनों पॉलिटिकल पर्सनालिटीज एक ही पॉलिटिकल पार्टी से आती हैं, ये एक ही परिवार से आती हैं, ये तीनों हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली तीनों की डेथ हो चुकी है। मैं कौन से तीन लोगों की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, तीनों कांग्रेस के एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से। तीनों हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली तीनों की डेथ हो चुकी है। इन तीनों की डेथ के बाद इन तीनों के नाम की संस्था बनाई गई, अब वहां जाके पैसा दान करें 50% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। राजीव गांधी साहब की डेथ हुई थी 1991 में बॉम्ब ब्लास्ट में, और राजीव गांधी की डेथ के बाद गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। याद करने का तरीका मैं आपको दे रहा हूं, मैं हंसी मजाक में यह बात बोल सकता हूं कि गांधी परिवार में प्राइम मिनिस्टर का सूखा पड़ गया, गांधी परिवार में प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट का सूखा पड़ गया, हंसी मजाक में ऐसा बोल सकते हैं। और चौथा पॉइंट याद कर लेंगे, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ड्रॉट इज सूखा, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट का सूखा पड़ गया कांग्रेस पार्टी में। इस प्रकार से आप ये चौथा पॉइंट याद कर सकते हैं, हो जाएगा आराम से, कोई परेशानी नहीं है। जो सी कैटेगरी है उसके अंदर आप 100% का डिडक्शन क्लेम करेंगे, लेकिन एक लिमिट के अंदर अंदर, वो लिमिट क्या है मैंने अभी आपको बताना है। यहां पे क्या क्या आएगा? यहां पे आएगा भाई साहब फैमिली प्लानिंग के लिए पैसा दान करना, जो कि आज हमारे देश की प्रायोरिटी है। अभी 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी बोला कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, प्रायोरिटी आइटम है। साथ साथ में अगर आपने पैसा दान किया है किसके लिए? टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च की रेनोवेशन या रिपेयर के लिए अगर आपने पैसा दान किया है, एंड उसके साथ साथ में अगर आपने पैसा दान किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, किस काम के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए या उसकी मेंटेनेंस करने के लिए, या गेम्स की स्पॉन्सरशिप के लिए अगर आपने पैसा दान किया, तब आपको डिडक्शन मिल जाएगा। प्रायोरिटी आइटम्स है, प्रायोरिटी क्या है हमारे देश की, प्रायोरिटी क्या है हमारे देश की? प्रायोरिटी है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमारे देश की प्रायोरिटी है गेम्स अच्छे से हों, ओलंपिक्स हमारे देश में आए, ये हमारी प्रायोरिटी है। पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल करें, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो सी कैटेगरी के अंदर आता है प्रायोरिटी आइटम्स। तो डी कैटेगरी में क्या जाएगा भाई? डी कैटेगरी में जाएगा आप किसी भी तरह का कोई भी लोकल अथॉरिटी को पैसा दे दें अदर देन फैमिली प्लानिंग, किसी भी काम के लिए दें अदर देन फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के अलावा, या आप किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दान करें किसी भी काम के लिए, तो आप डी कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। मेरे बच्चे साथ साथ में ध्यान रखिएगा, साथ साथ में एक बात का और ध्यान रखिएगा, एक चीज यहां पे है, ये जो टेम्पल मॉस्क है ये सी कैटेगरी में ना आके डी कैटेगरी में आता है, इस बात को आपने थोड़ा सा इसे रेक्टिफाई करना है। ये सी कैटेगरी में नहीं आता, डी में आता है, टेम्पल गुरुद्वारा वाला जो है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी डी। चलिए इसके साथ साथ में ए हो गया, बी हो गया, सॉरी ए नहीं हुआ, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ए को याद करने का एक सिंपल सा तरीका दे रहा हूं, जिस भी संस्था के नाम के साथ नेशनल वर्ड जुड़ गया वो ए कैटेगरी में आएगा। आप दोबारा से सुनिएगा, जिस भी संस्था के साथ में ए नेशनल वर्ड जुड़ा हुआ है वो ए कैटेगरी के अंदर आएगा। आप पढ़ते जाओ और देखते जाओ, नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर्स आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। आर्मेनिया में कभी अर्थक्वेक आया था? आर्मेनिया के लोग भूल गए, हम लोगों ने अभी तक यहां पे लिखा हुआ है। अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया फंड, अफ्रीका के लिए पैसा दान करो, अपने लिए खाने के लिए नहीं है, पटना में बाढ़ आ गई कोई पूछने वाला नहीं है, अफ्रीका में जाके दान करो, पागल हो गए हम लोग। नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, फंड सेटअप फॉर द गुजरात गवर्नमेंट फॉर द प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक इन गुजरात, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको ये सारे याद नहीं करने हैं, कौन कौन से याद करने हैं मैं उसके ऊपर निशान लगा देता हूं। नेशनल डिफेंस फंड याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड याद रखिएगा, नेशनल चिल्ड्रन फंड याद करना है,
आपने उसके बाद अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी याद करना है, आपने उसके बाद जिला साक्षरता समिति याद करना है, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल आपने याद करना है, आपने उसके बाद याद करना है नेशनल स्पोर्ट्स फंड, आपने याद करना है स्वच्छ भारत कोष और क्लीन गंगा फंड, आपने ये सारे के सारे पॉइंट्स याद करने हैं। लेकिन याद करने का तरीका मैंने आपको दिया कि भाई जहां पे भी नेशनल वर्ड आ रहा है वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और वो सब एक कैटेगरी में चले जाते हैं। अब उसके बाद आपने डिडक्शन कैलकुलेट कैसे करना है, भाई साहब मैं आप सबसे वादा कर रहा हूं, आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस हेयर, नॉट अ फॉल प्रॉमिस, नॉट टॉल क्लेम्स, अ प्योर जेंटलमैन प्रॉमिस। मैंने आपको यहां पे ये 5 स्टेप्स लिख के दे दिए हैं। मेरा आप सभी भाइयों से, बहनों से, बेटों से, बेटियों से वादा है, अगर आप मेरे ये 5 स्टेप्स तरीके से फॉलो कर ले, रिलीजियसली आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर ले, मैं आपसे वादा कर रहा हूं आपका एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। आप पूरे हिंदुस्तान में जो से मर्जी टीचर, जो से मर्जी ऑथर की किताब उठा लें, जो से मर्जी इंस्टीट्यूशन की किताब उठा लें, जो से मर्जी क्वेश्चन कर लें, 2 करें, 4 करें, 50 करें, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने स्टेप्स ये वाले फॉलो कर लिए हैं और बिल्कुल ठीक से फॉलो किए हैं। तो मैंने 80G से रिलेटेड अलग से एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डाला हुआ है, प्लीज उसको जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो उसको शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर 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 कीजिएगा, एंड आई प्रॉमिस यू यू विल लाइक इट लाइक एनीथिंग। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है 80GG। 80GG अप्लाई उस केस में होगा जहां पे एक व्यक्ति किराए के मकान में रहता है लेकिन उसके एम्प्लॉयर से उसको ना तो HRA मिलता है ना रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलता है। अगर वो नौकरी नहीं करता है तो कोई बात नहीं, 80GG का डिडक्शन क्लेम करेगा, किराए के मकान में रहता है। नौकरी करता है लेकिन HRA नहीं मिलता, RFA नहीं मिलता, तब वो 80GG का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। 80GG का डिडक्शन क्लेम करने के लिए उसके पास कोई भी मकान सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल हो, चाहे वो इंडिया का रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। साथ साथ में जिस शहर में वो रहता है उस शहर में उसके नाम पे या उसके स्पाउस के नाम पे या उसके माइनर बच्चों के नाम पे या HUF के नाम पे कोई मकान नहीं होना चाहिए। भाई मेजर बच्चे के नाम पे मकान हो सकता है, हाँ हो सकता है, माइनर बच्चे के नाम पे मकान नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? मैंने सैलरी के चैप्टर में 80GG करवाया था, मैंने ठीक कहा, सैलरी के चैप्टर, सैलरी के चैप्टर में HRA का टॉपिक था, HRA के टॉपिक के इमीडिएट बाद 80GG करवाया था। 80GG में मैंने आपको एक एक बात बताई थी कि लोग किस तरीके से प्लानिंग करके इस सेक्शन का मिस यूज कर सकते थे, उस मिस यूज को कैसे रोका गया। लेकिन अगर मेजर चाइल्ड इन्वॉल्व हो जाता है तो टैक्स प्लानिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेजर चाइल्ड के साथ प्लानिंग नहीं होती है या नहीं हो सकती है, इस वजह से यहां पे मेजर चाइल्ड ही है। माइनर चाइल्ड, पेरेंट माइनर चाइल्ड है या स्पाउस है वो तो पॉसिबल है, लेकिन मेजर चाइल्ड का अगर आपने यहां पे कंसिडर किया तो फिर 80GG का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन बाकी सिचुएशन में आप 80GG का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। 80GG कितना होगा? 80GG होगा मैक्सिमम 5,000 रुपए पर मंथ, साल का मैक्सिमम 60,000 रुपए, आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 25% या फिर रेंट में से एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम को लेस करके 10% लेस करके। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते समय 112 का LTC लेस करना, 111A का लेस करना, और साथ साथ में मेरे बेटा डी पॉइंट जोड़ देना, 112A का भी आपने लेस करना है, ठीक है जी। तो ये लेस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट बचेगा उसको आप बोलेंगे आपने 80C से 80U का डिडक्शन को भी लेस करना है। ये 4 चीजें लेस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट बचेगा आप उसको बोलेंगे एडजस्टेड GTI, उसका 10% आप कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी योर लिमिट। 80GGA, 80GGA मैंने अपनी क्लास के अंदर करवाया था साइंटिफिक रिसर्च के साथ में। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा दान करते हैं और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो दान किया हुआ पैसा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, कुछ केस में 100%, कुछ केस में 150%। लेकिन
अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं और अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा दान किया तो आप 80GGA में उसका डिडक्शन क्लेम करते हैं। 80GGA में डिडक्शन मिलता है सभी प्रकार के एसएससी को, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम ना हो। याद रखना, अगर उसके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है तो फिर वो सेक्शन 35 में कवर होगा और वहां जाकर डिडक्शन क्लेम करेगा। साथ साथ में ये पैसा दान करना है सैनिक रिसर्च के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए। अगर आपने ये पैसा दिया है 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। यहां पे 10,000 की लिमिट है, लेकिन यही लिमिट घट के सिर्फ 2,000 रुपए की रह जाती है 80G में। 80G में अगर आपने पैसा कैश में दान किया और 2,000 रुपए से ज्यादा दान किया तो आपको 80G का डिडक्शन नहीं मिलता। 80G में लिमिट है 2,000 रुपए की, 80GGA में लिमिट है 10,000 रुपए की। 80GGB और 80GGC मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं बिजनेस एंड प्रोफेशन के टॉपिक में। अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट में आप पैसा दान कर रहे हैं या उनके कोई पब्लिकेशंस के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप सेक्शन 37 सबसेक्शन 2B के अकॉर्डिंगली वो पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते। आपको उसका डिडक्शन मिलेगा GTI में से 80GGB और 80GGC में। 80GGB में डिडक्शन मिलता है सभी इंडियन कंपनीज को और 80GGC में डिडक्शन मिलता है बाकी सभी एसएससी को लोकल अथॉरिटी को छोड़ के और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन विच इज फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट उसको छोड़ के। 80JJA हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप 80JJA को स्किप कर दीजिएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन 80JJAA काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपने उसे करके जाना है। 80JJAA कहता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं और अगर आप उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, अगर न्यू एम्प्लॉयज रखते हैं तो उन न्यू एम्प्लॉयज की जो सैलरी होगी उस सैलरी का आप डबल बेनिफिट ले सकते हैं। डबल बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट, सैलरी का पैसा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। दूसरा बेनिफिट, जितना सैलरी आपने पे किया उस सैलरी का 30% का डिडक्शन आप अपनी GTI में से लेस करेंगे। 30% इस साल, 30% उसके अगले साल, 30% उसके अगले साल, दैट मींस 190% का बेनिफिट है आपको। 190% कैसे हुआ? 100% तो पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया, 30% करके आपने 3 सालों में उसका डिडक्शन भी दे दिया। लेकिन कौन से इंप्लॉयज का आपको डिडक्शन मिलेगा उसके लिए लिमिट है। कौन कौन से इंप्लॉयज का डिडक्शन मिलेगा उसके लिए आपके पास कंडीशंस हैं। इंप्लॉय ऐसा हो जिसकी सैलरी 25,000 रुपए या उससे कम हो। दूसरा, इंप्लॉय ऐसा हो जिसके लिए उसकी पेंशन स्कीम के अंदर एम्प्लॉयर पैसा इन्वेस्ट करता हो। अगर ऐसा इंप्लॉय है जिसके लिए सारा का सारा पेंशन स्कीम में पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो इंप्लॉय, उस इंप्लॉय की सैलरी का आप 80JJAA में डिडक्शन नहीं ले सकते। इंप्लॉय ऐसा हो जिसने कम से कम 240 दिन काम किया हो, अगर उसने 240 से कम दिन अगर वो इंप्लॉयड था तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये 240 की कंडीशन घट के 150 रह जाती है उस केस में जहां पे रेडीमेड गारमेंट्स का काम होता है, फुटवेयर का काम होता है या फिर लेदर प्रोडक्ट्स का काम होता है। क्योंकि रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स सीजनल बिजनेसेस हैं, इस वजह से वहां पे लिमिट 240 दिन की घटा के इन्होंने 150 दिन की कर दी है। और साथ साथ में अगर इंप्लॉय ऐसा है जो कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कवर होता है तो उस इंप्लॉय की सैलरी का आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर इंप्लॉय रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कवर नहीं होता है तो आप उस इंप्लॉय की सैलरी का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। 80QQB, QQB से याद आता है किताब या किताबें, अब कैसे लिखूं मैं, किताबें, तो किताबों के लिए सेक्शन 80QQB का यूज करते हैं हम लोग। क्यू से क्वालिटी बुक्स, मैंने आपको ऐसे याद करवाया था, क्वालिटी बुक्स हैं, किताबें हैं, किताबों के लिए है ये सेक्शन। अगर कोई इंडिविजुअल है जो रेसिडेंट है इंडिया का, वो ऑथर या जॉइंट ऑथर के तौर पे काम करता है और ऐसी किताबें लिखता है जो लिटरेचर से रिलेटेड है,
तो फिर उसको किताबों के ऊपर, उसको अपनी किताबों के ऊपर जो भी रॉयल्टी मिलेगा डिडक्शन क्लेम कर सकता है। डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकता अगर उसकी किताबें किसी स्कूल के अंदर टेक्स्ट बुक की तरह यूज होती हैं। आप सबको अच्छे से पता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की किताबें टेक्स्ट बुक्स हैं, तो एनसीईआरटी की किताबें लिखने वाले जो ऑथर्स हैं उनको 80QQB का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, मेरे को नहीं पता। मैं आज ढूंढ रहा हूं ये कारण कि स्कूल के टेक्स्ट बुक्स वालों को आप डिडक्शन क्यों नहीं दे रहे, कॉलेज वालों को दे रहे हो, ये क्या बात हुई। पर ठीक है भाई, सरकार की मर्जी है, क्यों है ये मर्जी ये नहीं पता। अगर ये पैसा रॉयल्टी का इंडिया से बाहर से कमाया है तो फॉरेन करेंसी का पैसा इंडिया में लेके आ जाओ 30 सितंबर तक या अप टू द एक्सटेंडेड डेट विच इज अलाउड बाय आरबीआई, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा रॉयल्टी का पैसा मैक्सिमम 3 लाख रुपए, और साथ साथ में अगर किताबों के ऊपर परसेंटेज के हिसाब से रॉयल्टी मिलती है तो मैक्सिमम 15%। अगर रॉयल्टी परसेंटेज के हिसाब से नहीं मिलती, लमसम मिलती है, तो फिर ये 15% वाला पॉइंट वहां पे अप्लाई नहीं होता है। ये सारी की सारी बातें बहुत डिटेल में हम लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस के अंदर करी हुई हैं। ATRRB रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, आपको याद होगा मैंने यहां पे थ्री इडियट्स वाली मूवी के एग्जांपल्स दिए थे। थ्री इडियट्स के अंदर जो हमारा हीरो था आमिर खान, वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप करता है, छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज है, आपको सबको चम्मच वाला सीन जरूर याद होगा। तो दैट वॉज इवन आर वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज। अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करके उनको अपने नाम पर रजिस्टर करवा रहे हैं तो टेक्नोलॉजीज की वजह से आपको जो रॉयल्टी आती है उस रॉयल्टी की वजह से आप ATRRB का डिडक्शन क्लेम करते हैं टू द मैक्सिमम ऑफ 3 लाख रुपए, टू द मैक्सिमम ऑफ 3 लाख रुपए। तो ये सारी बातें हम लोग क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिडक्शन मिलेगा किसी इंडिविजुअल को जो कि इंडिया का रेसिडेंट होगा, वो पेटेंटी हो, पेटेंट उसके नाम पर रजिस्टर्ड हो, डिडक्शन वो ले सकता है। अगर उसने फॉरेन करेंसी में पैसा कमाया तो फॉरेन करेंसी का पैसा 30 सितंबर तक इंडिया में आ जाए या आ जाए विद द टाइम अलाउड बाय RBI, तो आप उसका 80 RRB में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हमारे पास 2-3 मेन सेक्शंस बचे हैं। एक हमारे पास मेन सेक्शन है 80TTA का। 80TTA जो इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ये अप्लाई होगा उस सिचुएशन में जहां पे व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम की है लेकिन वो इंडिया का रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। साथ साथ में मेरे बच्चे याद रखिएगा, डिडक्शन मिल सकता है अगर उसने इंटरेस्ट कमाया है। इंटरेस्ट कहां से कमाएगा? सेविंग्स अकाउंट विद बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव बैंक के सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट कमाओ तो डिडक्शन क्लेम कर लीजिएगा टू द मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपए। साथ साथ में ध्यान देना, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर डबल बेनिफिट है, उसे 3,500 रुपए का एग्जम्पशन भी मिलेगा और साथ साथ में 10,000 का डिडक्शन भी मिलेगा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन है जो कि 60 साल से ज्यादा की उसकी उम्र है, सीनियर सिटीजन है, तो 80TTB में उसको डिडक्शन मिलता है। अगेन इंटरेस्ट ऑन बैंक्स, इंटरेस्ट ऑन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस के ऊपर। उसके GTI के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट होना चाहिए, मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन मिल सकता है। तो 80TTA और 80TTB में क्या फर्क है, उसके लिए मैंने आपको यहां पे एक टेबुलर फॉर्म में दोनों का कंपैरिजन भी दिया है। जहां पे 80TTA में बेनिफिट मिलता है इंडिविजुअल और एचएफ दोनों को, 80TTB में बेनिफिट मिलता है सिर्फ इंडिविजुअल को। 80TTA के लिए उम्र होनी चाहिए 60 साल से कम, 80TTB के लिए उम्र होनी चाहिए 60 साल या 60 साल से ज्यादा। 80TTA में डिडक्शन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सबको है, लेकिन 80TTB में डिडक्शन सिर्फ रेसिडेंट को है। 80TTA और 80TTB में आपको डिडक्शन सभी केसेस में मिल सकता है, इंटरेस्ट के केसेस में मिल सकता है, लेकिन लिमिट कितनी है? 80TTA में लिमिट 10,000 की है, TTB में लिमिट 50,000 की है। एक और बहुत जरूरी फर्क, 80TTA में फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता, फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता, TTB में फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिलता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है 80TTA और 80TTB के अंदर। साथ साथ में मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 80U।
अगर कोई व्यक्ति फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, रेसिडेंट है इंडिया का, फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, तो फिर वो अपना सरकारी अस्पताल में जाके डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवा ले। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट में अगर मेंशन कर दिया कि उसकी डिसेबिलिटी 40% से कम है, तो बेचारे को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर डॉक्टर सर्टिफाई कर दे कि उसकी डिसेबिलिटी 40 से ज्यादा, 40 के बराबर है, लेकिन 80 से कम है, तो 75,000 का डिडक्शन क्लेम कर लेगा। लेकिन अगर उसको 80% से ज्यादा या उसके बराबर की डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिल गया, तो 125,000 रुपए का डिडक्शन वो हर साल का क्लेम करेगा। यहां पे खर्चा करो या खर्चा ना करो, 80U का डिडक्शन आपको हर सिचुएशन में मिलता रहता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज सेक्शन 10AA। सेक्शन 10AA का 3 नंबर का क्वेश्चन इस बार मई 2019 के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि मई 2019 में ऑलरेडी 10AA का 3 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। अमेंडमेंट का हुआ था, उस अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। दैट इज व्हाई आई फर्मली बिलीव कि अब इस साल या नवंबर के एग्जाम के अंदर 10AA दोबारा पूछा जाएगा। इसके प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस आर ऑलमोस्ट जीरो। तो अगर आप 10AA को स्किप कर देंगे तो आपका किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सीक्वेंस में अगर मैं आगे बढ़ता चलूं तो अगला सेक्शन या अगला चैप्टर आता है एग्जेम्प्टेड इनकम्स का। एग्जेम्प्टेड इनकम के अंदर लगभग सारी बातें हम लोग अलग अलग सेक्शन, अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ कुछ ऐसी बातें जो कि खास इंपॉर्टेंस की है, मैं आपके साथ सिर्फ वो डिस्कस कर रहा हूं। अदरवाइज बाकी सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो खास बातें हैं वो कौन कौन सी हैं भाई? खास बातें, पहली खास बात, भोपाल के अंदर 1984 में गैस लीक हुई थी। यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी जो कि केमिकल्स बनाती थी, और केमिकल्स के प्रोसेस में कुछ गैसेस बनती हैं, वो केमिकल्स के प्रोसेस में जो गैसेस बनती हैं वो एटमॉस्फेयर में लीक हो गई थी, जिसकी वजह से लाखों लोगों की डेथ हो गई थी। आज तक उन गैसेस की वजह से जो बच्चों का बर्थ होता है, वो बच्चे आज तक फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड पैदा होते हैं। उस गैस लीक की ट्रेजेडी के बाद सरकार ने मुआवजा दिया था। वो जो मुआवजा का पैसा है वो 100% एग्जेम्प्ट रहेगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। इसके साथ साथ में मेरे बच्चे, सुकन्या समृद्धि अकाउंट से मिलने वाला पैसा, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल 100% एग्जेम्प्ट है, कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। एनपीएस में से जब आप पैसा लेते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, तो अलग ट्रीटमेंट है, और ड्यूरिंग द ईयर अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। दोनों के सेक्शंस अलग अलग हैं। ये वाला पॉइंट मैं सैलरी के चैप्टर में करवा चुका हूं, जरूर करके जाना, आपने इसको छोड़ना नहीं है। एक और बहुत जरूरी बात, अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, तो वो स्कॉलरशिप हमेशा एग्जेम्प्ट रहता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 16 में। अगर किसी प्रकार के कोई अवार्ड्स मिल रहे हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल के अंदर आपको पता होना चाहिए, आयुष्मान खुराना को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, और साथ साथ में उरी मूवी के लिए उसको देखो उसका शक्ल याद आ रही है, नाम याद नहीं आ रहा, उरी मूवी के लिए उसको विक्की कौशल को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। तो ये जो फिल्म अवार्ड है इसके अंदर पैसा भी मिलता है, वो सारा का सारा पैसा एग्जेम्प्ट होगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 17A में। सिक्किम के लोगों की जो भी इनकम है, वो सिक्किम के अंदर जो भी इनकम कमाएंगे वो इनकम एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10 सब सेक्शन 26AA में। आपको ये वाली बात याद रखनी है। डिविडेंड का पैसा हमेशा एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 1034 में, आपने ये वाली बात याद रखनी है। साथ साथ में मेरे बच्चे, आपको 1035 में म्यूचुअल फंड्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, ये भी एग्जेम्प्ट होता है, आपने इसको भी याद रखना है। ये सारी वो बातें हैं जो ऑलरेडी अलग अलग चैप्टर्स के अंदर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। हमारे छोटे छोटे 3 चैप्टर बचे हैं, जिसमें से एक चैप्टर है हमारा इनकम टैक्स रिटर्न, इसके बाद का चैप्टर है टीडीएस, और उसके बाद का चैप्टर है एडवांस टैक्स, और हमारा ये मैराथन ओहो खत्म हो जाएगा। चलिए तो मैराथन को आगे बढ़ाते हैं विद द चैप्टर ऑफ आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न का चैप्टर इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं,
हालांकि मैं आपको एक बात बहुत ईमानदारी से बताऊं, जब से हमारा ये नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ तब से एग्जामिनर का सारा ध्यान, सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर चला गया है। उसके पीछे कारण है 30 मार्क्स के तो 30 नंबर के तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ देंगे, क्योंकि 30 नंबर के आपके पास एमसीक्यूज हैं, तो बाकी जो 70 नंबर है उसके अंदर एग्जामिनर थ्योरी नहीं पूछेगा आपसे, एग्जामिनर उन 70 नंबर पर सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा। देखिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वहां पे कहां से कौन सा क्वेश्चन आएगा ये किसी को नहीं पता, इस वजह से आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाके हर चीज की पढ़ाई करनी है। और ये जो छोटे छोटे चैप्टर है, आईटीआर है, एडवांस टैक्स है, इनमें से आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वहीं से ये वाले चैप्टर्स को कवर करेगा एग्जामिनर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा हम लोग स्टार्ट करें यहां पे चैप्टर आईटीआर का। एग्जाम में यहां से एक्सक्लूसिव क्वेश्चन नहीं आने वाला, अगर आया तो वो अब क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही कवर किया जाएगा। आईटीआर सबमिट करना कंपलसरी है, सबके लिए कंपलसरी है, सेक्शन 139(1) ये बात बोलता है। ये कंपनी और पार्टनरशिप फर्म इसका आईटीआर सबमिट करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम कुछ भी हो, लॉस हो ना हो, हर सिचुएशन में कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के लिए आईटीआर सबमिट करना जरूरी है। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी और बीओआई ये सब अपनी आईटीआर सबमिट करेंगे अगर इनकी ग्रॉस टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो तो। मैंने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने कहा ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि हम लोग हमेशा चेक करते हैं 80C से 80U के डिडक्शंस को लेस करने से पहले वाली इनकम। दैट मीन सिंपल भाषा में बोलूं तो ग्रॉस टोटल इनकम। साथ साथ में ध्यान देना, अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो ROR है और अगर वो किसी फॉरेन कंट्री में अपना एसेट होल्ड करता है, फॉरेन कंट्री में उसके पास कोई बैंक अकाउंट है जहां पर उसकी साइनिंग अथॉरिटी है, या उसके पास किसी भी प्रकार की कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग है, किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसका कैपिटल इन्वेस्टेड है, अगर उसके पास कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी एंटिटी में, तो फिर इन तीन सिचुएशंस पे कंपलसरी है कि वो अपनी आईटीआर सबमिट करेगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, चाहे उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो भी। ड्यू डेट क्या क्या है हमारे पास? भाई हमारे पास जो ड्यू डेट है वो तीन चार तरह की ड्यू डेट्स हैं। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट है तो 30th नवंबर की ड्यू डेट है। ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है, फाइनल लेवल पे जाके पढ़ेंगे, इस वजह से आप इस ड्यू डेट को याद ना भी करें तो भी आपका काम चल जाएगा। कंपनी के लिए हमेशा ड्यू डेट 30 सितंबर रहेगी, चाहे कंपनी का प्रॉफिट्स है, लॉसेस है, कुछ भी केस है। साथ साथ में जहां पे ऑडिट करवाना जरूरी होता है वहां पे ड्यू डेट 30 सितंबर की रहती है। और इसके अलावा अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म का अगर ऑडिट होता है तो उस पार्टनरशिप फर्म के सभी वर्किंग पार्टनर्स के लिए भी ड्यू डेट 30 सितंबर की होगी। और इन सारे केसेस को छोड़ दो, बाकी सभी केसेस के लिए ड्यू डेट विल बी 31st of July। लेकिन साथ साथ में मेरे बेटा याद रखिएगा, सीबीडीटी के पास सेक्शन 119 के अंदर ये पावर है कि सीबीडीटी अगर कभी भी चाहे इन ड्यू डेट्स को एक्सटेंड करना तो वो ड्यू डेट्स को एक्सटेंड कर सकती है। जैसे हम सबको अच्छे से पता है 31 जुलाई की ड्यू डेट को एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया गया था, 30th सितंबर की ड्यू डेट को बढ़ा के 31 अक्टूबर कर दिया गया है। आज 2 अक्टूबर है, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज 31st of October। ये पावर सीबीडीटी के पास सेक्शन नंबर 119 में है और वो अपनी इस पावर को यूज करते रहते हैं। अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न सबमिट नहीं करी है तो कोई बात नहीं, आपसे थोड़ी सी लेट फीस चार्ज कर ली जाएगी। लेट फीस कितनी होगी? अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से कम है तो आपकी लेट फीस होगी 1000 रुपए। अगर आपने दिसंबर के बाद रिटर्न सबमिट किया तो वो बढ़ के हो जाएगा 5000 रुपए। इसी प्रकार से अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर ये लेट फीस 1000 और 10000 रुपए हो जाती है। दिसंबर तक सबमिट कर देना, सिर्फ 1000 की लेट फीस है। दिसंबर के बाद करोगे तो लेट फीस 5000 और 10000 है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ योर इनकम। साथ साथ में मेरे बच्चे, अगर आपने आईटीआर सबमिट नहीं करी है,
कोई बात नहीं, आपके असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपको नोटिस भेजे 142(1) के अंदर और आपको फोर्स करे कि आप अपनी आईटीआर सबमिट करें। साथ साथ में 142(1) के नोटिस में वो आपको फोर्स कर सकता है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी सबमिट करो और बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिशन के लिए भी आपको कहा जा सकता है। 142(1) का जो नोटिस है, इस नोटिस को सर्व करने का कोई टाइम पीरियड नहीं है। जब उसका मन करेगा तब वो आपको 142(1) का नोटिस इश्यू करके आपको फोर्स करेगा असेसिंग ऑफिसर कि आप अपनी आईटीआर को डिपॉजिट करें। आपको ईमानदारी से बता देता हूं, ये सेक्शन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिएगा। अगर आपके लॉसेस हैं और आप लॉसेस को सेट ऑफ करने के बाद उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड भी करना चाहते हो तो आईटीआर आपके लिए सबमिट करना जरूरी है। अगर आपने आईटीआर सबमिट नहीं किया ड्यू डेट तक तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। कौन से लॉसेस की बात कर रहा हूं? सारे लॉसेस की बात कर रहा हूं, बिजनेस लॉस, स्पेकुलेटिव लॉस, कैपिटल गेन्स का लॉस, घोड़ों की मेंटेनेंस का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, सारे लॉसेस की बात हो रही है। एक्सेप्शन केस क्या है? अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है या अगर आपके पास अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे चाहे आपने अपनी आईटीआर ड्यू डेट के बाद ही सबमिट क्यों ना कर दी हो। अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न सबमिट नहीं कर पाते हैं, उसके बाद सबमिट करना चाहते हैं तो आप रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, लेकिन असेसमेंट ईयर खत्म होने तक, असेसमेंट ईयर खत्म होने तक मैक्सिमम टाइम पीरियड आपके पास असेसमेंट ईयर खत्म होने का है। और साथ साथ में याद रखिएगा, आपको 234A का इंटरेस्ट देना होगा, आपको लेट फीस देना होगा 234F का, और साथ साथ में अगर आप बिलेटेड रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो याद रखिएगा आप अपने लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी अपने लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक्सेप्शन केस कौन सा है? हाउस प्रॉपर्टी का है और अनएब्सॉर्ब्ड, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इसके एक्सेप्शन केसेस बन जाते हैं। आप इन दोनों को फिर भी कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे अगर आपकी बिलेटेड आईटीआर है तो भी। अगर आपने आईटीआर सबमिट किया और सबमिट करने के बाद पता चलता है कि साहब आपकी आईटीआर में कुछ गलती हो गई है या आपने कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी, आप वो इंफॉर्मेशन जरा भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट्स की रेक्टिफिकेशन करने के लिए, करेक्शन करने के लिए आप अपनी रिटर्न को दोबारा सबमिट कर सकते हैं। दैट रिटर्न इज व्हाट वी कॉल द रिवाइज्ड रिटर्न। ओरिजिनल रिटर्न को आप जितनी बार चाहे उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं, या रादर किसी भी रिटर्न को अगर आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने के लिए कोई आपसे लेट फीस चार्ज नहीं होती है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं, 2 बार 4 बार 10 बार 50 बार 200 बार, कोई रोक टोक उसके ऊपर नहीं है। बस रिवाइज करने के लिए टाइम पीरियड है, दैट इज 31 मार्च ऑफ द असेसमेंट ईयर तक आप जब भी चाहें रिवाइज करना तो रिवाइज कर सकते हैं। आपकी रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न कहलाएगी, आपकी रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न कहलाएगी अगर आपने रिटर्न के सारे कॉलम्स को प्रॉपरली फिलअप नहीं किया है। तो प्रॉपरली फिलअप करना है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपरली फिलअप करना है इसका मतलब यह है कि जहां पे इंफॉर्मेशन नहीं है वहां पे आपने लिखना है निल, या फिर आपने वहां पे लिखना है नॉट एप्लीकेबल। अगर आपने अपने कॉलम को खाली छोड़ दिया या उसमें आपने कोई कलाकारी कर दी, कलाकारी या कैसे कलाकारी ऐसे कि साहब या तो उसमें आपने जीरो नहीं लिखा, निल नहीं लिखा, नॉट एप्लीकेबल नहीं लिखा, कलाकारी कर दी, जैसे कि आपने वहां पे डैश लगा दिया, आपने वहां पे क्रॉस लगा दिया, आपने वहां पे स्लैश लगा दिया, आपने वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपने उसे ब्लैंक छोड़ दिया, तो भाई साहब याद रखिएगा आपकी ये रिटर्न को मान लिया जाएगा कि वो डिफेक्टिव रिटर्न है। इन सारे कारणों से आपकी रिटर्न डिफेक्टिव बन जाती है, लेकिन इन कारणों से आपकी रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न नहीं होती है। अगर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है तो क्या होगा? अगर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है तो आपको असेसिंग ऑफिसर की तरफ से नोटिस आएगा और आपको वो डिफेक्ट 15 दिनों के अंदर अंदर रेक्टिफाई करना होगा। अगर आप 15 दिनों में अपने डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने अपनी आईटीआर कभी सबमिट करी ही नहीं थी। इट विल बी रिगार्डेड एज अ वॉइड एबिनिशियो। साथ साथ में मेरे बेटा पैन परमानेंट अकाउंट नंबर के बारे में बात करते हैं। आप सबको अच्छे से पता है परमानेंट अकाउंट नंबर इज 10-digit अल्फा न्यूमेरिकल नंबर, 10 digits का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है। इसके लिए आपको
हमेशा अपनी एक एप्लीकेशन देनी होती है, और एप्लीकेशन आप देंगे फॉर्म नंबर 49A में, एप्लीकेशन कब देनी है, कौन से सिचुएशन में देनी है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आप 31 मई तक एप्लीकेशन दीजिए, आपको पैन नंबर अलॉट हो जाएगा। अगर आप कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं और आपका टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा है तो आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए, 31 मार्च तक आप एप्लीकेशन दीजिए, आपको पैन अलॉट हो जाएगा। चैरिटेबल ट्रस्ट का केस है तो आप 31 मई तक एप्लीकेशन दीजिए, आपको पैन अलॉट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपने कोई किसी व्यक्ति के साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है 2.5 लाख रुपए का या 2.5 लाख रुपए से ज्यादा एक साल में है, तो आप अगेन 31 मई तक एप्लीकेशन दीजिए, 31 मई असेसमेंट ईयर का आप एप्लीकेशन दीजिए, आपको पैन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। अगर एक बार आपको पैन नंबर अलॉट हो चुका है तो आप पैन नंबर को यूज करेंगे, पैन नंबर को मेंशन करेंगे इन सभी ट्रांजैक्शंस में। कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज है 10 लाख रुपए से ज्यादा, अगर उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको पैन नंबर मेंशन करना जरूरी है। सभी प्रकार के मोटर व्हीकल्स के सेल परचेज के ऊपर, बस 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के सेल परचेज पे आपको पैन नंबर नहीं देना, लेकिन कार खरीदते हो, बस खरीदते हो, ट्रक खरीदते हो, पैन नंबर देना आपके लिए जरूरी है। अगर आप बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट करवाते हो जिसकी कीमत 5 लाख रुपए से ज्यादा की है, अगर आप कोई शेयर्स का सेल परचेस करते हो जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा की है, अगर आप होटल में कोई बिल पे करते हो 50,000 रुपए से ज्यादा, अगर आप बैंक में कोई पैसा जमा करवाते हो 50,000 रुपए या उससे ज्यादा, अगर आप फॉरेन ट्रैवल के ऊपर पैसा खर्च करते हो 50,000 रुपए या उससे ज्यादा, अगर आप किसी कंपनी में शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो 1 लाख रुपए से ज्यादा, तो इन सभी ट्रांजैक्शंस में पैन नंबर मेंशन करना जरूरी है। याद रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में अगर आप 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का प्रीमियम पे करते हैं तो आपके लिए पैन नंबर मेंशन करना जरूरी होगा। इसी प्रकार से अगर आप कोई ज्वेलरी परचेस करते हो 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ज्यादा की, तो पैन नंबर आपने मेंशन करना है, ये आपके लिए जरूरी है। साथ साथ में मेरे बच्चे, आपको अच्छे से याद है कि आजकल पैन के साथ आधार नंबर भी आपको मेंशन करना जरूरी होता है। पैन को और आधार नंबर को लिंक करने की आखिरी तारीख थी 30 सितंबर, आज 2 अक्टूबर है, ये 30 सितंबर की डेट को बढ़ा के इन्होंने 31 दिसंबर कर दिया है। तो अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक आप उसकी लिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन ये आधार और पैन की लिंकिंग नहीं करनी पड़ेगी उन लोगों को जो जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, मेघालय में रहते हैं या फिर असम के अंदर रहते हैं, और साथ साथ में जो व्यक्ति नॉन रेसिडेंट है उसको भी अपने आधार को पैन के साथ लिंक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और साथ साथ में जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उनको पैन को लिंक नहीं करना आधार के साथ में, जो सिटीजन नहीं है उसको भी पैन को लिंक नहीं करना अपने आधार के साथ में। ये सारा का सारा काम आपने कंप्लीट करना है। कब तक कंप्लीट करना है मेरे बेटा? जुलाई 2017 के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज की तारीख बता रहा हूं, आज 2 अक्टूबर है। अभी सरकार ने कुछ दिन पहले कहा कि साहब ये काम 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए था, 30 सितंबर की डेट को भी बढ़ा दिया और अब ये डेट है हमारे पास 31 दिसंबर की। तो आप पूछेंगे सर एग्जाम में क्या लिख के आऊं? भाई एग्जाम में 30 सितंबर लिख के आना है, 31 दिसंबर आपने नहीं लिखना है एग्जाम के अंदर, 30 सितंबर तक आधार को पैन के साथ लिंक करना आपके लिए जरूरी था। आईटीआर को साइन करना है, यस, अगर आप फिजिकली आईटीआर सबमिट कर रहे हैं तो आप फिजिकली साइन करें, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर रहे हैं तो डिजिटल सिग्नेचर आपके लिए करना जरूरी है। आईटीआर के ऊपर साइन कौन करेगा? डिजिटल सिग्नेचर किसके होंगे वो अलग अलग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं इंडिविजुअल के बारे में बात करूं तो भाई इंडिविजुअल खुद साइन करेगा। मान लीजिए अगर इंडिविजुअल इंडिया में एबसेंट है तो भी वो खुद साइन करेगा, कोई बात नहीं, फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ है, कंप्यूटर के ऊपर तो साइन हो ही सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर तो कहीं से भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि हिंदुस्तान में होगा तभी साइन करेगा। अगर वो हिंदुस्तान में नहीं है और फिर भी फिजिकली साइन करना चाहता है तो फिर वो किसी व्यक्ति को जाने से पहले अपनी पावर डेलीगेट कर जाएगा साइन करने की, जिसे हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी।
अगर वो मेंटली हैंडीकैप्ड है, साइन नहीं कर पा रहा, तो उसके लीगल गार्जियन साइन करेंगे। इसी प्रकार से अगर वो माइनर है तो भी उसके लीगल गार्जियन साइन करेंगे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके बिहाफ पे पावर ऑफ अटॉर्नी होल्ड करता है वो साइन करेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में कर्ता साइन करेगा, अगर कर्ता नहीं है तो फिर कोई भी और अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली साइन कर सकता है। यहां पे याद रखिएगा, अगर कर्ता नहीं है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि डी फैक्टो कर्ता साइन कर देगा, नहीं, डी फैक्टो कर्ता नहीं, कोई भी अडल्ट मेंबर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो वो साइन कर सकता है। कंपनी के केस में साइन कौन करेगा? कंपनी के केस में साइन मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर एब्सेंट है, अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी डायरेक्टर कर दे। याद रखिएगा, अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, वाइंडिंग अप चल रहा है, तो लिक्विडेटर साइन करेगा। इसी प्रकार से इस बार का एक नया कंसेप्ट है, अगर कंपनी का इनसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है अंडर द इनसॉल्वेंसी कोड, तो फिर इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो अपॉइंट किया गया है वो इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उस रिटर्न को साइन करेगा। साथ साथ में मेरे बच्चे याद रखिएगा, अगर पार्टनरशिप फर्म का केस है तो जो मैनेजिंग पार्टनर है, मेन पार्टनर है, वो साइन करेगा। अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है, एब्सेंट है, तो फिर उसके जगह कोई भी दूसरा पार्टनर साइन कर सकता है, एक्सेप्ट माइनर पार्टनर। इस बात का आपको याद रखना होगा। LLP के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो होता है जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इन LLP। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो फिर कोई भी दूसरा पार्टनर उसको साइन कर सकता है। लोकल अथॉरिटी के केस में जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर है, अथॉरिटी का जो चीफ है, वो साइन करेगा। पॉलिटिकल पार्टी के केस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साइन करेगा। इसी प्रकार से कोई और एसोसिएशन के केस में उस एसोसिएशन का जो चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर होगा वो साइन करेगा। सेक्शन 140 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप इस सेक्शन 140 को छोड़ देंगे तो आपका कोई हर्ज, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास, TDS का जरूर करना है आपने। इस TDS के चैप्टर को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। याद रखिएगा, TDS में जब TDS काटा जाएगा, जब पेयर TDS काटेगा, तो TDS कौन से रेट पे काटेगा? वो उस रेट पे काटेगा जो सेक्शन के अंदर मेंशन है, और उस रेट के साथ में वो सरचार्ज अप्लाई नहीं करेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन हाँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और सरचार्ज लगेगा सिर्फ एक सिचुएशन में, वो है सैलरी की सिचुएशन, सैलरी का TDS, या फिर फॉरेन कंपनी को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में आपने सरचार्ज भी लगाना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगाना है। सरचार्ज के रेट वही है जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेशंस। साथ साथ में ध्यान देना, जो पेई है वो पेई पेयर को, वो पेई पेयर को हमेशा अपना पैन नंबर इन्फॉर्म करेगा। अगर पेई पैन नंबर पेयर को इन्फॉर्म नहीं करता है तो फिर पेयर जो पैसा दे रहा है वो TDS काटेगा एट अ रेट विच इज हायर ऑफ, हायर किसका? हायर होगा जो भी रेट उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर मेंशन है, या 20% विच एवर इज हायर। ये 20% की जगह हमारे पास रेट हो जाएगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट, अगर सेक्शन 192A के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट वो रेट है जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर लग सकता है, इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसके बारे में चर्चा हम लोग टैक्स कैलकुलेशन के चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। TDS करना जरूरी है, TDS नहीं करोगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है? पहला नुकसान, अगर आपने TDS नहीं किया तो पहला नुकसान है कि आपको कहेंगे आप हैं SSC इन डिफॉल्ट। अगर आप SSC इन डिफॉल्ट है तो उस केस में फ्यूचर में आपके बैंक लॉकर सील हो सकते हैं, आपकी देश से बाहर जाने की जो रिस्ट्रिक्शन, बाहर जाने की जो फ्रीडम है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, आपको जेल हो सकती है, एंड सो ऑन, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस हो सकते हैं। साथ साथ में आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर आपने TDS काटा लेकिन TDS जमा नहीं करवाया तो 1.5% पर मंथ के हिसाब से,
अगर आपने टीडीएस काटा ही नहीं है तो 1% के हिसाब से, साथ साथ में जो भी खर्चा है जिसके ऊपर आपको टीडीएस काटना था उसका 30% खर्चा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट भी नहीं कर पाएंगे। ये चार तरह के आपके पास कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं अगर आपने टीडीएस नहीं किया है तो। इसके साथ साथ में सेक्शन 197 का लोअर सर्टिफिकेट, लोअर रेट के ऊपर टीडीएस काटना है उसका सर्टिफिकेट है, उसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस किया था। मैंने अपने फादर का एग्जाम्पल बना के आपको यहां पर बताया था कि मेरे फादर किस प्रकार की हार्डशिप्स फेस कर सकते हैं और उन हार्डशिप से बचने के लिए सेक्शन 197 सरकार ने काफी टाइम पहले हमारे कानून के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। 197 आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसे स्किप कर देंगे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन 198 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एग्जाम के अंदर बताया गया है कि इनकम इज द नेट इनकम, तो आप उस नेट इनकम का हमेशा ग्रॉस अप करेंगे। ग्रॉस अप करने का मतलब जो टीडीएस काटा गया है आप उसको एड बैक करेंगे, ग्रॉस इनकम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 100 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय 100, 100 माइनस आर वेर आर स्टैंड्स फॉर द रेट ऑफ टीडीएस। तो जितनी भी इनकम मिली है उस इनकम को 100 माइनस आर के साथ डिवाइड कर दीजिए, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लेते हैं आजकल की बात करते हैं, आजकल टीवी पे केबीसी आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की एक लेडी जो कि किसी स्कूल के अंदर मिड डे मील बनाती है, कुक है, उसने 1 करोड़ रुपए जीता। आपको क्या लगता है कि केबीसी ने उसको 1 करोड़ रुपए पूरा दे दिया होगा? आंसर इज नो। उसको 30% का टीडीएस काटने के बाद बाकी का सिर्फ 70% मिला होगा, दैट मीन 70 लाख रुपए मिला होगा। अब दूसरी बात यहां पे यह आती है कि उसकी इनकम कितनी माने, जो उसको 70 लाख रुपए मिला वो, या जो उसने जीता 1 करोड़ रुपए वो। आंसर है जो उसने जीता 1 करोड़ रुपए वो उसकी इनकम मानी जाएगी, दैट मीन 70 लाख रुपए नेट है, हम उसको हमेशा ग्रॉस करेंगे और 1 करोड़ रुपए मानेंगे, वो 1 करोड़ रुपए उसकी इनकम मानी जाएगी। केबीसी वालों ने 30 लाख रुपए का टीडीएस काट लिया, क्या वो ये 30 लाख रुपए का पैसा अपने पास रख लेंगे? आंसर इज बिग नो, वो ये 30 लाख रुपए का पैसा अपने पास नहीं रखेंगे। केबीसी ने वो 30 लाख रुपए का पैसा सरकार के पास जमा करवाना है। कब जमा करवाना है उसका टाइम पीरियड है। अगर ये टीडीएस का पैसा सरकारी विभाग काट रहा है तो टीडीएस का पैसा सेम दिन जमा करवाना जरूरी है, लेकिन अगर बाकी केसेस की बात करें तो उन बाकी सभी केसेस के अंदर टीडीएस का पैसा अगले महीने की 7 तारीख के तक ये पैसा जमा हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से अगर मार्च में टीडीएस काटा गया है तो फिर 30 अप्रैल तक टीडीएस का पैसा सरकार के पास जमा हो जाना चाहिए। ये आपके पास प्रोविजंस आ रहे हैं, याद रखिएगा। अगर सेक्शन 194 आई ए में या 194 आई बी में टीडीएस काटा गया है तो फिर 30 दिनों के अंदर अंदर, 30 दिन कहां से चेक करोगे, जिस मंथ में टीडीएस काटा उस मंथ के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर वो टीडीएस का पैसा सरकार के पास जमा हो जाना चाहिए सेक्शन 194 आई ए एंड 194 आई बी में। बाकी सभी केसेस में अगले महीने की 7 तारीख की हमारे पास डेट आ जाती है। अलग अलग सेक्शंस में टीडीएस के प्रोविजंस जो यूज होते हैं वो हम लोग स्टार्ट करें यहां पे। जो सबसे पहला और जो सबसे मेन सेक्शन हम लोग यूज करते हैं वो है सेक्शन 192। सेक्शन इज रिलेटेड टू द टीडीएस ऑन सैलरी। ये टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस कौन काटेगा, पेयर कौन होगा, पेयर टीडीएस काटेगा, कौन है पेयर टीडीएस काटेगा, हर एम्प्लॉयर, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई कंडीशंस नहीं, एवरी एम्प्लॉयर हैज टू डू टीडीएस। लेकिन कौन सी इनकम, किसकी इनकम के ऊपर काटेगा, अपनी इंप्लॉय की इनकम के ऊपर टीडीएस काटेगा, चाहे वो इंप्लॉय रेसिडेंट हो या वो इंप्लॉय नॉन रेसिडेंट हो। कौन सी इनकम के ऊपर टीडीएस काटेगा, टीडीएस काटेगा सैलरी की इनकम के ऊपर। टीडीएस कब काटेगा, सैलरी देते समय, सैलरी की पेमेंट करते समय टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस किस रेट पे काटा जाएगा, टीडीएस काटा जाएगा टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद एट स्लैब रेट, और उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपने अप्लाई करना है। टीडीएस काटने पे क्या कोई छूट है, कोई एग्जेम्पशन है? हाँ, एग्जेम्पशन है। टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर अपने इंप्लॉय की, उस इंप्लॉय की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो तो। इसका मतलब यह हुआ कि इंप्लॉयर ने अपने इंप्लॉय की इनकम कैलकुलेट करनी है,
टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए इंप्लॉई अपने एम्प्लॉयर को सारा डाटा बताएगा, हाउस प्रॉपर्टी का, बिजनेस प्रोफेशन का, कैपिटल गेन्स का, अदर सोर्सेज का, डिडक्शंस का डाटा बताएगा, एम्प्लॉयर उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेगा। अगर वो टैक्सेबल इनकम उसकी एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो फिर एम्प्लॉयर को टीडीएस भी काटना जरूरी है। अगर टीडीएस नहीं काटेगा तो कॉन्सिक्वेंसेस जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे वो सारे के सारे अप्लाई हो जाएंगे। सेक्शन 192B बात करता है, 192A बात करता है टीडीएस ऑन द एक्युमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। याद रखिएगा हमेशा इस बात का, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में से जब आपको पैसा वापस मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होगा अगर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है और आपको पैसा वापस मिलता है प्रोविडेंट फंड का, तो फिर वो पैसा टैक्सेबल होगा और साथ साथ में उस पैसे के ऊपर टीडीएस भी काटा जाएगा। टीडीएस कौन काटेगा? टीडीएस काटेगा वो ट्रस्टी जो उस प्रोविडेंट फंड को मेंटेन कर रहा होगा। साथ साथ में टीडीएस काटा जाएगा हर एम्प्लॉय के लिए ऊपर जो भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कवर्ड है, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। टीडीएस कब कौन सी इनकम पे कटेगा? जितना भी पैसा आरपीएफ के अंदर इंक्लूडेड है और जो टैक्सेबल है वो उसके ऊपर। याद रखिएगा 12% तक का पैसा एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। तो जो भी 12% के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट है, इंटरेस्ट 9.5% का एग्जेम्प्ट है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस एक्स्ट्रा अमाउंट की कैलकुलेशन अलग से करेंगे और उसके ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस कब कटेगा? टीडीएस कटेगा जिस समय प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में से पैसा पे किया जाएगा। टीडीएस का रेट क्या होगा? टीडीएस का रेट होगा 10% का, और साथ में अगर पैन कार्ड या पैन नंबर इन्फॉर्म नहीं किया तो टीडीएस का रेट होगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब द हाइएस्ट टैक्स रेट दैट एन इंडिविजुअल फेसेस इन इंडिया, दैट इज व्हाट वी कॉल अ मैक्सिमम मार्जिनल रेट। एग्जेम्पशन लिमिट है, हाँ बिल्कुल है, 50,000 की। अगर अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट जो है वो 50,000 या 50,000 से कम का है तो फिर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगला सेक्शन हमारे पास आता है 193, दैट इज टीडीएस ऑन द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। मेरे बेटा याद रखिएगा सिक्योरिटीज की बात हो रही है, यहां पे डिबेंचर्स बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात हो रही है, यहां पे आप शेयर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि शेयर्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसके ऊपर मिलता है डिविडेंड। यहां पे जो दे रहा है इंटरेस्ट दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ अ पर्सन, जिसको मिल रहा है वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस काटना है, टीडीएस काटा जाएगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द पेई विच एवर इज अर्लियर, जिस समय आपने पेई को पैसे दे दिया या जिस समय आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करके अपने पेई के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, उस समय आपको टीडीएस काटना है। किस रेट पे काटना है? 10% पे टीडीएस आपने काटना है। याद रखिएगा टीडीएस नहीं काटा जाएगा कुछ केसेस में। कौन से केसेस हैं? पहला केस, अगर आपके डिबेंचर्स हैं और वो डिबेंचर्स किसी पब्लिक कंपनी ने इश्यू किए हैं और डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे हो रहा है अकाउंट पे चेक से और इंटरेस्ट का पैसा 5,000 रुपए से कम का है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसी प्रकार से अगर डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी दे रहा है तो टीडीएस नहीं काटना है। इसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज है उसके ऊपर भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और कहानियां कुछ और यहां पे लिखी हुई हैं, उन कहानियों को आपने डिस्कस नहीं करना है। साथ साथ में मेरे बेटा अगर आपकी कोई सिक्योरिटीज हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, अगर आपने उनको डीमैट फॉर्म में, डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म में अगर आपने रखा हुआ है तो उन सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कभी नहीं काटा जाएगा, नेवर एवर। इसे जरूर करके जाना, डीमैट वाला पॉइंट आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन 194A, टीडीएस ऑन डिविडेंड्स। आप सबको अच्छे से पता है कि डिविडेंड्स हमेशा शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट होते हैं, तो चाहे वो डिविडेंड इक्विटी शेयर्स के ऊपर हो, चाहे वो डिविडेंड प्रेफरेंस के ऊपर हो, चाहे वो डिविडेंड आपका आपको मिल रहा हो डीम डिविडेंड के तौर पे, 222A, B, C, D, E, हर सिचुएशन में डिविडेंड का पैसा हमेशा एग्जेम्प्ट रहता है, वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। और क्योंकि वो डिविडेंड का पैसा कभी भी टैक्सेबल नहीं होता, इस वजह से उसके ऊपर टीडीएस भी
काटने का सवाल पैदा नहीं होता है. देन वी हैव सेक्शन 194A विच इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज. अदर देन सिक्योरिटीज का मतलब हो गया कि अगर आपको इंटरेस्ट बैंक से मिल रहा हो या बैंक को दे रहे हो, अगर आप किसी मनी लेंडर से इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट जहां पे सिक्योरिटीज इन्वॉल्व ना हो उसके बारे में बात कर रहे हैं. कुछ केसेस में इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं भी होगा. जैसे अगर आप इंटरेस्ट बैंक को देते हैं, अगर आप इंटरेस्ट गवर्नमेंट को देते हैं, तो टीडीएस के प्रोविजन वहां पे अप्लाई नहीं होने वाले हैं. लेकिन पोस्ट ऑफिस बैंक के केस में हमेशा टीडीएस अप्लाई होगा. प्रोविजन क्या है, देने वाला कौन है, इंटरेस्ट देने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है. इंडिविजुअल और हिंदू अनमैरिड फैमिली भी टीडीएस काटेगा अगर पिछले साल उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी था. अगर पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट जरूरी था तो करंट ईयर में उनके लिए टीडीएस काटना भी उतना ही जरूरी होगा. रिसीवर कौन हो सकता है, रिसीवर कैन बी एनी रेसिडेंट पर्सन. टीडीएस काटा जाएगा इंटरेस्ट के ऊपर. टीडीएस कब काटा जाएगा, टीडीएस काटा जाएगा जिस समय आपने पैसा दिया या जिस समय आपने उस रिसीवर के अकाउंट को क्रेडिट किया, विच एवर इज अर्लियर. साथ साथ में टीडीएस का रेट अप्लाई होगा 10% का. याद रखिएगा, टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है बैंक 10,000 रुपए का या 10,000 से कम. ये 10,000 रुपए की लिमिट बढ़ के हो जाती है 50,000 रुपए अगर सीनियर सिटीजन इन्वॉल्व है. ये 50,000 रुपए इस वजह से है क्योंकि 80TTB के अंदर, 80TTB के अंदर लिमिट 50,000 की फिक्स की गई है. इस वजह से टीडीएस के अंदर भी लिमिट 50,000 रुपए की रखी गई है. इसके अलावा टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक को, एलआईसी को, यूटीआई को. अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है पार्टनर्स को, टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंटरेस्ट पे कर रहा है अपने मेंबर्स को. और इस प्रकार से टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट पे कर रहा है ऑन रिकरिंग डिपॉजिट्स, मंथली इनकम स्कीम, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इंदिरा विकास पत्र. इन सभी सिचुएशन में कभी भी पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटेगा. एक्सेप्शन केसेस बना के दिए गए हैं. हम लोगों ने सेक्शंस कौन कौन से किए, 192 सैलरी का, 192A प्रोविडेंट फंड का, 193 किया इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज का, 194 किया डिविडेंड्स का, 194A किया इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटीज, दैट इज पोस्ट ऑफिस वगैरह का. इसके बाद सीरीज में आता है 194B और उसके बाद की सीरीज में आता है 194BB. ये दोनों सेक्शन लगभग एग्जैक्टली सेम है. टीडीएस ऑन लॉटरीज और बाकी की विनिंग्स के ऊपर 194B अप्लाई होगा और 194BB अप्लाई होगा सिर्फ एक केस में, जो कि है हॉर्स रेसेस. दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम चलता रहेगा सब कुछ. जो भी ऑर्गेनाइजर है वो टीडीएस काटेगा, जो विनर है उसकी इनकम पर टीडीएस कटेगा, जो भी विनिंग्स का अमाउंट है उसके ऊपर टीडीएस कटेगा. टीडीएस कटेगा जिस समय आप पेमेंट्स करेंगे. टीडीएस का रेट होगा 30% का. याद रखिएगा, अगर विनिंग्स काइंड में है तो फिर काइंड वाली चीज के ऊपर टीडीएस काटने का तरीका बदल जाएगा, टीडीएस बदल का तरीका बदल जाएगा. यहां पे मैं एक चीज आपको बताता हूं, अगर काइंड और कैश दोनों की विनिंग्स हैं तो कैश में से टीडीएस काटेगा, काइंड का पूरा दे देंगे. लेकिन अगर सिर्फ काइंड की विनिंग्स हैं, कैश विनिंग्स नहीं है, तो जो काइंड की विनिंग्स है उसकी मार्केट वैल्यू इनकम माना जाएगा. उस इनकम के ऊपर आप फोर्स करेंगे विनर को कि पहले 30% का टीडीएस का पैसा जमा करवाए और उसके बाद वो काइंड वाली चीज आप रिलीज करेंगे, अदरवाइज आप वो काइंड वाली चीज रिलीज नहीं कर सकते हैं. ये था आपके पास रेट ऑफ टीडीएस. साथ साथ में ध्यान दीजिएगा, एग्जेम्पशन लिमिट अप्लाई होगी 10,000 रुपए की. 10,000 रुपए तक टीडीएस नहीं है, 10,000 के बाद तो टीडीएस भी काटना पड़ेगा. साथ साथ में सेक्शन 194C पे आ जाइए, जो कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है. टीडीएस अगर आप किसी पेमेंट्स को कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को या वर्क कॉन्ट्रैक्टर को कर रहे हैं तो आपने टीडीएस काटना है. टीडीएस कौन काटेगा, हर व्यक्ति टीडीएस काटेगा. अगर वो व्यक्ति इंडिविजुअल या हिंदू अनवेडेड फैमिली है और पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी था,
सिर्फ उस सिचुएशन में टीडीएस कटना है अगर पिछले साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाना जरूरी नहीं था तो करंट ईयर में वो टीडीएस भी नहीं काटेगा। टीडीएस कौन सी इनकम के ऊपर कटेगा? हर प्रकार के वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हो, ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड हो, कैटरिंग से रिलेटेड हो या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो तो टीडीएस काटना है। टीडीएस काटा जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। टीडीएस का रेट क्या होगा? टीडीएस का रेट होगा 1% अगर रिसीवर है इंडिविजुअल और एचयूएफ, टीडीएस का रेट होगा 2% अगर कोई और रिसीवर है तो। टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर कोई एक सिंगल पेमेंट आपने करी है 30,000 या 30,000 से कम, लेकिन अगर पूरे साल का एग्रीगेट पेमेंट 1,00,000 रुपए या 1,00,000 रुपए से कम है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो आप दोनों सिचुएशन देखेंगे, सिंगल पेमेंट 30 से कम, एग्रीगेट 1,00,000 से कम। याद रखिएगा अगर सारी पेमेंट 30 से कम है लेकिन एग्रीगेट 1,00,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटा जाएगा। अगर एग्रीगेट 1,00,000 से कम है, सिंगल पेमेंट 30 से कम है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। साथ साथ में ध्यान देना, अगर आप पेमेंट्स कर रहे हैं किसी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को और वो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर अगर आपको पैन नंबर सबमिट कर रहा है और उसके पास अगर 10 या 10 से कम ट्रक्स हैं तो आप जब उसे पेमेंट्स करेंगे तो टीडीएस नहीं काटेंगे। इसके साथ साथ में मेरे बच्चे अगला सेक्शन हमारे पास आता है 194D का। अगर आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी में आप एजेंट के तौर पर काम करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपको एजेंसी के ऊपर कमीशन पे कर रही है तो उस कमीशन के ऊपर वो आपका टीडीएस काटेंगे। टीडीएस काटेंगे जिससे मैं आपको पैसे देंगे या जिससे मैं आपके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। टीडीएस कितना काटेंगे? टीडीएस काटेंगे 5% के हिसाब से, लेकिन अगर रिसीवर एक डोमेस्टिक कंपनी है तो टीडीएस काटा जाएगा 10% के हिसाब से। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, टीवी पे ऐड आती है पॉलिसी बाजार के नाम से। अक्षय कुमार उस ऐड का पॉलिसी बाजार का ब्रांड एम्बेसडर है। अक्षय कुमार की ऐड आती है पॉलिसी बाजार की। तो policybazaar.com एक कंपनी है, वो policybazaar.com ने बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज की एजेंसी ले रखी है। आप policybazaar.com पे विजिट करते हैं और उनके थ्रू आप इंश्योरेंस पॉलिसी बुक कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी policybazaar.com को उसके ऊपर देगा कमीशन। policybazaar.com एक कंपनी है अगर, तो फिर टीडीएस का रेट होगा 10% का, अदरवाइज टीडीएस का रेट होगा 5% का। साथ साथ में ध्यान देना, टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर एनुअल कमीशन 15,000 या 15,000 रुपए से कम है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसी प्रकार से 194DA मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी के ऊपर जो पैसा मिलता है उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर टीडीएस काटने वाला कौन होगा? इंश्योरेंस कंपनी होगा। किसकी इनकम के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा? कोई भी रेसिडेंट पर्सन हो। कंडीशन ध्यान रखिएगा, कंडीशन यह है कि अगर 10%, 15%, 20% की जो कंडीशन है प्रीमियम के परसेंटेज की, अगर उस परसेंटेज से ज्यादा का प्रीमियम पे कर रहे हो तो पॉलिसी की मेच्योरिटी पे टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस कटेगा अगर वो 1010D में पॉलिसी एग्जेम नहीं है तो। 1010D में एग्जेम नहीं है इसका मतलब 10%, 15%, 20% से ज्यादा का आपने प्रीमियम पे किया था। टीडीएस कटेगा जिस समय पेमेंट होगी या जिस समय इंश्योरेंस कंपनी आपके खाते को क्रेडिट करेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, विच एवर इज अर्लियर। टीडीएस कटेगा 1% के हिसाब से। टीडीएस 1,00,000 रुपए का ज्यादा का अमाउंट होगा तब टीडीएस कटेगा, 1,00,000 रुपए तक का अमाउंट होगा तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 194E वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपके पास कोई नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है या नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हैं और आप अगर उनको पेमेंट्स कर रहे हैं तो टीडीएस काटा जाएगा। जैसे कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे देश में हर साल IPL जो होता है, IPL के अंदर बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स आते हैं हमारे देश में खेलने के लिए, अलग अलग फ्रेंचाइजीज को अलग अलग प्लेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अलग अलग फ्रेंचाइजीज हैं, अलग अलग प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स को वो पेमेंट्स कर रहे हैं तो पेमेंट के टाइम पे उन्होंने टीडीएस काटना है। सेक्शन यूज होगा 194E। याद रखिएगा क्योंकि यहां पे फॉरेन प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है, इस वजह से वहां पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी अप्लाई होगा।
आपके मन में प्रश्न आएगा सर ये ऐसा पार्शियलिटी सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स के लिए क्यों, जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनकी इनकम पे टीडीएस नहीं कटेगा? कटेगा, उनकी इनकम पे भी टीडीएस कटेगा, लेकिन सेक्शन अप्लाई होगा 194J, इंडियन प्लेयर्स के लिए 194J, फॉरेन प्लेयर्स के लिए 194E हम लोग अप्लाई करते हैं। अभी हम लोग 194E कर रहे हैं। इन लोगों को पैसा देने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी का मतलब है मेरा कि कोई भी पर्सन हो सकता है, इनको पैसा मिलेगा। ये फॉरेन प्लेयर्स हैं, नॉन रेसिडेंट प्लेयर्स हैं इनके बारे में बात करें, या नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स बॉडीज हैं इनके बारे में बात करें, कौन सी इनकम के ऊपर टीडीएस काटना है? अगर इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई पार्टिसिपेशन फीस ली है, एडवर्टाइजमेंट पर काम करने के लिए पैसा लिया है, कोई न्यूज पेपर्स और मैगजीन्स पर कॉलम्स लिखा है उसके लिए पैसा लिया है, या फिर अगर इन्होंने कोई गारंटेड अमाउंट चार्ज किया है। अब ये गारंटेड अमाउंट का मैंने पूरा का पूरा किस्सा आपको अपनी रेगुलर क्लास में बताया था। मैंने आपको बताया था कि इंडिया की क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा मैच खेलती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत ज्यादा मैच खेलती है, श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान डेस्परेट हुआ है इंडिया के साथ क्रिकेट मैचेस खेलने के लिए, उसके पीछे फाइनेंशियल रीजंस हैं। सारी बातें मैंने क्लास के अंदर बहुत डिटेल में ऑलरेडी पहले से आपके साथ डिस्कस करी हुई है। साथ साथ में मेरे बेटा टीडीएस कब कटेगा? टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट या एट द टाइम ऑफ देयर क्रेडिट टू देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हिच एवर इज अर्लियर। टीडीएस कटेगा 20% और साथ में हेल्थ एंड एजुकेशन से सप्लाई होगा, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट्स को, किसी प्रकार का कोई एग्जेम्पशन नहीं है, जितना भी पैसा है पूरे अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। 194E के बाद 194EE आता है, आप डबल ई सेक्शन को छोड़ दीजिएगा, समथिंग विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन 194G काफी इंपॉर्टेंट है। आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि हमारे देश के अंदर लॉटरीज आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की मदद करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के एजेंट्स होते हैं जो लॉटरी को आगे फर्दर बेचते हैं या लॉटरी के टिकट को प्रमोट करते हैं। लॉटरी के टिकट बेचना या लॉटरी के टिकट को प्रमोट करना, उसके लिए इन एजेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है पैसा, कमीशन का पैसा। तो एनी पर्सन यहां पे हालांकि लिखा हुआ है एनी पर्सन, पर लार्जली यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही होगा। जिसको पैसा मिल रहा है वो कोई भी हो, इंडिया का रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, लॉटरी टिकट बेचने पे जो कमीशन मिलता है उस कमीशन के ऊपर इनको टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस काटा जाएगा 5% का। टीडीएस नहीं होगा अगर कमीशन 15,000 या 15,000 से कम का है तो। इसके साथ साथ में मेरे बच्चे याद रखिएगा, आपको ब्रोकरेज या के ऊपर कमीशन है 194H अप्लाई हो जाता है। यहां पे ब्रोकरेज या कमीशन, किसी भी प्रकार की कोई ब्रोकरेज, किसी भी प्रकार की कोई कमीशन, उदाहरण के तौर पे स्टॉक ब्रोकर को दी जाने वाली ब्रोकरेज या कमीशन, प्रॉपर्टी डीलर को दी जाने वाली कोई ब्रोकरेज या कमीशन, या किसी भी मिडलमैन को दी जाने वाली कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज के बारे में हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। टीडीएस काटा जाएगा बाय एवरी पर्सन। इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए कंडीशन है कि पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का अगर ऑडिट जरूरी था तो इस साल टीडीएस करना भी उनके लिए जरूरी है। जो रिसीवर है वो इंडिया का कोई रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए। कौन सी इनकम के ऊपर टीडीएस काटना है? कमीशन या ब्रोकरेज के ऊपर टीडीएस काटना है, हाँ, इंश्योरेंस कमीशन को छोड़ के, क्योंकि इंश्योरेंस कमीशन हमने पहले किसी दूसरे सेक्शन में कवर कर लिया है। टीडीएस काटा जाएगा 5% के ऊपर, टीडीएस काटा जाएगा अगर उनकी इनकम 15,000 रुपए पर एनम से ज्यादा है तब। इसके साथ साथ में मेरे बच्चे बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है 194I। 194I कहता है कि अगर आपने कोई एसेट किराए पे लिया है, आप किराया पे करेंगे तो उस किराए के साथ में आपको टीडीएस भी काटना होगा। टीडीएस कौन काटेगा? टीडीएस काटेगा कोई भी पर्सन। इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए कंडीशन वही कि अगर पिछले साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट जरूरी था तो करंट ईयर में टीडीएस करना भी जरूरी है। साथ साथ में मेरे बच्चा याद रखिएगा, किसी भी रेसिडेंट पर्सन को अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो टीडीएस काटेगा। रेंट किसका? रेंट होगा एसेट्स का। कौन से एसेट्स के बारे में बात करेंगे? आइए जरा देखते हैं रेट क्या होगा। अगर वो एसेट है प्लांट एंड मशीनरी तो रेट होगा 2%। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के अलावा अगर वो एसेट है जमीन, बिल्डिंग या फर्नीचर तो टीडीएस कटेगा 10% के हिसाब से। यहां पे हमारे पास कुछ एग्जेम्पशन लिमिट्स हैं। अगर आप
180,000 रुपए से कम का रेंट पे करते हैं तो उस सिचुएशन में टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप रेंट पे करते हैं गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को तो टीडीएस नहीं कटेगा। और साथ साथ में ध्यान देना, अगर रेंट के साथ में आप जीएसटी भी पे कर रहे हैं तो फिर सिर्फ रेंट के ऊपर जीएसटी काटना है, रेंट के ऊपर टीडीएस काटना है, रेंट प्लस जीएसटी के ऊपर टीडीएस नहीं होगा। कहने का मतलब जीएसटी के ऊपर आपने टीडीएस नहीं काटना है। देन वी हैव सेक्शन 194IA, बहुत इंपॉर्टेंट है 194IA। अगर आपने कोई एसेट खरीदा है, अगर आपने कोई जमीन बिल्डिंग खरीदी है जिसके लिए आप पैसा दे रहे हैं तो पैसा देते समय आप डेफिनेटली टीडीएस काटेंगे। दैट मीन्स टीडीएस कौन काटेगा? जो भी परचेज करेगा इमोबल प्रॉपर्टी को वो टीडीएस काटेगा। किसकी इनकम पे टीडीएस काटेगा? सेलर को पैसा मिल रहा है तो आप सेलर की इनकम में से टीडीएस काटेंगे। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, आप टीडीएस काटेंगे हर इमोबल प्रॉपर्टी के ऊपर एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ दिया जाए तो। साथ साथ में टीडीएस आप काटेंगे जिसमें आप उसको पैसा दे रहे हैं या अपनी बुक्स में उसके अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, विच एवर इज अर्लियर। टीडीएस का रेट क्या होगा? टीडीएस का रेट होगा 1%। आप टीडीएस नहीं काटेंगे अगर पेमेंट आपकी 50 लाख या 50 लाख रुपए से कम की है तो। साथ साथ में मेरे बच्चे एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन 194J। आप किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोफेशनल फीस अगर पे कर रहे हैं तो आप 194J में टीडीएस काटेंगे। प्रोफेशनल फीस कौन पे करेगा? कोई भी पे करे भाई, कोई भी पर्सन पे करे। इंडिविजुअल और एचएफ के लिए कंडीशन, अगर पिछले साल के अकाउंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी था तो करंट ईयर में टीडीएस काटना भी उनके लिए जरूरी होगा। रिसीवर हो सकता है किसी भी प्रकार का कोई भी पर्सन। किसी भी प्रकार की फीस, चाहे वो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए हो, टेक्निकल सर्विसेज के लिए हो, या फिर डायरेक्टर को दिया जाने वाला कोई रेमुनरेशन का पैसा हो, याद रखिएगा डायरेक्टर अगर इंप्लॉय है तो 192 में चला जाएगा, अगर वो इंप्लॉय नहीं है तो 194J के अंदर वो कवर अप हो जाएगा। टीडीएस कटा जाएगा 10% के हिसाब से। लेकिन अगर आप पेमेंट्स कर रहे हैं किसी कॉल सेंटर को जो सिर्फ कॉल सेंटर का काम करता है और कोई काम नहीं करता, तब टीडीएस का रेट हो जाएगा 2% का। टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर पेमेंट 30,000 या 30,000 से कम की है। ये 30,000 वाली लिमिट अप्लाई नहीं होती है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के लिए, बाकी हर सिचुएशन में ये वाली 30,000 की लिमिट अप्लाई हो जाती है। साथ साथ में मेरे बच्चे याद रखिएगा, अगर कोई पर्सनल काम के लिए पैसा पे किया तो फिर टीडीएस उस सिचुएशन में नहीं काटा जाएगा। इसके लिए मैंने एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने इंप्लॉइज के लिए एक मेडिकल चेकअप ऑर्गेनाइज किया और मेडिकल चेकअप अपने इंप्लॉइज के लिए जब ऑर्गेनाइज किया तो किसी डॉक्टर्स की टीम को बुलाया और डॉक्टर्स की टीम को उन्होंने पैसा पे किया। ये प्रोफेशनल एक्सपेंसेस है। लेकिन मान लीजिए उसी के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति जो मेन मालिक है, मालिक की बीवी, मालिक के बच्चों ने भी अपना मेडिकल चेकअप करवाया तो उसके लिए भी पैसा पे किया गया। नाउ दिस बिकम्स अ पर्सनल एक्सपेंसेस, इससे रिलेटेड आप टीडीएस नहीं काटेंगे। और ऐसे पर्सनल एक्सपेंसेस के मैंने आपको कुछ और एग्जांपल्स उदाहरण भी क्लास के अंदर दिए थे। हमारे पास उसके बाद सेक्शन आता है 194LA, 194IB, 194IC। ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि मेरे नजरों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इनको स्किप कर भी देंगे तो आपका ज्यादा नुकसान यहां पे नहीं होगा। इसको आप स्किप कीजिए और हम लोग आगे चलते हैं आखिरी चैप्टर की तरफ, जो कि है एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा चैप्टर एडवांस टैक्स। बच्चे याद रखिएगा, ये चैप्टर एडवांस टैक्स का एक बड़ा सिंपल है। ये चैप्टर कहता है कि हर व्यक्ति को जो 7% है, 7% की बात हो रही है, 7% को एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपनी इनकम्स को एस्टिमेट करना होगा। अपनी इनकम्स को एस्टिमेट करो, एस्टिमेटेड इनकम्स के ऊपर आप अपना एस्टिमेटेड टैक्स कैलकुलेट करो, एस्टिमेटेड टैक्स में से अपना एस्टिमेटेड टीडीएस लेस करो, आपके पास एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। अगर आपकी ये एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर आपने अपना टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है।
अगर आपका एस्टिमेटेड टैक्स 10,000 रुपए से कम का है तो फिर आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे नहीं करना, फिर आपने लमसम में पैसा पे करना है, जिससे हमने बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अगर आपका वो पैसा 10,000 रुपए से ज्यादा है तो आपने चार इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, सेक्शन नंबर 211 की हमारे पास चार इंस्टॉलमेंट्स है। ये सारा काम एस्टिमेटेड बेसिस के ऊपर होगा, रियल कैलकुलेशन तो बाद में की जाती है। सारे इनकम्स का एस्टिमेशन पॉसिबल है, सैलरी का आप एस्टिमेशन कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का एस्टिमेशन कर सकते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशंस के भी एस्टिमेशन हो सकते हैं। एस्टिमेशन करना मुश्किल है दो इनकम्स का, एक है आपकी कैपिटल गेन्स की इनकम और दूसरा है आपकी वो इनकम जहां पे आपने कोई कैजुअल इनकम से या लॉटरीज वगैरह की बात करते हैं। तो एक और चीज, अगर आपके पास आपने कोई इस साल नया काम धंधा शुरू किया है तो उस केस में भी इस साल अगर आप नया काम शुरू कर रहे हैं तो एस्टिमेशन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इन तीन केसेस में सरकार ने कहा, तीन केसेस कौन कौन से, पहला जहां पे आपकी कैपिटल गेन्स है, दूसरा आपकी कैजुअल इनकम और तीसरा अगर आपने इस साल अपना काम धंधा स्टार्ट किया है। सरकार ने कहा इन तीन केसेस में आपको एडवांस टैक्स नहीं देना होगा, जब तक आप अपनी इनकम नहीं कमाते तब तक मत दीजिए, कमाने के बाद इसके ऊपर अपना एडवांस टैक्स पे कीजिएगा, और साथ साथ में हम आपके देरी की वजह से आपके ऊपर इसके इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन बाकी सारे इनकम्स को एस्टिमेट करना आपके लिए जरूरी है और उसके ऊपर आपको अपना एडवांस टैक्स भी पे करना होगा। ये सारी बातें सेक्शन 207, 208, 209 में लिखी गई हैं और 211 में इसकी इंस्टॉलमेंट्स के बारे में बात की गई है। चार इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कि याद करना बहुत 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 आसान है। आप पूरे फाइनेंशियल ईयर को चार अलग अलग क्वार्टर्स में डिवाइड कर दीजिए। पहला क्वार्टर आता है अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर आता है जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा क्वार्टर आता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चौथा क्वार्टर आता है जनवरी फरवरी मार्च। तो चार क्वार्टर्स में डिवाइड कर दीजिए, हर क्वार्टर का आखिरी महीना उठा लीजिए, आखिरी महीना होगा जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च। इस आखिरी महीने की 15 तारीख आपके लिए ड्यू डेट बन जाती है इंस्टॉलमेंट पे करने की। उसका मतलब ड्यू डेट्स आती है हमारे पास 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। इन चार ड्यू डेट्स पे आपको अपना एडवांस टैक्स पैसा पे करना होगा। कितना पे करेंगे, पहली ड्यू डेट पे 15%, दूसरी ड्यू डेट पे 45%, तीसरी ड्यू डेट पे 75%, चौथी ड्यू डेट पे 100%। अगर आप इस तरीके से अपना एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो बल्ले बल्ले है, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा सेक्शन 234C के हिसाब से। सेक्शन 234C, सेक्शन 234B, सेक्शन 234A, तीन सेक्शन है हमारे पास इंटरेस्ट के। आइए जल्दी से एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट का ये चैप्टर हम लोग करके अपनी इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। सेक्शन 207 कहता है कि साहब आप अपनी इनकम को एस्टिमेट कीजिए और अपनी एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर अपना एस्टिमेटेड टैक्स कैलकुलेट कीजिए, जिसे हम लोग बोलेंगे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स हमेशा पे होगा आपकी करंट इनकम के ऊपर। करंट इनकम का मतलब है आपकी करंट एस्टिमेटेड इनकम। करंट एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करते समय आप कैपिटल गेन्स और कैजुअल इनकम्स को कंसिडर नहीं करेंगे। ये इनकम्स कंसिडर तब होंगी जब आप इनको कमा लेंगे। कमाने के बाद एडवांस टैक्स देना होगा, जब तक आप ये इनकम नहीं कमाएंगे आपको एडवांस टैक्स नहीं देना होगा। एडवांस टैक्स के लिए आपको अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। एडवांस टैक्स लायबिलिटी का मतलब है एस्टिमेटेड टैक्स में से अपना एस्टिमेटेड टीडीएस लेस कीजिए। अगर वो बैलेंस की फिगर 10,000 या 10,000 रुपए से ज्यादा होती है, इनफैक्ट 10,000 से ज्यादा होती है, तब आपको इंस्टॉलमेंट्स में अपना टैक्स पे करना होगा। इसका एक्सेप्शन केसेस है। एक्सेप्शन केसेस कौन सा है? पहला एक्सेप्शन केस, अगर कोई सीनियर सिटीजन है और वो बिजनेस इनकम नहीं कमाता है तो फिर उसको अपना एडवांस टैक्स चार इंस्टॉलमेंट पर नहीं देना है, आखिरी इंस्टॉलमेंट पर अपना टैक्स पे कर देना लमसम में। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति 44AD 44AE में अपनी प्रेजम्प्टिव इनकम फॉलो करते हुए अपनी टैक्स कैलकुलेशंस करता है तो उसे चार इंस्टॉलमेंट्स पर एडवांस टैक्स नहीं पे करना, वो सिर्फ आखिरी इंस्टॉलमेंट पे लमसम में अपना टैक्स पे कर देगा, काम उसका फर्स्ट क्लास से चल जाएगा। सेक्शन 209 कहता है, सेक्शन 209 बताता है कि आपने अपना एडवांस टैक्स लायबिलिटी किस प्रकार से कैलकुलेट करनी है। उसके आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जो कि मैं दो बार ऑलरेडी दोहरा चुका हूं। सेक्शन 211 आपको बताता है कि आपने अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। कैसे इंस्टॉलमेंट्स पे होंगी, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, ये ड्यू डेट्स कैसे आई,
याद करने का क्या तरीका है वो मैंने बता दिया। इन परसेंटेजेस को याद करने का कोई तरीका मेरे पास नहीं है। 15, 45, 75, 100 ये आपको रटना ही पड़ेगा। साथ साथ में मेरे बेटा सेक्शन 210, सेक्शन 210 मेरी नजरों में बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक टेस्ट सीरीज अभी आजकल ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, उसके अंदर भी टेस्ट सीरीज में मैंने सेक्शन 210 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको करवाया था। अगर आपने अपना एडवांस टैक्स पे नहीं किया है तो और असेसिंग ऑफिसर को के पास पावर है कि वो आपको नोटिस भेजे और नोटिस भेज के आपको फोर्स करेगा कि आप अपना एडवांस टैक्स पे कीजिए। अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया तो फिर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, आप एसएससी डिफॉल्ट बन जाएंगे, आपके ऊपर 234A, 234B, 234C का इंटरेस्ट लगेगा और साथ साथ में आपके ऊपर 140 सेक्शन के हिसाब से 100% की पेनल्टी भी चार्ज की जा सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, असेसिंग ऑफिसर जब आपको नोटिस भेजेगा तो उसके अंदर मेंशन करेगा कि आपकी इनकम कितनी है और आपने कितना एडवांस टैक्स पे करना था। अब मन में प्रश्न यह आता है कि साहब असेसिंग ऑफिसर को कैसे पता चलेगा कि मेरी इनकम कितनी है। कानून में लिखा गया है असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को एस्टिमेट करेगा। कितनी इनकम एस्टिमेट करेगा? जो आपने अपनी लेटेस्ट असेसमेंट आपकी हुई है उस लेटेस्ट असेसमेंट के अंदर जितने इनकम डिपार्टमेंट ने डिटरमिन किया था और उस असेसमेंट के बाद जो आपने आईटीआर शो में फाइल करी थी, लेटेस्ट आईटीआर के अंदर आपने जितने इनकम अपनी शो करी है वो इनकम, तो लेटेस्ट असेसमेंट की इनकम या उसके बाद लेटेस्ट आईटीआर की इनकम, दोनों में से जो भी हायर इनकम होगी उस हायर इनकम को लेते हुए आपको नोटिस भेजेगा असेसिंग ऑफिसर कि वो आपकी एस्टिमेटेड इनकम है, उसके ऊपर आप अपना पे कर दीजिए एडवांस टैक्स। ये नोटिस आपको फरवरी की आखिरी तारीख तक पहुंच जाएगा। सेक्शन नंबर 210 जल्दी से पढ़ते हैं। इफ असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी पर्सन इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स बट ही हैज नॉट पेड एडवांस टैक्स, देन ही मे पास द ऑर्डर्स रिक्वायरिंग हिम टू पे एडवांस टैक्स। सच ऑर्डर्स मस्ट बी सर्व्ड ऑन और बिफोर द लास्ट डे ऑफ द फरवरी स्पेसिफिक द डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स इन विच द एडवांस टैक्स शुड हैव बीन पेड। और साथ में नोटिस के अंदर वो मेंशन करेगा कि आपकी इनकम कितनी है। अगर आपने एडवांस टैक्स पे करना था लेकिन आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो यू विल बी नोन एज एन एसएससी डिफॉल्ट, आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा 234C, 234B का, आईटीआर सबमिट ना करने पे 234A का भी इंटरेस्ट लगेगा और साथ साथ में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी जो कि पेनल्टी 100% की हो सकती है। 100% किसका? 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स। ठीक है जी, तो ये लीजिए, यहां जाके ये हमारा पूरा का पूरा मैराथन फॉर द टैक्स का सब्जेक्ट इज कंप्लीट। मैंने इंटरेस्ट 234A, B, C का आपके साथ डिस्कस नहीं किया, माय ओपिनियन नॉट रिक्वायर्ड। सो मेरे बच्चे, यहां पे जाके हम लोगों ने अपना मैराथन कंप्लीट किया है। आई हैव कवर्ड एवरी चैप्टर। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एक चैप्टर है, लेकिन उस असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के चैप्टर के अंदर याद रखिएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थ्योरी कुछ नहीं है। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट पर आया हो तो आई शुड बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू। आई एम जस्ट वन फोन कॉल अवे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। प्रिपेयर हार्ड, वर्क हार्ड, प्रिपेयर हार्ड एंड आई वुड लव टू सी यू इन फ्लाइंग कलर्स। 2018 में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तीनों रैंक मेरे पास से आप देखिए, नीचे हम लोगों ने यहां पर रिजल्ट डिस्प्ले किए हुए हैं। 2019 मई के अंदर भी एक स्टूडेंट ने हमारा थर्ड रैंक स्कोर किया है, आप देख पाएंगे। अभी इसके बाद ये अभी पार्ट्स की फोटो अभी सामने आई आपके मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, यहां पे यस, ये दिस इज अ पर्सन हु स्कोर द थर्ड रैंक इवन इन मई 2019 एग्जामिनेशन। तो वी हैव बीन स्कोरिंग गुड रैंक होल्डर्स एंड आई एक्सपेक्ट यू पीपल ऑल्सो टू गिव मी सच रैंक्स इन द कमिंग टाइम। टिल द टाइम आई लिसन फ्रॉम योर साइड। Bye bye from my side. Good day to all of you. Best of luck to all of you. Work hard. आपके माता पिता वेट कर रहे हैं आपके सीए बनने का। Bye bye.